वो मैंने कराया, अब कर दिया मैंने उसको ऑटो रोटेट ऑन। पहले आप गलत कर रहे थे, उसमें टेढ़ी पिक्चर आती है, टेढ़ी आती है, हाँ टेढ़ी आती है, वो सही नहीं आता, इसलिए तो मैं कह रही हूँ उसको ठीक करके लगा दूँ। मेरे को दे दो, मैं लगा देती हूँ, निकाल ऑन किया है, ऑन करना चाहिए लाइव करने से पहले। हरे कृष्णा जनंजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितानेन तस्मै श्रीगुरवे नमः। आविर्भूत सकारुण श्रीवामन नारायण रूपानुग प्रगरुदो श्री केशव प्रिय भजे श्री गुरवे श्री गौरचंद्राय सपरिकारी युगल किशोराय च ब्रजधमाय पुरुषोत्तम क्षेत्राय राधावनाय च नमो नमः। वृन्दायै तुलसीदेवै प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्ति प्रदे देवी सत्यवत्तै नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं सबसे पहले अस्मदीय परम आराध्य गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद परमहंस स्वामी अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील वामन गोस्वामी महाराज एवं ओम विष्णुपाद परमहंस स्वामी अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज एवं प्रभुपाद सपरिकर प्रभुपाद सरस्वती ठाकुर एवं समस्त गुरुवर्ग के श्रीचरणों में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ।
तदनंतर मध्यस्वतीर्थ श्री भक्ति विदान तीर्थ महाराज श्री श्रीधर महाराज श्री नरसिंह महाराज उपस्थित दिदन्य सन्यासी समस्त वैष्णव एवं वैष्णवियों को यथायोग्य प्रणाम एवं सादर अभिनंदन। हम लोग इस मोहन नगर गाजियाबाद में हम दोनों गुरुवर्ग श्रील भक्ति वेदांत वामन गोस्वामी महाराज एवं श्रील भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के शुभ शतवार्षिकी महोत्सव उपलक्ष्य में उपस्थित हुए हैं। मैं सबसे पहले श्री विजय कृष्ण प्रभु से अनुरोध करता हूँ दोनों गुरुवर्ग के चरण में पुष्पांजलि प्रदान करें। श्री विजय कृष्ण प्रभु अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय राधिकायै प्रियात्मने श्री श्रीमद्भक्तिवेदान्त नारायण इति नामिने कृष्णलीलाकथने सुदक्षमोदार्य माधुर्यगुणैश्च युक्तम् वरं वरेण्यं पुरुषं महान्तं नारायणं त्वं शिरसा नमामि वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव शति गौर भक्तवृंद हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभान सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। हरे कृष्णा सब लोग बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोलो श्री गुरु महाराज की जय। सबसे पहले मैं अपने परम आराध्यतम श्री गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टपद श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणारविंदों में नंत कोटि बार चाटानंद प्रणाम समर्पित करता हूँ। तत्पश्चात शिक्षा गुरुदेव नित्यला प्रविष्ट विष्णुपाद अष्टोत्त शिष्य भक्ति वेदांत श्रील वामन गोस्वामी महाराज जी के चरणारविंदों में भी अनंत कोटि बार चाटानंद प्रणाम समर्पित करता हूँ। तत्पश्चात मंचासीन परम पूज्यपाद श्रीमद भक्ति वेदांत माधव महाराज परम पूज्यपाद भक्ति वेदांत श्रीधर महाराज परम पूज्य भक्ति वेदांत नरसिंह महाराज परम पूज्य भक्ति वेदांत श्री त्रिविक्रम महाराज एवं अन्य अन्य श्री वैष्णव और श्री वैष्णवियों के चरणों में भी मैं पितायों के दंडोत प्रणाम समर्पित करता हूँ। हम लोग परमाराध्यतम गुरुवर्गों की गुरुदेवों की शतवार्षिकी महोत्सव मना रहे हैं। इसी श्रृंखला में गाजियाबाद में श्री मोहन नहर में श्री गुरुदेव की और श्री वामन गोस्वामी महाराज जी की महिमा गुणावलियों की स्मृति स्वरूप ये शतवार्षिकी महोत्सव सभा आयोजित किया गया है। तो इसीलिए ये हम लोगों का परम सौभाग्य का दिन है कि गाजियाबाद में विशेष रूप से मोहन नहर में श्री गुरुदेव की इस महिमा को सुनने का सुयोग हम लोगों को मिला है। यहाँ के हमारे श्री राजकुमार प्रभु जी ने बड़े मेहनत से पूज्यपाद श्री भक्तिवेदांत श्रीधर महाराज जी के अनुगत्य में और जीत प्रभु श्री ऋषि प्रभु श्री दामोदर प्रभु श्री संजय वशिष्ठ जी एवं अन्य अन्य सभी भक्तों के सहायता से श्री गाजियाबाद में सुंदर सभा एवं आयोजन जो है ये संपन्न हो रहा है। और श्री गुरुवर्गों के जो कृपा पात्र जन हैं जो निजजन हैं
उन महाराजियों के अनुगत्य में हम लोग जो हैं ये तिथि को मना रहे हैं। हम लोगों का जो जन्म जो है गुरु की महिमा को स्मरण करने में ही जीवन की सार्थकता है। जितने दिन और जितने समय हम गुरुवर्गों की महिमा को हम यदि स्मरण कर सकें और यदि उस महिमा को हम कीर्तन कर सकें उसी में ही हम लोगों की जन्म की सफलता है। तो इसीलिए ये जो शतवार्षिकी महोत्सव है ये वास्तव में बहुत ही एक सुंदर सुयोग है कि जिसमें हम लोग जो हैं गुरुवर्गों की महिमा को विशेष रूप से हम लोग स्मरण कर सके। श्री वामन गोस्वामी महाराज जी की शतवार्षिकी साल है और साथ में श्री गुरुदेव की भी शतवार्षिकी साल है। किस प्रकार से इन दोनों महापुरुषों ने साधन भजन किया, किस प्रकार से परम गुरुदेव श्री श्रीमद भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी की किस प्रकार से इन लोगों ने सेवा किया और किस प्रकार से साथ साथ रहते हुए बहुत समय तक परम गुरुदेव की इस विचारधारा को उन लोगों ने संरक्षित किया, चलाया और जिसके परिणाम स्वरूप वर्तमान समय में पूरे विश्व में सब जगह ही श्रील प्रभुपाद जी की और विशेष करके परम गुरुदेव की जो वाणी है सर्वत्र ही प्रचारित है। तो इसलिए हम लोग देखते हैं कि श्रील वामन गोस्वामी महाराज जी जो हैं परम गुरुदेव के बहुत ही निकटतम रूप से उनकी सेवा किया, सब प्रकार की सेवा किया। बाद में परम गुरुदेव ने श्रील वामन गोस्वामी महाराज जी को ग्रंथों की सेवा में लगाया कि तुम ग्रंथों की सेवा में लगो। तो श्री वामन गोस्वामी महाराज जी के बारे में श्री गुरुदेव से हम सुनते हैं कि श्री महाप्रभु के जन्म तिथि का दिन है, कल ही पत्रिका जो है छापनी है तो यात्री लोग वापस जा रहे हैं, तो उससे पहले ही परम गुरुदेव जो हैं सभी लोगों से वे बात कर रहे हैं। और दूसरी तरफ श्रील वामन गोस्वामी महाराज जी जो हैं परम गुरुदेव से डिक्टेशन ले रहे हैं और जैसे जैसे परम गुरुदेव बोल रहे हैं तो श्री वामन गोस्वामी महाराज जी जो हैं साथ ही साथ उसको लिख रहे हैं। तो लिखते हुए कोई भूल त्रुटि नहीं, सीधा उसको प्रेस में ले जाकर के सीधा छापना ही बाकी है। श्री वामन गोस्वामी महाराज जी पूरी पूरी रात जो है वो प्रूफ रीडिंग में और उसको छापने में सब प्रकार से लगा देते थे और दूसरे दिन जो है डेडलाइन से पहले ही पत्रिका छाप करके परम गुरुदेव के पास दे देते थे। इस प्रकार से ग्रंथों की सेवा में और प्रेस की सेवा में श्री वामन गोस्वामी महाराज जी दिन रात नियुक्त थे और सब प्रकार से सेवा करते थे। तो गुरुदेव से हम सुनते हैं श्री वामन गोस्वामी महाराज जी जो हैं बहुत ही निकट थे, बहुत ही वो शही स्वभाव के थे, शर्मीले थे, तो वे बाहर जाना इतना ज्यादा पसंद करते नहीं थे। तो श्री गुरुदेव से सुनते हैं हम कि परम गुरुदेव ने कुछ सालों के बाद श्री वामन गोस्वामी महाराज जी से कहा कि तुम बाहर प्रचार करने निकलो,
तो तब श्री रामानंद गोस्वामी महाराज जी ने मना किया कि मैं बाहर नहीं जाऊंगा, आपको छोड़ के मैं पल भर भी रह नहीं सकता, मैं बाहर प्रचार में नहीं जाऊंगा। तो परम गुरुदेव ने श्री वामन गोस्वामी महाराज जी को जबरदस्ती उनको कहा कि तुम निकलो, तुमको जाना पड़ेगा, तुम बैठे रहोगे, ये प्रचार कार्य और ये संस्था का ये जो कार्य जो है ये संपन्न नहीं होगा, तुमको निकलना ही निकलना है। तब श्री वामन गोस्वामी महाराज जी ने परम गुरुदेव से कहा कि मैं निकल तो जाऊंगा किंतु वापस मैं नहीं आऊंगा, सब समय में प्रचार में ही रहूंगा। तो श्री गुरुदेव से हम सुनते हैं कि तब से जब वो निकले तो सब समय बाहर बाहर प्रचार में ही वो प्राय करके रहते थे और बहुत कम समय के लिए नवद्वीप में श्री देवानंद मठ में आते थे। तो श्री वामन गोस्वामी महाराज जी ने श्री गौड़ी वेदांत समिति की जिम्मेदारी संभाली, संभलते हुए जगह जगह जाकर के प्रचार किया, विशेष करके बंगाल में कठिन से कठिन प्रांतों में जाकर के उन्होंने संभाला और सब प्रकार से प्रचार किया और बड़े मुश्किल से मुश्किल कहीं कहीं तो पानी नहीं, पुकुर में जाकर के स्नान करो, कहीं ज्यादातर तो कहीं भी बिजली भी नहीं रहती थी, तो बड़े मुश्किल से उन्होंने बंगाल प्रचार भी किया, सिलीगुड़ी साइड में भी किया, असम में भी किया और ये उत्तर भारत में भी समय समय पर जितने जो मठ मंदिर थे सब जगह जाकर के प्रचार प्रसार किया। तो ज्यादातर मठ में नहीं रहने के कारण प्रारंभ में मठ मिशन की जो मैनेजमेंट है वो गुरुदेव ही जाकर के संभालते थे। ये परम गुरुदेव के नित्य लीला में प्रवेश करने के बाद श्री गुरुदेव लगभग 16-17 साल लगातार जो है 6 महीना श्री नवद्वीप धाम में और 6 महीना श्री मथुरा धाम में रहते हुए पूरे गौड़ी वेदांत समिति का जितना जो मैनेजमेंट है, मठ मिशन मंदिर संभालना चलाना और सब प्रकार के ब्रह्मचारियों को देख रेख, कौन से ब्रह्मचारी कौन से मठ में जाएगा, किसके पास जाएगा और जितनी शिकायतें जितनी समस्याएं सब कुछ जो है श्री गुरुदेव संभालते थे। तो श्री वामन गोस्वामी महाराज जी प्रचार कार्यों में, श्री गुरुदेव जो है मठ मिशन और मंदिर के मैनेजमेंट देखने और समस्त ब्रह्मचारियों को सिखाने में, देवानंद मठ में रहते थे तो सभी लोगों को श्री गुरुदेव ही सिखाते थे, जितने प्रकार के शास्त्र और विशेष करके गौड़ीय वैष्णवों के जो सांप्रदायिक जो विचार है सब कुछ श्री गुरु महाराज जी सब लोगों को सिखाते थे। तो इसलिए प्राय सभी लोग श्री गुरुदेव को शिक्षा गुरु के रूप में मानते थे और ये स्वीकार करते भी थे कि हमने श्री गुरुदेव से ही वास्तव में सब सिद्धांत विचार सब कुछ सीखा। गुरुदेव भी सभी लोगों को सिखाते थे, साथ साथ सब लोगों से पूछते भी थे और सबसे वे बुलवाते भी थे कि तुम लोग बोलो और नवद्वीप में कहो या मथुरा में कहो और सब जगह ही श्री गुरुदेव जो हैं सारे छोटे छोटे बच्चों को और सभी लोगों को प्राय श्री गुरुदेव ने सिखाया है। विशेष करके गुरुदेव ने जो समस्त वक्ता जो वर्तमान समय में जो हम लोग देखते हैं सब लोगों को लगभग श्री गुरुदेव ने ही बोलना सिखाया, समझना सिखाया, शास्त्रों में प्रवेश करना सिखाया। तो श्री वामन गोस्वामी महाराज गुरु महाराज
साथ में परम पूज्य नित्यलाप विष्ट शिष्य भक्ति वेदांत श्री त्रिवृत्तम गोस्वामी श्री महाराज जी, ये तीन लोग मिलकर के श्री गौड़ी वेदांत समिति को संभाला और हाँ बस हो गया। परम गुरुदेव की सबने मिलके सेवा की और तीनों में इतनी प्रीति रही, इतना घनिष्ठ संबंध रहा कि अप्रकट काल के समय में भी श्री त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज जी के हाँ अप्रकट तिथि को ही श्री वामन गोस्वामी महाराज जी ने स्वीकार किया कार्तिक महीने में, और श्री गुरुदेव ने भी श्री वामन गोस्वामी महाराज जी के आविर्भाव तिथि को ही स्वीकार करते हुए गुरु महाराज जी ने भी वे अपनी जो अप्रकट जो लीला है उसको श्री गुरुदेव ने आविष्कार किया। तो हम लोग देख सकते हैं कि किस प्रकार से तीनों में घनिष्ठ संबंध था। ये 15 साल भी देखो दोनों का साथ साथ नहीं हो रहा है, तो इसलिए क्या इनकी प्रीति थी और किस प्रकार से तीनों ने मिलकर के परम गुरुदेव की सेवा की। तो इसलिए हम लोग श्री महाप्रभु के जो निजजन और श्री राधा जी के निजजनों के चरणों में हम लोग बारंबार प्रार्थना करते हैं कि वे हम सब लोगों पर कृपा करें ताकि हम लोग भी इसी प्रकार से श्री गुरु वैष्णव की सेवा कर सके। बोलो श्री गुरु महाराज की जय, श्री वामन गोस्वामी महाराज की जय, श्री त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज की जय। प्रेमानंदे हरि हरि बोल। श्री बन महाराज जी पधार रहे, श्री बन महाराज की जय। आप लोगों ने विजय प्रभु से श्रवण किया, हमारे परम गुरुदेव डिक्टेशन देते, हमारे गुरु महाराज लिखते, न डिक्टेशन में भूल है न लिखने में। तो मैं गुरुदेव से पूछा ये कैसे संभव होता है, तब गुरुदेव ने बताया देखो जो सदगुरु होते हैं वो व्यास के अभिन्न व्यास अवतार होते हैं। ऐसे ही भक्ति प्रज्ञान हमारे परम गुरु यानी गुरुदेव के गुरुदेव श्री भक्ति प्रज्ञान के सब गोस्वामी महाराज अभिन्न वेशावतार है, उसका बोलने में भूल नहीं। और बोले तुम्हारे गुरु जी गुरु महाराज श्री भक्ति वेदांत वामन गोस्वामी महाराज ये गणेश उनके, इसलिए लिखने में भूल नहीं है। और विजय प्रभु गांव प्रचार के बारे में बताया, उस समय तो बिजली थी ही नहीं कहीं गांव में, हम भी अभी बंगाल गांव में गए बहुत जगह बिजली है तो सबसे नहीं रहती, तालाब में सब हम लोग को नहाना पड़ा। और श्रील तिमितमा ये तिथि में गुरु महाराज क्यों प्रकट हुए, इसका कारण है श्रील तिमित महाराज जी कभी कोई शिष्य नहीं बनाते। जब तिमित अप्रकट के बाद हमारे गुरु महाराज ने सोचा उनका तो कोई शिष्य नहीं है, उनके तिथि का तो कोई मनाएगा नहीं, अगर मैं उसी तिथि में मैं अप्रकट हूँ तो सब लोग जब मेरा तिथि मनाएगा उनके भी स्मरण करने के लिए बाध्य है, इसलिए गुरु महाराज तिथि को चुना। और गुरुदेव तो गुरु महाराज तिथि में व्यास पूजा में अप्रकट हुए जानते हैं। जब गुरुदेव पहले मठ में आए हमारे गुरु महाराज स्टेशन से लाए थे, जाने का समय अब चलिए अब आपको विनोद मंजूरी बुला रहे हैं, अब सेवा में जाना है। अब मैं श्री पूज्यपाद त्रिविक्रम महाराज से अनुरोध करता हूँ गुरुवर्ग के चरणों में पुष्पांजलि प्रदान करें श्री त्रिविक्रम महाराज। हरे कृष्ण हरे वंदन श्री गुरु सुजात पदकम श्री गुरु वैष्णव सशिवपुर सकृजातम सहगुण जगुनाथ रतन तम सदिव साधयतं सावधतं परिजन संगतं कृष्ण चैतन्य देव श्री राधा कृष्ण पादं सर्वं दास विशाखितम नीलाचल निवासाय नित्य परमात्मन बलभद्र सुभद्राभ्यं जगन्नाथाय तनो वागीशस्य वदनं लक्ष्मी सदृक्षस्य शास्त्रेण समेतं नेश्य भूमि वंदे वृंदाय तुलसीदेवे प्रियाय कृष्ण विष्णु कुरुदेव शक्तिवतनाम श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्रीअद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तिवृंद हरे कृष्ण 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 हरे हरे
हरे राम 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 हरे हरे। सर्वज्ञ मध्य गुरुपाद भगवान तुला पेशर नमस्ल भक्ति विकास महाजी महाराज दंड प्रणाम के देख प्रार्थना मैं देख प्रार्थना तत्पश्चात परम गुरु पद श्री भक्ति स्वरूप पूर्वोत्तम श्री महाराज तत्पश्चात आज हम लोग जिनके शतवार्षिक मना रहे हैं जगद्गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद तत्परिकर सबे सबके चरणों में दंड प्रणाम की प्रार्थना। मैं सभा के सभापति महोदय भक्ति माधव गोस्वामी महाराज भक्ति सिद्धा महाराज भक्ति वृंदावन महाराज नासिक महाराज धन्यवाद ब्रह्मचारी मातृबृंद सबके चरणों में दंड प्रणाम की प्रार्थना। जो कि महाराज लोग हम तो बहुत नज़दीक नहीं थे महाराज जी के, ऐसे दर्शन करते थे दंड प्रणाम करते थे, वैष्णव के मुख में जो मैं सुना हूँ इतना ही बोल रहा हूँ। महाराज जी के जीवन चरित्र बड़ा अद्भुत, महाराज सब प्रकार वातावरण को लेके गौड़ीय मठ में प्रवेश किए थे। पहले तो अपने गृहस्थ जीवन और सरकारी चाकरी किए थे, ऐसे प्रभु जी बोल गए बहुत कुछ। बामन गोस्वामी महाराज को गौड़ीय मठ के डिक्शनरी बोलते थे। महाराज की बहुत मैंने स्मरण शक्ति बहुत तेज था, और प्रभुपाद जी के समय में वो आए हैं, प्रभुपाद से हरिनाम भी लिए हैं, भक्ति इंस्टीट्यूट में पढ़ते थे। जो मैं सुना हूँ बोल रहा हूँ ऐसे मैंने कभी। महाराज जी जब प्रभुपाद पूछे जे इस बार ये एग्जाम में एक लोग पास किया है और क्या तुम्हारे नाम में होगा, तो बामन महाराज बोले थे जो भी पास किया है वो आपकी दासी होगा और कोई नहीं है। जबकि उस समय ब्लॉक में जो नदिया ब्लॉक में जब प्रथम स्थान अधिकारी किए थे बामन गोस्वामी महाराज, प्रभुपाद के चरण में उनमें बहुत दिन कटाए, उसके बाद फिर भक्त प्रकरण केशव गोस्वामी महाराज के आज दीक्षा ग्रहण करके जनार्दन महाराज के अतिरिक्त मित्र थे, भक्ति जीवन जनार्दन महाराज जो प्रभुपाद जी के शिष्य थे। और हमारे गुरुजी जो भद्रक में थे, एक मठ भद्रक में पाए थे कोरंट मठ, उसको भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज को प्रदान किए। महाराज जी बामन गोस्वामी महाराज सब आए थे वो सब। हाँ, और जब कोई भद्रक में कोई शिष्य आसपास में होते थे, महाराज जी नहीं करके बामन गोस्वामी महाराज से चिट्ठी लेके एक पत्र लेके भेजते थे, जाओ वहीं दीक्षा ले लो, यहाँ लेने से फिर कोई। और गोविंद प्रभु को जानते हैं प्राय, गोविंद प्रभु जब आए उनके पिता माता बहुत तंग किए, महाराज जी एक पत्र लिखे दे दे बामन गोस्वामी महाराज से, जाओ दीक्षा ले लो, और जाके वहाँ नवद्वीप में दीक्षा लेके यहाँ प्रचार करते थे योग में। ऐसे ही पहले आचार्यों का प्रति बहुत अपने घनिष्ठ प्रति था, उनमें कोई भेद बुद्धि नहीं था, जो ये किनका शिष्य ये आचार्य ऐसे नहीं था। और महाराज जी के बारे में क्या है, महाराज तो बहुत नारायण गोस्वामी महाराज में सुना हूँ जो है कि महाराज जी शासन भी करते थे, जैसे हमारे रूप गोस्वामी पास लिखे अन्य अभिलाषा सुन ज्ञान कर्म धना वेतम आनुकूल्य न कृष्णानुश में भक्ति रोत्तमा। इसमें आनुकूल्य शब्द का जो है कृष्णानुश में भक्ति रोत्तमा, इसमें बोला गया जी जसोदा महारिणी जैसे भगवान कृष्ण को छड़ी में पीटते थे और चारों मुष्टि का आलिंगन करते थे, पर आलिंगन भक्ति नहीं है, किंतु जसोदा महारानी जो छड़ी में पीटते थे वो भक्ति, ऐसी ही महाराज जो शासन करते थे वो भक्ति मार्ग था। क्योंकि जो ब्रह्मचारी आए हैं वो भविष्य में उत्तम ब्रह्मचारी बने और उत्तम कथा करे, जैसे बहुत प्रचार हो जाए महाप्रभु की वाणी प्रचार होने के लिए शासन करते थे। क्योंकि साधारणतः हम लोग जानते हैं जब बालक लोग क्या करते हैं, आप लोग बैठे सुनते हैं वो लोग खेलते हैं, बालानाम क्रीडानाम प्रियम, जैसे बाल स्थावल क्रीड़ा सकते, तरुण स्थावल तरुण सब, तो वृद्धा स्थावल चिंता सकता हूँ
परब्रह्मणी कोपे न सक्तम भज गोविंदम भज वंद गोविंदम भज मनमते। ऐसे बालक समय खेल में जाता है, पढ़ने नहीं आता, क्योंकि पिता माता उसको जबरदस्त किसी प्रकार पढ़ाते हैं और पढ़ते पढ़ते वो भी खुद सोच लेते हैं। ऐसे माया संसार ऐसे दुष्कर है, बद्ध जीव उसे संसार में डूबने चाहता है, परंतु आचार्य लोग इतने कृपाणु है, ये लोग सब कुछ छोड़ छाड़ के भगवत धाम कैसे ये लोग बालक अवस्था से, क्योंकि जब वो ये संसार में डूबता है उसका अवस्था बालक अवस्था है, परमार्थ की जो आता है तब उसका उम्र गिना जाता है, आज एक साल हुआ, दो साल हुआ, तीन साल हुआ, ऐसे ही ये आचार्य जो थे परम कृपाणु और ये भगवान के निजजन, ये लोग आते हैं, इनको काम है जद्धाम जो धाम जाने से फिर लौटना नहीं पड़ता, भगवान खुद बोले जदगत्वा न निवर्तते तथाम परम भव। परंतु ये क्यों आते हैं, भगवान उसको भेजते हैं जाओ माया संसार में डूब रहे ये हमारे सब संतान है विष्णु अपत्यपिमान, इसीलिए इनको सब हमारे पास लाओ। ये आचार्य लोग अपने गृहस्थ लीला में आते हैं और नर पप में पैदा जन्म हो के कोई मंजरी है कोई सखी है पैदा हो के फिर ये लोग हम लोग को धीरे धीरे वहीं खींच लेते हैं। जैसे कि न्याय है आमिष बड़ी से न्याय, इसी तरह कोई देवता आएगा तो उसको कोई विश्वास नहीं करेगा, उसके साथ जाएगा नहीं, तो भगवान भी नर रूप में पैदा होते हैं जन्म लेते हैं। ऐसे आचार्यगण अपने भगवत धाम से नर रूप में जन्म हो गए, हम जैसे देखने के लिए हम जैसे करने सब करके भी दिखाते हैं जो अपने दिव्यता, उसी दिव्यता में हम लोग आज जो हम लोग यहाँ बैठे हैं, ये गुरुजनों की आचार्यों की कृपा प्रभुपाद जी की अशेष कृपा, ठीक है, आज हम लोग सारा पृथ्वी में प्रचार प्रसार हो रहा है। जो 11 तारीख जो जन्मतिथि था उसमें मैंने रूप सनातन गौड़ीय मठ और गोपीनाथ भवन में था, उसमें सुना जी महाराज जी की कृति भक्ति नारायण गोस्वामी महाराज ब्रज के महाप्रभु जी की जो बाणी ब्रज के लुप्त तो उद्धारण में महाराज बहुत सहयोग किए हैं, मैंने भी खुद चौरास को उस परिक्रमा में देखा हूँ, बहुत जगह महाराज के नाम ले रहे थे, जैसे हमारे आप लोग जाएंगे गोकुलानंद मंदिर के लोकनाथ मंदिर समाधि का जो संस्कार वहाँ उद्धव क्यारी, ऐसे बहुत जगह महाराज जी संस्कार किए जो कि महाप्रभु की वाणी थे, लोकपुत तीर्थ उद्धार से महाराज सहयोग किए, रमेश बाबा भी बोलते हैं पाए महाराज को महाराज बहुत सहयोग किए, और महाप्रभु की वाणी जो पृथ्वी जता से नगर ग्राम सर्वत्र हो प्रचार, इसमें भी महाराज जी सारा पृथ्वी घूर के सब जगह भगवत नाम प्रचार किए। ऐसे महाराज जी की विषय में क्या बोलूँगा, आचार्यों का विषय में बोलना तो दुष्टता है, कुछ कुछ जो उचिष्ट जो मैं सुना हूँ वैष्णवों का उसी को बोल रहा हूँ, और जो महाराज लोग जो कर रहे हैं आप लोग जो सहयोग दे रहे हैं ये बहुत बड़ी बात है। इसमें भागवत में लिखा गया नाहंग इच्छा प्रजाति भी हो तपस्वनवा तुष्यम सर्वभूतात्मा गुरु शुश्रूषाता, गुरुदेव की सेवा करने से गुरु तिथि मनाना गुरु जी की सेवा करना, मैं जितने प्रसन्न होता हूँ भगवान खुद बोल रहे हैं इतने प्रसन्न हमारे पूजा सेवा तपस्या में नहीं होता हूँ, इसलिए आप लोग धन्य हैं और हम भी आप लोग को बीच में आया हूँ, और महाराज जी लोग उनके कथा सुन रहा हूँ। महाराज जी के शिष्यों में हरे कृष्णा, आप लोगों ने त्रिविक्रम महाराज जी से श्रवण किया, हमारे गुरु महाराज जी बहुत तीक्ष्ण मेधा के थे, गुरु महाराज जी का ब्रह्मचारी नाम था सज्जन सेवक ब्रह्मचारी और भक्ति विनोद इंस्टीट्यूट में पढ़ते थे, हेड टीचर चेंज होते रहते हैं, जब नए हेड टीचर आए और पहले हेड टीचर लोग अधिक इंग्लिश ही पढ़ाते थे, हाथ में छड़ी रहता, इस समय तो कोई छड़ी भी शब्द गया, शासन मान तो कोई चीज नहीं है। जब नए हेड टीचर आए पूछा फास्ट बॉय कौन हाथ उठा, गुरु महाराज हाथ उठा स्टैंड अप उठे, टेक्स्ट पढ़ो,
गुरु महाराज जी ये इंग्लिश बुक हाथ में नहीं लिया, मैं तुम्हें टेक्स्ट पढ़ने बता रहा हूँ, क्यों नहीं किताब ले रहे हो? तब भी नहीं लिया। हमारे बीजेपी बता रहे थे ना, श्री वामन जैसे स्वभाव से ही लजालू थे। तीसरे बात जब बोला क्या तुम बह रहा हो, सुन नहीं पाते हो, तब सेकंड थर्ड बाय हाथ उठाया, तुम लोग हेड टीचर डांटा, क्यों हाथ उठाया? बताया शायद उनका टेक्स्ट बुक जरूरत नहीं है क्या? मैं इंग्लिश प्रोज पढ़ने के लिए बता रहा हूँ, पोएट्री या पोएम नहीं। बोले यस सर, उसके प्रोज और पोएट्री हो कोई किताब जरूरत नहीं है। तब गुरु महाराज से हेड टीचर पूछा ये क्या सच बात है? तो गुरु महाराज ने बताई यू हैव डाउट प्लीज रूल इट आउट, आपका कुछ संदेह हो निराकरण कर ले। बोले इंग्लिश प्रोज हो, पोएट्री हो, मैथ हो, हिस्ट्री हो, जियोग्राफी हो, बंगला हो, मुझे केवल डेट बता दीजिए, मैं पढ़ा बता देता हूँ। एक बार सुनते या पढ़ते कोई भूलते नहीं थे, इतने कितने मेधावी थे। अब मैं श्री नरसिंह सुनूल करता हूँ, गुरुवारों के चरण में पुष्पांजलि प्रदान करें श्री नरसिंह महाराज। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये, कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आकाशं पतितं तोयं यथा गच्छन्ति सागरं, सर्वदेव नमस्कारं केशवं प्रति गच्छति। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सबसे पहले मैं मदीय दीक्षा गुरुदेव शिक्षा गुरुदेव नित्य लाभ कृष्ण विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीष्म भक्ति वेदांत वामन गोस्वामी महाराज नित्य लाभ कृष्ण विष्णुपाद अष्टोत्तर शास्त्रीय भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरण कमलों में अनंत कोटि श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पित करता हूँ। तत्पश्चात पूज्यवाद माधव महाराज, पूज्यवाद बन महाराज, पूज्यवाद श्रीधर महाराज, शांत महाराज, रुद्रम महाराज, विजय प्रभु, संजय प्रभु, सभी को शत शत नमन प्रणाम। सभी भक्तवृंद, श्रोतृवृंद, आप लोगों का भी सभी पूज्यथाय का प्रणाम। आज यहाँ पर गाजियाबाद मोहन नगर में हम लोग हमारे दोनों गुरुवर्गों की जन्म शताब्दी मना रहे हैं। तो महापुरुषों की और भगवान की जन्मतिथि में कोई फर्क नहीं, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो व्यक्ति तत्वतः। भगवान के लिए जो कहा है महापुरुषों के लिए भी ऐसा ही समझना चाहिए, क्योंकि भगवान जैसे इस जगत में आकर के अनुग्रहाय भक्तानां तो करोमि विविध क्रीड़ा, भक्तों के ऊपर अनुग्रह करने के लिए आके विविध प्रकार लीला करते हैं, तो कभी कभी अपने प्रिय भक्तों को भेज करके यहाँ पर इस जगत में ऐसी लीला करते हैं। तो जिनका बहुत सौभाग्य होता है वो ऐसे महापुरुषों के साथ जिनको जुड़ने का, संग प्राप्त करने का, श्रवण दर्शन का उनको ऐसा सौभाग्य प्राप्त होता है। तो इसी कड़ी में हम लोग दोनों ये महापुरुषों के दर्शन स्पर्शन, उनके संगीजनों के दर्शन स्पर्शन, हमको सत्संग उनको सुनने का मौका मिला, क्योंकि अनंत जन्मों में माता पिता मिल सकते हैं, अनेक जन्म में माता पिता पावा जाए, गुरु वैष्णव नहीं मिले भजे ही आए। अरे प्रत्येक जन्म में हमारे जितने जन्म हुए जिस योनि में गए उसमें तो माता पिता के बिना हमारा तो जन्म हुआ नहीं, तो प्रति जन्म में हमारा माता पिता कोई प्राप्त होता है, किंतु भगवान और भगवान के भक्तों का दर्शन दुर्लभ होता है।
इसलिए दुर्लभ मानुष देहो देहिनाम शन भंगुर तत्रापि दुर्लभम मन्य वैकुंठ प्रिय दर्शन। वैकुंठ प्रिय दर्शन मतलब वैकुंठ के प्रिय दर्शन, भगवान के भक्तों के दर्शन, वो भी बड़ा दुर्लभ है। तो इसलिए ऐसे महापुरुषों के साथ जिन्होंने लौकिक सद्बंधुत्व व्यवहार, अरे भगवान है बहुत बड़े हैं तो है, किंतु हमारे साथ उनका क्या संबंध है। हमको इसलिए कहा विश्रम भेन गुरु सेवा, देखिए संभ्रम और एक विश्रम दो शब्द है। संभ्रम मतलब वो बड़े हैं ऊंचे हैं गुरु हैं, हम छोटे हैं, हम उनकी सेवा करनी चाहिए, वो राजा है हम प्रजा हैं। और एक होता है विश्रम भेन गुरु सेवा, कि हमारे साथ में जैसे आपस में परिवार में कितना भी बड़ा हो कोई व्यक्ति, चाहे पिता हो तो पहले पहले तो बच्चों का संभ्रम भाव रहता है, बाद में पिता है, चाहे पिताजी हमारे प्रधानमंत्री बन जाए तो हमारे पिता है, उनके लिए कोई संभ्रम भाव नहीं होता है। विश्रम भेन, इसको लगा विश्रम भेन गुरु सेवा, तो ये विश्रम मतलब संभ्रम नहीं, कोई दूरता नहीं, निकटता के साथ जिन्होंने ऐसे गुरु वैष्णव भगवान की सेवा, भगवान को भगवान गोपिया जो ब्रज के हैं वो कभी भगवान कृष्ण भगवान है तो उनको कोई भगवान मानता है, वो लौकिक सद्बंधु, इसको कहते लौकिक सद्बंधु, हमारे माता पिता भाई बंधु पुत्र पति प्रियतम, इस रूप में अगर भगवान और गुरु के साथ भी इस प्रकार हमारे पिता के समान और फिर उसमें ऊपर जाते तो वो तो ब्रज के कोई कृष्ण के राधा रानी के परिकर हैं, इस रूप में अगर जो संबंध होता है और फिर लौकिक सद्बंधुवत जो सेवा होती है वो जो है वो बहुत बड़ी बात है। फिर भी साधारण रूप से ऐसे महापुरुषों के जो उन्होंने यहाँ पर भक्तिवेदांत वामन गोस्वामी महाराज, भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी महाराज, इनका जो पहला मिलन है या उनके साथ में जो जो भी अपने गुरु जी के साथ जैसे से मिलता है, किसी के साथ कैसे, किसी के साथ कैसे, सबका अलग अलग रूप में गुरु के साथ में भेंट होता है। कौन कहाँ जन्मा, कौन कहाँ जन्मा, कौन कहाँ पर है, कौन किस देश का है, कौन किस भाषा का है, देखो अलग अलग भाषा के अलग अलग देश के अलग अलग प्रांत के होकर के एक साथ में, इसको कहते हैं गॉड रिलेशन। एक होता है ब्लड रिलेशन, जो हमारे नाते संबंधी रिश्तेदार होते हैं, वो नाते संबंधी रिश्तेदार हमारे कब तक शरीर के साथ संबंध है तब तक हमारे नाते रिश्तेदार है, और हमारा शरीर खत्म नाते रिश्तेदार खत्म, और हमारे गुरु वैष्णव भगवान ये हमारे आत्मा का संबंध वाले हैं, इनका संबंध हमारा शरीर छूटेगा तभी हमारा संबंध बना रहेगा, इसको याद रखना। जो हमारे गुरु वैष्णव के साथ जो संबंध है हमारे शरीर का संबंध नहीं, हमारा आत्मा का संबंध है, ये नाते रिश्तेदार इसको कहते हैं इसको ब्लड रिलेशन, और हमारे साथ में हम लोग बोलते हैं गॉड, हमारे गुरु भाई गुरु बहन है, तो ये क्या है गॉड रिलेशन, ये भगवत संबंधी संबंध होने से इसको गॉड रिलेशन कहते हैं। ये हम लोग का इसको जात पात जाति धर्म रंग इसमें से कास्ट ग्रेड कोई बात नहीं आते हैं, तो इसको कहते हैं ये बहु जन्मों की बात होती है, बहु जन्मों के बहु नाम जन्म नाम अंत ज्ञान वाहन प्रपदंते वासुदेव सर्वमिति सब महात्मा से दुर्लभ होता है। बहुत जन्मों के बाद ज्ञान उपलब्ध होगा तब पता चले कि हम वासुदेव सब कुछ है, जगत के सभी धर्ता कर्ता करे क्या, कर तुम अकर तुम अन्यता कर तुम, सर्वदिष्टा सर्व साक्षी सर्व सुहित, सबका सुहित हमारे अंदर में जाके बैठ के हमारा सब नोट करने वाले, हम सोचने से पहले हम सोचते हैं और सोचने से पहले सोच भी नोट करने वाले भगवान होते हैं, हम तो सोचेंगे जो बोलेंगे बाद में, पर बोलने से पहले सोचते हैं, तो सोच भी हमारे नोट करने वाले भगवान हैं और गुरु वैष्णव हैं। इसलिए ऐसे हमारे पूज्य बावन गोस्वामी महाराज जी बालक बालक पल में, अभी तो मात्र 9-10 साल के हैं, तो माँ ने अलग अलग मठ में छोड़ दिया गुरु जी को दे दिया, बालक है, तो देखो बचपन से सज्जन से ब्रह्मचारी सब गुरु वैष्णव की सेवा करते थे, सब वैष्णव की सेवा, नारद जी जैसे बचपन में साधु संघ की सेवा की थी ना, भागवत में नारद जी को उपाख्यान अपना सुनाते हैं व्यास जी को, देखो मैं भी बचपन में मेरी माता थी, माता साधुओं की सेवा करती थी, मैं भी उनकी छुट्टी पत्र खा के, देखो साधु संघ क्या लक्षण बताए, नारद जी अपने स्वयं को उपाख्यान बताए, ऐसे हमारे गुरु जी भी भक्तिवेदांत वामन गोस्वामी जो बचपन में उनको मठ में छोड़ा चैतन्य मठ में, तो वो भी छोटी छोटी सेवा करके सज्जन से ब्रह्मचारी, उनका नाम सज्जन से ब्रह्मचारी, तो उन्हें खूब सेवा करके इतने बड़े गुरु जी का आदेश। ये वैष्णव धर्म अनुगत्य धर्म है, इसमें अपने को देखना चाहिए, दूसरों को पर मत देखिए, अपने तरफ देखिए हमारे अंदर कितना सुधार हो, हम अपने को कितने जाने, ऐसे हमारे गुरु जी को बहुत उद्देश्य है। बोले वो तीन बंदर श्री हमारे रसन श्रीधर महाराज के मठ में हुआ, पूरी मठ देखा होगा, तीन बंदर उनके उधर नवदीप मठ है, उसके तीन बंदर ऐसे भालो, मैंने खराब नहीं सुनेंगे, खराब नहीं देखेंगे, खराब नहीं बोलेंगे, आँख बंद है, कान बंद है, भूख बंद है, तो इस प्रकार दूसरों को कटाक्ष मत कीजिए, दूसरों को एक उंगली दिखाएंगे, अपने तो चार उंगली आती है,
तो इसीलिए हमारे गुरु जी छोटे बचपन से सेवा करते 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 इस प्रकार आचार्य पद को प्राप्त हुए, आचार्य पद को स्वीकार, गुरु जी उनका आचार्य पद। और हमारे पूज्य नारायण गोस्वामी महाराज, देखो एक तो बचपन, देखो दोनों के जीवन में कैसा फर्क है। एक तो बचपन में 9 साल की उम्र में बाल ब्रह्मचारी के रूप में मठ में आए, गुरु जी की सेवा की। और हमारे पूज्य नारायण गोस्वामी महाराज गृहस्थाश्रम में प्रवेश किया, सरकारी नौकरी की, फिर जाके त्याग किया। अभी बोलेगी महापुरुषों ने ऐसा किया, महापुरुष चाहे गृहस्थ हो चाहे त्यागी हो, भगवत प्राप्ति होने के बाद वो भगवान के ऑर्डर से काम करते हैं। ध्रुव, प्रहलाद, अर्जुन, हनुमान जी क्या गृहस्थ है कि नहीं? अर्जुन जी गृहस्थ है कि नहीं? भगवान का आदेश भगवान के साथ में है। अर्जुन और ध्रुव, प्रहलाद ये क्या महापुरुष है? भगवत प्राप्ति होनी होने के बाद में सब कितने कितने खून कर दिए भगवान के आदेश से, करने से मन भगवान में कार्य कुछ भी करो, कार्य की गिनती नहीं है। तो इस प्रकार हमारे पूज्य नारायण गोस्वामी महाराज ने, ये दोनों गुरु भाई हमारे पूज्य बामन गोस्वामी महाराज पहले मठ में आए, उसके बाद में नारायण गोस्वामी आए। आने पर इनका नाम पहले सज्जन शोक ब्रह्मचारी, इनका था गौर नारायण दास अधिकारी। दोनों को 1952 में नवदीप में संन्यास हुआ। 1952 में भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज से संन्यास ग्रहण करके उन्हें 1954 में भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज को मथुरा मठ 54 में खरीद कर उनको उसका मठ रक्षक बना दिया। और कहा कि आप हिंदी भाषी है आप लोग, क्योंकि उस समय ये चैतन्य महाप्रभु की जो वाणी बंगाल में ज्यादा प्रचार होता है उत्तर भारत में, जबकि वृंदावन 500 साल पहले हमारे क्षण गोस्वामी ने ही फिर से महाप्रभु के आदेश से फिर से बसाया। फिर वो वृंदावन पूरा बंगालियों का ही है, आप जाएंगे सभी मंदिरों में, क्योंकि वो महापुरुष खुद बसाया है हमारे रूप सनातन आदि क्षण गोस्वामी जो गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन सब मंदिर श्री हमारे रूप सनातन आदि गोस्वामी के द्वारा प्रतिष्ठित वो सब विग्रह महापुरुष ने आदेश दिया। तो फिर भी ऐसा समय का कालांतर का फेर होता है कि धीरे धीरे वाणियां लुप्त हो जाते हैं, मंदिर मंदिर लुप्त हो जाते हैं। तो फिर ये नारायण गोस्वामी महाराज से पहले इस्कॉन वहां पर 1954 में मथुरा मठ को खरीद करके परम गुरु जी ने नारायण गोस्वामी महाराज को उसका मठ रक्षक बना दिया। और कहा कि आप हिंदी भाषी हैं आप लोग यहाँ उत्तर भारत में प्रचार कर। उन्होंने कितना कष्ट करके, कितना वहां पर ब्रजमंडल की परिक्रमा, ग्रंथ का प्रकाशन, परिक्रमा प्रकाशन और प्रचार इतना किया कि आप स्वयं देख रहे हैं कि कितना पूरा पृथ्वी थे उसके पहले 1954 में संन्यास हुआ, 1954 में उनको मथुरा मठ का खरीद करके मथुरा मठ का इंचार्ज बना दिया। 1959 में मथुरा मठ में ही जो विश्व में ये गौरवाणी का और कृष्ण भक्ति का प्रचार करने वाले भक्ति वेदांत स्वामी महाराज उनको संन्यास देकर के वो भी विदेश में चले गए। उसके बाद में हमारे महाराज जी भी 1996 में पहली बार विदेश गए। विदेश जाकर उन्होंने 35 बार पूरे विश्व को परिक्रमा कर माधव महाराज साक्षी है, माधव महाराज उनके साथ में बिल्कुल चिपके हुए साथ में रहते थे, चुंबक देश साथ में रह करके महाराज जी ने भी उनकी सेवा, देखो कैसे सेवा की। जितने महाराज जी से 1900 जब से महाराज जी आए मठ में महाराज जी की सेवा में लगे, जबकि महाराज जी कितने लिखे पढ़े हैं और लिखा पढ़ाई का ग्रंथ पढ़ी या लिखी या सब लोग गेल छाड़े कहारे श्री कृष्ण महोत्सव बंशील तहारे, पढ़ने लिखने से कोई नहीं, फिर भी एक जागतिक पढ़े लिखा होने से वो साथ में विदेश में जाना है, उनके ग्रंथ एडिटिंग करना है, उनके डॉक्टर के पास जाना है, किसको ऐसे सेवक होता है, हमारे गुरु जी के पास सेवक था, हमारे गुरु जी के पास सेवक, उसको तो दवाई का नाम ही, तीर्थ भाजपा जी सेवक था उनको दवाई का नाम ही नहीं पता, वो दवाई देना ही जानता नहीं था। तो कभी कभी ये दिक्कत आती है, तो माधव महाराज से लिखे पढ़े मिल गए तो महाराज जी की सेवा में रह करके उन्होंने महाराज जी का साक्षात जो सदबंधुवत व्यवहार, महाराज जी उनको तो कभी महाराज जी कहते हमारे लाला 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 करते, हम भी देखते महाराज जी लाला, हम भी कभी महाराज जी को कभी गुरु जी कहा ही नहीं, हम महाराज जी कहते और माधव महाराज बोलते हमारे लाला लाला। तो इस प्रकार गुरु जी को उन्होंने जो बोले क्या है ये, हम बड़ी बड़ी सेवा करें खाली प्रवचन देंगे या वही सेवा है, और ये कोई गुरु जी की प्रत्यक्ष की सेवा है वो सेवा नहीं, अरे वो तो अपने निजी परिकर है, मैं तो अपनी थिंकिंग से बोल रही, निजी परिकर है, अपने परिवार है, अपने परिवार के लोगों के लिए कोई भी सेवा, घर की सेवा कोई करने में ये कम सेवा वो ऊंची सेवा ऐसा तो नहीं बोलता है। घर की सेवा घर में चाहिए, घर का चाहे महल का मालिक हो, जब घर में थोड़ा झाड़ू लगा तो क्या नौकर हो गया? तो नौकर तो नहीं हो सकता है, अरे घर का मालिक है, झाड़ू लगा तो क्या कौन सी बड़ी बात हुई? तो इस प्रकार निकट रह करके माधव महाराज जी ने और जो भी बन महाराज जी, सुधर महाराज जी, हम लोग मथुरा मठ में रहकर उनके निकट पड़े हैं,
उनके महाराज जी कहते थे ये हमारे राजकुमार है सब, ये राजकुमार महाराज जी तो महाराजा थे, हमारे राजकुमार अभी वही राजकुमार ये महाराजा बनी है, तो बात याद आती है महाराज जी कहते थे इस बात को, प्रवचन में कहते थे देखो ये राजकुमार है हम सामने बैठे रहते थे, तुम लोग सामने बैठे, हम सामने रहते थे महाराज जी स्टेज में, हम स्टेज में नहीं बैठते थे उस समय, हम लोग सामने बैठे रहते थे, तो कहते थे ये राजकुमार है, इनको आटा चावल का भविष्य पता नहीं है, और सच में पता नहीं था, हम लोग तो महाराज जी देश विदेश प्रचार करते थे, मठ में सब आते थे, बहुत सारा धन संपत्ति आती थी, मठ मंदिर बन रहे थे, किताबें प्रचार हो रहे थे, परिक्रमा चल रही थी, ब्रजमंडल परिक्रमा, नवदीप परिक्रमा, नवदीप का मठ बना, गोवर्धन का मठ बना, दुर्वासा का मठ बना, गावजी का मठ बना, कितने ग्रंथ प्रकाशित हो रहे हैं, तो महाराज जी ने पूरा गौर नाम गौर काम गौर नाम का प्रचार किया सारे संसार में, उसके साथ साथ ब्रज में भी हुआ, ब्रजमंडल परिक्रमा चलती थी, 20-20, 25-25 बस चलती थी, 50-50 गाड़ियां चलती थी साथ में, 2000 लोग चलते थे साथ में, हमको तो पता ही नहीं चलता था, हम लोग तो महाराज जी का कीर्तन में देते थे, महाराज जी की सेवा में लगते थे, माधव महाराज को महाराज जी के साथ सब समय रहते थे, दीक्षा हो रही है, हरिनाम हो रहे हैं, लोग कितने जुड़ रहे हैं, पता नहीं इस कारवा कैसा बढ़ता चला, हम तो साक्षी है, 96 में महाराज जी को पहली बार विदेश भेजा था, उसे देख रहे लोगों की लाइन ही आ रहा है, लाइन ही आ रहा है, लाइन चल रही है, वहां पर गुरु पूर्णिमा, राधाष्टमी, जन्माष्टमी, वहां पर जब लाइन लगती थी गुरु पूर्णिमा के समय महाराज जी बैठते थे सुबह 7 बजे से लेकर 1 बजे तक, फुर्सत नहीं, महाराज जी बैठे रहते मथुरा मठ, तब जगह कम पड़ गई, फिर आनंद धाम वृंदावन में जाने लगे, भाई यहाँ पर इतना होता नहीं, लोगों को आने बहुत भीड़ होती है, तो हम थोड़ा वृंदावन में करेंगे, तो वृंदावन में आनंद धाम में वहां पर मनने लगा उत्सव, तो सब समय हम लोग को सामने बैठ करके, विशेष करके बनमारा सुंदर महाराज माधव, हम लोग सामने बैठ करके महाराज जी से जो हमें कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, लाखों जन्म तक ग्रंथ पढ़ के नहीं हो सकता है, जो सामने से सर्व वेदांत का सार, उपनिषदों का सार, भागवत का सार, महाराज जी सार सार कथा, महाराज जी ने खुद इतने ग्रंथ का अनुवाद किया, जैव धर्म से लेकर तो उज्जवल नीलमणि गोस्वामी के सारे ग्रंथ, उज्जवल नीलमणि और सारे ग्रंथ गोस्वामी लोगों ने प्रकाशित किए, हमको तो महाराज जी ने विदेश से लेकर कंप्यूटर दिया, कंप्यूटर सिखवाया, देखो हम साक्षी हैं, खुद लाकर इतना बड़ा कंप्यूटर, ब्रजनाथपुर पुंडित पुनी इतना बड़ा बैग में, पहले वो लैपटॉप नहीं थे, उसके पहले बड़े बड़े इतने डेस्कटॉप थे, इतना बड़ा उसका स्क्रीन वाला और सीपीयू बैग के अंदर भर कर 96 शिवों ने पहली बार कंप्यूटर लेके आया, अभी इंडिया भी आया नहीं था, वो विदेश से हमको ले आया और हमको कंप्यूटर सिखाया और हमको बड़े कंपोजिट, रात दिन बैठ के ग्रंथ का काम करते थे, महाराज जी खुद डिक्टेशन देते थे, एडिटिंग करते थे, प्रूफ रीडिंग करते थे, इस प्रकार ये कर करके ये सब जितना भी उनका फल देख रहे हैं सामने, महाराज जी लोग जाके विदेश में प्रचार करते हैं और वो सब उनका फल हम जो देख रहे हैं आज, उन दोनों दोनों महापुरुषों की जन्म शताब्दी वर्ष चल रहे हैं, हम लोग को उनके साथ में रहने का सुनने का सब सौभाग्य प्राप्त, वो हमारी कोई बहादुरी नहीं है, उनको हमको कृपा करके उनके साथ में हम लोग रहे, हमने तो हर काम किया, लौकिक सद्बंधु हमको तो कभी उनको हमको पता ही नहीं कि इतने बड़े महाराज जी हैं और इतने बड़े ये हैं वो हैं, हमको पता नहीं, हम तो साधारण हमारे महाराज जी हैं देश विदेश में प्रचार करते हैं, हम पिताजी समझ हम तीर्थ महाराज से दौड़ ले जाए, पिताजी आगे चलो चलो चलो, वो तीर्थ महाराज साथ में हमारी बड़ी दोस्ती थी, तो तीर्थ महाराज जहाँ जाते थे वो मुझे ले जाते थे, चलो मुझे साथ ले जाते थे, और वो हर बात चाहे बंगाल का प्रचार हो चाहे ब्रजमंडल की परिक्रमा हो, वो कितने मेहनत करके महाराज जी के साथ में लगे रहते, हर बात महाराज जी को बताते थे, महाराज जी भी उनके हर छोटी छोटी बात को ग्रंथ में कितना उनका ये था, और उनकी मेहनत, उनका मेहनत तो कोई नहीं कर सकता है, मैं अपने आंखों से देखा हूँ, ब्रजमंडल परिक्रमा में, नवदीप परिक्रमा में जो रह करके, हम भी नए नए थे उनके साथ में स्टार्टिंग में, मथुरा मठ में जन्माष्टमी राधाष्टमी भंडार चलता था, हम खुद रसोई में लगे, बड़ी बड़ी कढ़ाई, वो अब छोटी छोटी कढ़ाई बने, मथुरा मठ में जितनी कढ़ाई है उससे तो आप नवदीप में बहुत बड़ी बड़ी देखी होंगी, तो मथुरा मठ में हमने खीर बनाने के लिए मैं खुद लगता था, तो एक बार खीर 2 घंटा खड़ा रहता हूँ तो कंधे दुख देते जाके सो जाता था, तो खुद हम लोग खड़े होकर के स्टार्टिंग में ब्रह्मचारी ही सब, पहली पहली ब्रजमंडल परिक्रमा होती खुद ब्रह्मचारी बर्तन मारते, अभी भी मठ में जाते हैं हम, सिद्ध महाराज जी को याद आती है बात, हम लोग मैं भी नया 92 में रूप सनातन में था, सिद्ध महाराज हम बर्तन मारते थे ठाकुर जी को, रोटी बनाते थे, आप देख रहे इतने बड़े हमारे देश का की बात है, खुद खुद हम लोग दोनों मिलकर के वहां पर बर्तन मारते थे ठाकुर जी के, और खाने के बाद ब्रह्मचारी को उसके वहां ठाकुर जी के बर्तन मारते थे, और जो रसोई के ठाकुर जी के बर्तन जो पूजा के होते थे वो भी, और बाद में जो रोटी बनाते थे हम दोनों रोटी बनाते थे, बन महाराज को वहां पर इतने पढ़ते थे, मथुरा मठ में सामने बैठ के पढ़ते थे ग्रंथ अनुसार, महाराज जी को गाओ पढ़ के ग्रंथ लिखाओ क्या क्या पढ़ते रहते दिखाओ, तो इस प्रकार हम लोग सब लोगों को उनका आशीर्वाद है, उन्होंने हमारी कृपा की हमको ग्रहण किया, उन्होंने हमें सेवा में लगाया,
और जो इस गौर नाम गौर काम में महाप्रभु के और कृष्ण के धाम के प्रचार के लिए ये सब उन्होंने किया वो उनकी बहादुरी है, उनकी कृपा है, उनके आशीर्वाद। आज उन दोनों के चरणों में नमन करता हूँ, वो हमें ऐसे ही हमारे पर आशीर्वाद रखे, आप लोगों पर कृपा करें, वह उनका जन्म शताब्दी सफल हो जाए। हरे कृष्ण वंशाभ्यो वैष्णवभ्यो नमो। हरे कृष्ण, आप लोगों ने श्री नरसिंह मारी से सुना कंप्यूटर के बारे में। उस समय बाहर से ये कंप्यूटर ये सब नाला अलाउ नहीं था। हम लोगों को जो सूटकेस था उसमें पहले कपड़ा पहन के कवरिंग चढ़ा के रखते थे। जितने भी सामान बाहर से आता लोग आते उसमें स्कैन करते, कुछ सामान हो तो उसमें मार्च करते, जैसे मार जाए तो उसका जाके जब चेक होगा फिर ये दो टैक्स दो ये। यहाँ तक कि जब लैपटॉप शुरू हो तभी आना अलाउ नहीं था, और बाद में हुआ पर्सनल यूज के लिए, अभी तो कुछ नहीं है। जब हम लोग क्रॉस चिन्ह दे दिए हम जानते नहीं थे। एक विदेशी ने पूछा हम लोगों को इसमें क्या है, बोले कंप्यूटर। क्यों? बोले क्रॉस चिन्ह दिया ना, गेट में चेक करेगा टैक्स दे। हमें एक बार दिया तो क्या क्या फटाफट उसको खोल लिया, कवर को करके हम लोग बैग में ले लिया। क्या करेंगे, क्या भजनाथ पूछे क्या करेंगे नवीन प्रभु, क्या करना है, कवर खोल के बैग में ले लेंगे, सीधी सी बात है। बोले इंडिया में लोग बहुत चतुर होते हैं, चतुर नहीं चलेगा नहीं। अब मैं श्री शांत माई से अनुरोध करता हूँ गुरुवर्ग के चरणों में पुष्पांजलि प्रदान करे श्री शांत महाराज। और राजकुमार प्रभु जी माइक। गुरवे गौरचंद्राय सपरिकराय युगलकिशराय च ब्रजधामाय पुरुषोत्तम क्षत्राय राघवनाय च नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थोड़ा तेज से बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो गुरु गौरांग राधा विनद बिहारी जी की, राधा रमन बिहारी जी की, सचिनंदन गौर हरि की जय। जय श्री राधे। सबसे पहले मेरे गुरुदेव मित्र लीला प्रविष्ट जगत गुरु त्रिदंडी स्वामी श्री श्रीमद भक्ति वेदांत बामनेश्वर स्वामी महाराज जी के चरण कमल में अनंत अनंत कृष्णाष्टांग दंडवत प्रणाम। मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट जगत गुरु त्रिदंडी स्वामी भक्तिदान्त नारायण गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण सरज में अनंत अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। सभा में उपस्थित सभापति महाराज पूज्यपाद भक्तिदान्त माधव गोस्वामी महाराज पूज्यपाद वन महाराज श्रीधर महाराज नरसिंह महाराज हमारे विजय प्रभु और मधुसूदन पूज्यपाद तिलकम महाराज सभी वैष्णव भक्तवृंद को यथाजोग्य दंडवत प्रणाम सादर अभिनंदन एवं अहित कृपा की वांछा करता हूँ। यहाँ पर गाजियाबाद में हमारे गुरु भाई लोगों ने गुरु जी की जन्म शतवार्षिकी उपलक्ष्य में ये धर्म सभा बुलाया है, और हर वक्ता के मुख से श्रवण कर रहे हैं हम गुरु जी की जो स्मृतियां हैं, है ना, वो जितनी भी समय दो उतना ही फिर कम है। मतलब गागर में सागर भरना है। तो एक गुरु जीवन में आता है और क्या करते हैं, वही हमको क्या भक्ति से संबंध बना देते हैं। आप शास्त्र में देखिए
कृष्णदेव पहले वेदव्यास जिन्होंने चार वेद को लिखा, 18 पुराण और उपनिषद आदि सभी ग्रंथों को प्रणायन किया है, लेकिन उन्होंने उनको चैन नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? वो हमारे वैष्णव संप्रदाय के गुरु हैं। क्यों नहीं मिला? क्योंकि उन्होंने शिव जी को शिव पुराण में शिव जी को भगवान बोल दिया है ना, ब्रह्म पुराण में ब्रह्मा जी को और शिव विष्णु इनको सब भगवान बता दिए, भगवान कृष्ण भी भगवान है। अब सुप्रीम पर्सनलिटी ऑफ गॉड हेड तो कोई एक होगा ना, लेकिन बहुत सारा है। इसी प्रकार हमें लोग तो अच्छा के लिए उन्होंने तो लिखा था ग्रंथ शास्त्र। शास्त्र क्या है? मेरे गुरु महाराज बोलते थे श्री वामन गोस्वामी महाराज, शास्त्र शासन वाणी। जिस प्रकार हम भारतवर्ष में रहते हैं तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लॉ को फॉलो करना पड़ेगा, नहीं करेंगे तो मास्क पहन के नहीं आएंगे दिल्ली में, आपको 2000 रुपया चालान भरना पड़ेगा, ऑनलाइन आपको मोबाइल मैसेज। समझ रहे? उसी प्रकार हमारी गीता भागवत में वेद में जो कानून दिया गया, गर्भधारण संस्कार से लेकर अंतिम संस्कार तक जो भी कर्म है, अकर्म है, विकर्म है ना, ये सब की विधि की विधान के अनुसार चलना होगा। अगर नहीं चला तो आपको अरेस्टेड होकर के नरक में डाल देंगे। तो इस तरह से अब लोगों को भला के लिए तो वैसे ने लिखा शास्त्र, लेकिन लोग तो कंफ्यूजन में पड़ जाएंगे, शिव जी बड़े हैं कि विष्णु जी हैं या ब्रह्मा जी हैं। ये भागवत में प्रसंग है, तो फिर भृगु महाराज को भेजा था, फिर उन्होंने से छाती में लात मारा, किसको? भगवान विष्णु को, और बोला तुरंत भगवान जी पांव पकड़ के धीरे धीरे उठ खड़े हो गए, बोला कि हे ब्राह्मण देवता आप बताओ आपके चरण में चोट तो नहीं आई? देखिए हम होते हम बड़े हैं यार, लाद मारा उसको तो एकदम से उल्टा उत्तम मध्यम करवा देते, लेकिन भगवान के अंदर क्षमा गुण है, जितने बड़े होंगे उनके अंदर उतना क्षमा गुण होंगे। आप उन्होंने बोला कि चोट नहीं आया, आप ब्राह्मण देवता है, भूत देवता है, तब समझ गया यही भगवान यही है। और तब जाकर के इस धरित्री पे आकर के भृगु जी ने प्रचार किया विष्णु ही भगवान है। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की। इन्होंने प्रमाण किया। तो वैसे ने ऐसा भागवत तब उन्होंने प्रमाण नहीं किया, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने गुरु नारद जी को याद किया। नारद जी को जब याद किया तब नारद जी उच्चकोटि के गुरु हैं, तुरंत आए, बोलते तो बेटा मुझे क्यों याद कर रहे हो? तो बोलते हैं गुरुदेव आप तो स्त्री का लोग ऋषि हैं, आप तो सब जानते हैं। तो बोलते हैं मैं जानता हूं। तब उन्होंने बताया जो तुमने जो स्वयं भगवान जो कृष्ण है ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण, इस बात को विस्तार रूप में आपने लिखा नहीं है, है? गुरु की महिमा क्यों गुणगान कर रहे हैं? क्योंकि हम गुरु के शिष्य हैं और हमारी जितना भी गुण है वो सब गुरु के गुण है, और जितना दोष है वो अपना है ना। गुरु है क्या? खदान है, गुणों के खदान। गुरुदेव ने ऐसा नहीं किया कि माधव महाराज को भी ज्यादा कृपा दिया, सिद्धार्थ महाराज को कम कर दिया, मुझे बिल्कुल थोड़ी सी दिया, आप लोगों को बिल्कुल दिया ही नहीं, ऐसा नहीं है। समझ रहे हो? गुरु खदान है, और जितने गुणों के खदान, जितने गुरु की सेवा करेंगे निष्कपट मति वैष्णवेर प्रति, उतना ही गुरु आपके प्रति कृपा करेंगे। अभी महाराज ने जैसे पूज्यवाद महाराज माधव महाराज उनके पास थे, तीनों गुरु की सेवा किया, इसीलिए कहते हैं लोग कहते हैं महाराज मैं किया, ये बोलने का हक है, इसीलिए बोलते हैं। इसीलिए भागवत पढ़िए, भागवत में लिखा है कृष्णदेव बहन वेदव्यास जी खुद ही अपनी महिमा बता रहे हैं, नारद जी व्यास जी को बता रहे हैं। इसलिए प्रतिष्ठा की बात नहीं है। क्यों?
क्योंकि साधु की महिमा बता रहे, अपनी महिमा नहीं। जब मैं एक दासी का पुत्र था और फिर साधु के पास चातुर्मास व्रत में गांव में आए थे और उनकी सेवा किया और उन्होंने मंत्र और आशीर्वाद दे के गए और उनकी इच्छा थी भजन करूं। उनकी माँ फिर भगवान के प्यारी हो गई और भजन किया। तो उन्होंने अपनी बायोग्राफी बताया। क्यों बताया? इसलिए बताया कि शिष्यों को, शिक्षार्थी को शिक्षा मिले। जो कैसे, जो साधु संघ के बिना हमारा जीवन में कल्याण नहीं है, नहीं है, नहीं। इसलिए बोल सकते हैं शिष्य के कल्याण के लिए आपने प्रतिष्ठा मिली है, ये विचार। इसलिए हम लोगों को ये सब गुरु महाराज की जो शिक्षा है, गुरुदेव ने अपने पूज्य नृसिंह महाराज ने बहुत सुंदर वर्णन किया है। गुरुदेव ने हमने देखा नहीं, थोड़ा आराम किया, थोड़ा टाइम लेट में हुआ, उठ गया, मंगल आरती छूट गया था नहीं। हाँ, हमने उस मथुरा में पाले पोसे, वहाँ पे मैं 3 साल पुजारी रहा और वो नवीन कृष्ण ब्रह्मचारी और सुबल सभा ब्रह्मचारी, पुरंदर ब्रह्मचारी, शुभानंद ब्रह्मचारी, रसानंद सब ब्रह्मचारी थे। फिर विजय प्रभु आए, मैं भी ब्रह्मचारी था। सब गुरु जी थे और सब शासन में थे और प्यार भी करते थे, इतना प्यार, वो तो मैं भूल नहीं सकता है। इसलिए मैं मथुरा मठ में जाता हूँ तो फिर आने का दिल नहीं करता। मैं से तो वही रह जाऊ, समझ रहे? तो इसने इतना प्यार गुरु जी ने दिया, पूरा देखो सब जो श्रीधर महाराज बोलते रहते हैं, जो खर हर गुरु को, अभी पूजा तीर्थ महाराज भी बता रहे थे, जो किसी गुरु को देखा नहीं है, हमारे शिष्य नहीं है। लेकिन आजकल ऐसा मन में रखते हैं, लेकिन ये विचार गलत है। अगर गुरु से हम प्रेम करते हैं, प्रेम करते हैं तो गुरु को विचार लेके चलना ही पड़ेगा, ना तो हम गुरु खुश नहीं होंगे हमसे। ये उनका शिष्य है, उनका शिष्य, ऐसा नहीं भेद होना नहीं चाहिए। शिष्य सबके गुरु, वैष्णव आचार्यों के शिष्य ही तो है हम लोग। और जो सदगुरु होते हैं उनका अंदर का भी ये अभिमान नहीं होता कि मैं गुरु है। हमारे देखो जितने भी गुरु जी ने इस महाराज लोग हरिनाम दीक्षा दे रहे हैं, उनको देखो नीचे बैठा, नीचे बैठ जाएगा और ऊपर बैठा चौकीदार बन जाएगा, जमींदार भी बन जाएगा। तो जी कहते हैं, तो इस तरह से निरभिमानी है। इन वैष्णव लोगों को संग पाकर मुझे धन्यति धन्य मान रहा हूं। और इस तरह से गुरु की महिमा, गुरु ने हमें क्या दिया, ये बार बार आपको रिपीट इसलिए कर रहा हूं ताकि कान के दर अंदर घुस जाए। मैं 23 साल की एक्सपीरियंस दे रहा हूं। गुरु मंत्र दिया, गुरु को आपने को दिया। कृष्ण मंत्र दिया, कृष्ण को दिया। चैतन्य महाप्रभु को मंत्र दिया, चैतन्य महाप्रभु को आपको दिया। जो मंत्र से गुरु, जो गुरु से हरि स्वयं, गुरु जस्य भवेत्तस्य तस्य तुष्ट हरि स्वयं, ठीक है ना? इसलिए मंत्र और भगवान में फर्क नहीं है। जो मंत्र सगुरु, जो गुरु स हरि सहाय, किवा मंत्र दिला गोसाई किवा तार बल, जपिते जपिते मंत्र करिल पागल। पूरी दुनिया क्या है, मन और शरीर को चंगा रखते हैं, ताजा रखते हैं, लेकिन वैष्णव लोग कहते आत्मधर्म को देखते हैं। समय हो रहा है, महाराज जी देख रहे हैं, लेकिन मैं विवास हूँ। है थोड़ी सी समय में क्या हो, चलो संक्षेप कर देता हूँ। इसलिए संसार आत्मा के धर्म में वो जानते नहीं है ना जानना चाहती है, लेकिन हमारे गुरु वैष्णव लोग, आप लोगों ने देखो कितना दूर से है, कितनी दूर दूर से आए हैं इस साधु संघ। मैं प्रार्थना करता हूँ भगवान से, आप लोग को दया करे, कृपा करे। इस प्रकार साधु संघ के प्रति जिनकी श्रद्धा हो गई, समझो उनका बेड़ा पार है। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की। इसलिए हमारे गुरु भाई परिब्राज महाराज नवद्वीप परिक्रमा में हर प्रवचन में वो महादेव जी बोलने देते हैं, ये लाइन बोलते हैं, साधु संगे कृष्ण नाम यही मात्र चाहिए, संसार जीवित आर कोनो वस्तु। इसलिए यही प्रार्थना करता हूँ, गुरुदेव की पुष्पांजलि, उनकी महिमा, उनकी स्मृतियां, इनके पढ़ाया लिखाया है ना, प्रूफ रीडिंग करना, प्रचार करना देश में विदेश में, कि 35 टाइम जाना उन्होंने, कि शरीर तबियत खराब थी, गुरु शिष्य लोग महाराज लोग बोलते नहीं जाने का, गुरु जी बोले नहीं मैं नहीं जाऊंगा, तो मैं इस समय रमन बिहारी गौड़ी बढ़ में था, बोले मैं नहीं जाऊंगा, प्रचार कौन करेंगे,
और मुझे भी बोला तुम पर प्रचार करो। तो इसीलिए गुरुदेव खुश होते हैं, ये कहने का मतलब यही है, गुरुदेव जिसमें खुश हैं उसी में शिष्यों को करना चाहिए, वही हमारा जीवन में एकमात्र क्या होना चाहिए, एकमात्र उद्देश्य होना चाहिए। और पालन कर पाऊं उसके लिए भी आशीर्वाद भी गुरु से वैष्णव से चाहिए। वंशा कल्पतरु वच्च कृपा सिंधु भये वच्च पतितानं पावने भो वैष्णव भो। हरे कृष्ण। अब संत महाराज बोल रहे थे 2000 चालान भरना पड़ेगा, तो अभी हमारा फरीदाबाद मठ श्री राधा माधव गौड़ीय मठ में भित्ति स्थापन था, वैष्णव भवन था, ये सब था। एक बात बता रहे थे, मेरा बदनाम है, फिर बताइए। अभी पूरा सब नेशनल हाईवे में स्पीड लिमिट 70 किलोमीटर है, बीच में पुलिस है, इधर इधर दो तीन पुलिस तो पार करके आए, रास्ता खाली मनासी में चला, 80 में चेक कर दिया, 2000 रुपया जाओ बाबा 3 महीने के अंदर भर देना, 2000 रुपया जो। जब हम लोग फरीदाबाद में भित्ति स्थापन के बाद एकादशी प्रसाद के लिए आए, अद्वैत सप्तमी था, तो उसमें जो ब्रह्म कुमार का स्थान था, मुझे ले गए, सुना ऊपर आए था, प्रवचन सुनेंगे देंगे, हम ले गए, दिखा रहे ये सही है, और आप लोग ध्यान करते हैं, ठीक है आप लोग ध्यान करिए, हम लोग कीर्तन करेंगे, और आप लोग ब्रह्म कुमार है, हम लोग ब्रह्मचारी है। और वो बोल रहे थे कि ये सब आया पहले शिव से, फिर ब्रह्मा, फिर ब्रह्मा से आए विष्णु, फिर बताया विष्णु का अर्थ बताया विष्णु, जो विष को त्याग दिया विष्णु है, मुझे समझा। बता देखो ब्रह्मा जी विष्णु का बाप नहीं है, विष्णु ही ब्रह्मा का बाप है, बाप है। मैं मजा के लहे से हंसते हंसते बोल रहा हूँ, आप लोग भागवत पढ़ेंगे देखेंगे, विष्णु के नाभि कमल से ब्रह्मा का सृष्टि हुई, और सृष्टि करके सब पानी पानी, फिर नाभि कमल के अंदर गए, फिर आए तब तब से तपस्या किया, इसलिए ब्रह्मा से विष्णु नहीं आए, विष्णु पूरा जगत है। फिर बताया बोले देखो ये मैं अपना महिमा बढ़ाई नहीं कर रहा हूँ, आपने जब कहा विष्णु, विष को जो त्याग देता वही विष्णु होता है, ऐसे नहीं, मैं कलकत्ता यूनिवर्सिटी से संस्कृत अनार्स करके आया, विष्णु का अर्थ आपको बता देता हूँ, कभी इसका मत बताए लोग हंसेंगे, व्यापनोति थी विष्णु, जो सर्वत्र व्याप्त है तो ये विष्णु है। मजाक में हंस हंस के बोल दिया और चुप हो गया। अब मैं श्री वन महाराज जी से अनुरोध करता हूँ, गुरुवर्ग के श्री चरण में पुष्पांजलि प्रदान करें श्री वन महाराज जी। गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तदभक्ताय नमो नमः। वंशाकल्पतरुभ्य कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पदों नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर सदस्य श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील वामन गोस्वामी महाराज एवं नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज के अभय चरण कमलों में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत ज्ञापन करता हूँ।
तत्पश्चात नित्यलीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर सदस्य श्रीमद भक्ति वेदांत स्वामी महाराज एवं मंचस्थ विराजमान सतीर्थ वृंद समस्त सन्यासी वृंद गौरगत सज्जन वृंद एवं हरिकथा पिपासु श्रोतृवृंद सभियों की चरण कमलों में मेरा यथाथ दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। बहुत हर्ष और उल्लास की बात है हम लोग श्री गुरुदेव की जन्म शतवार्षिकी उत्सव विभिन्न जगह में विभिन्न स्थानों में हम लोग उत्सव मना रहे हैं एवं गुरुदेव की अपार महिमा वैष्णव लोग कीर्तन कर रहे हैं जिससे चैतन्य महाप्रभु भी कहा पृथ्वी ते अछे जत नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार हुई भी मोर नाम। चैतन्य महाप्रभु जगत में यही भविष्यवाणी की एक दिन मेरा नाम जो है मेरे कथा जो है मेरे गुणगान जो है पृथ्वी में सर्वत्र ही विघोषित होंगे। सभी लोग एकत्रित होकर के हरि नाम संकीर्तन करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। भक्ति विनोद ठाकुर भी एक भविष्यवाणी की भविष्य भक्ति विनोद ठाकुर अपने आत्म जीवन कहानी में बायोग्राफी में लिखा है जो मैं देख रहा हूं दिव्य नेत्र से गोल वृंदावन धाम से महाप्रभु की अनेक जो परिकर इस धराधाम में आ रहे हैं और सर्वत्र जो है समस्त शुद्ध वैष्णव धारा को जगत में प्रचार करेंगे। केवल 400 साल के अंदर ही उन्होंने जो शब्द दिया गया जी सर्वत्र ही एकमात्र महाप्रभु के आचारित प्रचारित नाम संकीर्तन सभी लोग करें। यह भी लिखा है ये सफेद लोग और गोरे लोग काले लोग ब्राह्मण शूद्र वैश्य क्षत्रिय सभी जात पात सब कुछ भूल करके एक दूसरे के आलिंगन करते हुए प्रेम में सरोवर हो जाएंगे और डूबेंगे। सभी लोग हाथ उठा करके महाप्रभु के आचारित प्रचारित नाम प्रचार करेंगे और महाप्रभु जो प्रेम देने के लिए आए थे वह प्रेम सभी प्राप्त करेंगे केवल एक नाम संकीर्तन के द्वारा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे। क्योंकि इस कलयुग में और कोई उपाय नहीं साधन नहीं है भगवत प्राप्ति के लिए एकमात्र साधन कहा गया नाम संकीर्तन। इसलिए हमारे जितने भी आचार्य हुए हैं गौड़ीय वैष्णव के आचार्य सभी लोगों ने नाम संकीर्तन के महिमा जगत में प्रचार किया। उसी कड़ी में श्रील गुरुदेव श्रील वामन गोस्वामी महाराज श्रील नारायण गोस्वामी महाराज श्रील भक्ति वेदांत स्वामी महाराज एवं समस्त आचार्य लोग देश विदेश में सर्वत्र महाप्रभु के वाणी प्रचार कर रहे हैं। जो महाप्रभु जो वस्तु देने के लिए आए थे वो धारा अभी तक चलते रहे। भक्ति विनोद धारा जलसंघता निरवधि वहता रोधक गति न जाय। भक्ति विनोद की धारा जो है वो भक्ति विनोद की धारा ये चलते रहेगी। सभी लोग महाप्रभु के शुद्ध विचार वो शुद्ध विचार में सभी लोग स्नात होंगे डूब जाएंगे। क्योंकि आउल बाउल करता भजा जात गोसाई
ये समस्त 13 जो अपसंप्रदाय महाप्रभु के विचारधारा को कुलुषित करते जा रहे हैं, दूषित करते जा रहे हैं, वह विचारधारा को पुनः जागृत करने के लिए महाप्रभु के गण पुनः पुनः इस जगत में आ रहे हैं। यह तो भी कहते हैं जब तक जीव के हृदय में मायावाद दोष रहेगा, माने अहम ब्रह्मास्मि ब्रह्म सर्वं खलिदं ब्रह्म तत्त्वमसि, ये विचार जब तक रहेगा तब तक शुद्ध विचार में प्रवेश कर नहीं पाएंगे। इसलिए हमारे आचार्य लोग चारी संप्रदाय के सभी आचार्यों ने एक ही ताकत लगाया, ये अद्वैतवाद को यानी मायावाद को जो है खंडित विखंडित करके पुनः महाप्रभु की शुद्ध भक्ति की प्रचार करना, जिससे हमारे रूप गोस्वामी पाद शुद्ध भक्ति की जो डेफिनेशन दिया गया, अन्नाभिलाषिता सुन्न ज्ञान कर्मद्रवृतम आनुकूलेन कृष्णानुशीलन भक्तिरुत्तम, ये उत्तमा भक्ति भक्ति हमारे पूर्व आचार्य सभी ने प्रचार किया, वही आचार प्रचार करे जो स्वयं आचारवान होकर के ही प्रचार करते हैं। इसलिए कहते हैं आचार्यवान पुरुष वेद, आचारवान पुरुष ही वह वेद स्वरूप है, साक्षात मूर्तिमान स्वरूप है, भक्ति के मूर्तिमान स्वरूप है। हमारे जिससे हमारे गुरुपाद पद्म श्रील वामन गोस्वामी महाराज किस प्रकार अपने गुरुदेव की सेवा की, जैसे अभी अभी वक्ताओं ने बताया, ये श्रील गुरुदेव वामन गोस्वामी महाराज केवल 8 और 9 साल के थे, तो भक्ति सिद्धांत श्रील सरस्वती प्रभुपाद के चरण कमल में शरणागति हुई और नवद्वीप परिक्रमा के पश्चात उनके माता जी ने कही ये परिक्रमा समाप्त हो गया, हम लोग घर लौट करके जाए, किंतु श्री गुरुदेव वामन गोस्वामी महाराज उनके नाम था उस समय संतोष ब्रह्मचारी, मेरे गुरुदेव जब प्रभुपाद ने जब हरि नाम दिया उनके नाम रखा सज्जन सेवक ब्रह्मचारी संतोष। संतोष कहने लगे देखो मैं अपने नित्य घर में आ गया, वास्तव जीवों के घर कहां पर है हमें पता नहीं है, किंतु गुरुदेव ने कहा हम जब अपने घर में आ गया फिर दूसरे घर में क्यों जाऊं, अपने माता पिता को मैं प्राप्ति कर लिया यानी प्रभुपाद के चरण आश्रय करके, उन्होंने कहने लगे मैं अपना ही माता पिता को प्राप्त कर लिया और कहीं जाना है। इसलिए चैतन्य भागवत में भी कहते हैं सही से परम बंधु सही पिता माता श्री कृष्ण चरण जय प्रेम भक्ति दाता, वही मेरा माता पिता है, वही मेरा सब कुछ है जो मुझे प्रेम भक्ति प्रदान करते हैं। मेरे गुरुदेव कितने प्रभुपाद के चरण में शरणागति थे, यहां तक भी मैंने गुरुदेव के मुखारविंद से श्रवण किया कैसे गुरु सेवा करते थे। उस समय गौड़ेव मठ की यानी मायापुर की जो मठ जो है उस मठ की मुख्य जो सेवक थे उसके नाम था जिसके कहा जाता है गौड़ीय मठ की माँ कहा जाता है नरहरी सेवा विघ्न प्रभु, नरहरी प्रभु के अनुगत्य में कैसे सेवा आदि करते थे। एक दिन की कथा छोटी सी कथा सुनाता हूँ, ये देखो कैसे अपराजित ये भक्तेर बोझा भगवान पर, अर्थात जो भक्त होते हैं शुद्ध भक्त होते हैं स्वयं भगवान उसके सब कुछ अपने सिर पर लेकर के चलते, जिसे गीता में कहते हैं अनन्य चिंतन मांग जे जना पर जो पास होते तेता भी जुक्ताना योगक्षेम वहम। हमारे गुरुदेव के ये विशेष रूप में देखा गया, स्वयं गुरुदेव कहते थे जब हम लोग गुरुदेव की चरण कमल में बैठ जाते थे देवानंद गौड़ीय मठ में, कठाल पेड़ के नीचे गुरुदेव एक चियार में बैठते थे और हम सभी लोग जो है ब्रह्मचारी जो है उनके चारी तरफ घेर करके बैठ जाते थे। उस समय गुरुदेव ये समस्त कथा सुनाते थे, ये देखो ये गुरुदेव कहने लगे जाओ मायापुर में मैं रहा छोटा था और प्रभुपाद ने भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद, यहाँ पर प्रभुपाद कहने से आप सदा सर्वदा याद रखें भक्ति सिद्धांत
सुना सरस्वती प्रभुपाद, क्योंकि लोग प्रभुपाद जन की साथ ही साथ भक्ति वेदांत स्वामी महाराज की इंडिकेट करते हैं, कोई बात नहीं है, किंतु हम जो कह रहे हैं ये कहते देखो प्रभुपाद ने मुझे भक्ति इंस्टीट्यूशन में मुझे भर्ती कराया और मैं नित्य प्रति स्कूल जाता था। एक दिन बार घना घोर झमाझम बारिश होने लगी तो नरहरी प्रभु कहने लगे देखो आज बारिश हो रही है, स्कूल जाने की जरूरत नहीं है। और उनके साथ हमारे गुरुदेव एक बांध को भी काट रहे थे, ठीक इसी समय की बात है। गुरुदेव कह रहे थे हमारे गुरुदेव की जो रसोई के सब्जी काटते थे ना इतने सुंदर रूप में काटते थे, बोले रसोई वही ठीक बना सकते हैं जो उसके ठीक ठीक से काट सकते जिसका अमान्य कहते हैं काट सकते हैं। हमारे गुरुदेव इतने सूक्ष्म रूप में काट रहे थे और इतने और उन्होंने किया कि पर स्कूल जाना नहीं है, नरहरि प्रभु ने कहा था स्कूल जाना नहीं है, इसलिए उन्होंने किया कि अपने गमछा पहन करके सारे कपड़े के जो है धो दिया। उस समय इतने वस्त्र नहीं दिया जाता था, ब्रह्म जी के केवल एक ही वस्त्र दिया जाता था, तो ये वस्त्र जो है कुर्ता और धोती जो है धो दिया और केवल गमछा पहन करके वो सब्जी काट रहे थे। इतने समय प्रभुपाद आए, प्रभुपाद कहने लगे क्या सज्जन से आज स्कूल में जाना नहीं है। हमारे प्रभुपाद हमारे गुरुदेव जो है बहुत नाजुक थे, बात नहीं करते थे, क्या बोलते हैं शर्मिला नहीं चाहते हैं, बहुत साइनिस्ट। और उसमें नरहरि प्रभु ने कहा दिया ये एक आज तो बारिश हो रहा है और विशेष करके कपड़ा धो दिया इसे स्कूल नहीं जाएंगे। प्रभुपाद ने इतना ही कहा दिया तो देखो स्कूल बंद करना नहीं चाहिए, स्कूल जाना चाहिए। इतना ही कह करके प्रभुपाद अपने भजन कक्ष में चले गए। देखो अमर चले गुरुदेव विचार करने लगे, गुरु आज्ञा झ विचारणीय, गुरुदेव के आदेश में पालन करना है, गुरु क्या चाहते हैं, गुरु की इच्छा क्या है, गुरु की आज इच्छा है मैं स्कूल में जाऊं। विचार करने लगे गुरुदेव, विचार कर ले मैं क्या करूं। देखो गुरुदेव कहने लगे प्रभुपाद ने मुझे यह निश्चिंग मंत्र दिया था और गुरुदेव ने किया कि निश्चिंग मंत्र जप किया और जप करने के बाद अपने कक्ष में गए, देखा उनके धोती और टी शर्ट और कपड़ा देखा बिल्कुल मानो किसी ने वो करके प्रेस करके रखे गए, बिल्कुल सूख गए और उन्होंने स्कूल चले गए। इसके बाद 3 बजे के बाद प्रभुपाद नरहरि सेवाबुर के पूछा ये सज्जन सेवक कहाँ गए, बोले स्कूल चले गए। बोले तुमने तो बताया उन्होंने कपड़ा धो दिया तो कैसे आज बारिश हो रही है कैसे सूख गया। उन्होंने कुछ नहीं बोला। 4 बजे स्कूल छुट्टी होने के बाद जब गुरुदेव आए, प्रभुपाद ने सज्जन सेवक ब्रह्म के ब्रह्म सज्जन सेवक ब्रह्मचारी के बुलाया, तो तुम स्कूल कैसे चले गए, क्या भीगे कपड़े में जाना नहीं चाहिए, बीमार पड़ जाओगे। तो उस समय गुरुदेव ने कहा ये आपने जो मुझे निश्चिंग मंत्र दिया था उस निश्चिंग मंत्र में जप करके बस इतना ही मैं स्मरण किया, हे निश्चिंग देव मुझे प्रभुपाद के आदेश मैं कैसे पालन करूं, और इतना ही मैं कह करके जब अपने कक्ष में गया देखा कि कपड़ा सूखी कपड़ा और बिल्कुल कृष्ण प्रेस करते रहते। देखो उस समय मेरे गुरुदेव कहने लगे ये मैंने जब ये कथा सुनाया प्रभुपाद के आंखों से आंसू आ गया और प्रभुपाद सिर्फ केवल इतने ही बोलने लगे ये निश्चिंग देव कैसे भक्तवत्सल है, बोलो भक्तवत्सल स्वयं भगवान निश्चिंग देव की जय। मेरे कहने की तात्पर्य है गुरु आज्ञा जप चाहिए, किसी भी परिस्थिति में जीवन में कोई संकट भी आ जाए गुरु जी के बात को गुरु जी के आदेश और भगवान प्रति विश्वास, इसलिए कहते हैं गुरु बाप के विश्वास जहां गुरु पाद की वचन पर जिस पे विश्वास रहते हैं वो अति अवश्य ही अपने स्थान पर यानी अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। हमारे गुरुदेव की अपार अनेक अलौकिक कथा, यहां तक भी गुरुदेव भूत पिशाचिनी की भी कथा सुनाते थे, लोग सुनकर के हंसते हैं, सभा में जब ये कथा भी कहा जाता है लोग हंसते रहते हैं, भूत पिशाच के शादी भी करा दिया। हमारे गुरुदेव कहते हैं मैं साक्षात रूप में कितने भूत भूतनी और भूत को मैंने
शादी कराया और उन लोग सभी को उद्धार कर दिया। समय संक्षेप है इसलिए उस कथा तरफ नहीं जा रहे, किंतु हमारे गुरुदेव की ऐसे अलौकिक अपराधिक क्षमता था। जैसे जैसे आपने श्रवण किया, मैंने साक्षात गुरुदेव के एक बार मैंने प्रश्न किया, गुरुदेव आपके कितने श्लोक आपके याद है? जैसे अभी पूर्वोक्ति वक्ता ने भी बताया, किसने बताया, ये गुरुदेव के कहा जाता है गौड़ीय डिक्शनरी कहा जाता है। किसी श्लोक याद नहीं है किसी के, बस कोटेशन करना है जब कोई प्रबंध लिख रहे हैं तो श्लोक की पहली लाइन किसी शब्द के गुरुदेव कहा देते थे। देखो गुरुदेव के पूछा जाए, गुरुदेव कहा देखो इस एडिशन तक बता देंगे और पेज नंबर तो भी बता देते थे। ये ब्रह्मपुर एडिशन पेज नंबर इधर तक कहा दे श्लोक नंबर। ऐसे हमारे गुरुदेव के जो है स्मरण शक्ति ही शक्ति ऐसी है। और प्रभुपाद के प्रभुपाद भी कैसे अक्लांत सेवा आदि करते थे, क्योंकि सेवा ही हमारे जीवन है। भक्ति की यदि डेफिनेशन हम लोग सुने, वास्तव भक्ति क्या है, भजते सेवते इति भक्ति, भक्ति और कुछ नहीं है, साक्षात रूप में गुरु वैष्णव भगवान की सेवा ही भक्ति है। इस सेवा के द्वारा ही भगवान के हम प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कहते हैं सभी लोग ने गुरुदेव की सेवा की, कैसे अक्लांत सेवा करी। ये नहीं है हमारे गुरुदेव एक कथा सुना देते, बोले गुरुदेव मैं नामे आची समझ में आता है, बंगला शब्द है। एक शिष्य एक गुरु कहने लगे, ये देखो बेटा मैं 90 साल का हो गया, आज मेरा बुखार चढ़ गया, 90 साल के 90-95 के साल हो गया, मेरे बुखार चढ़ गया, तो एक काम कर ठाकुर जी की किताब मंगला जी। कहने लगे गुरुदेव आपने काल तो प्रवचन में कहा दिया, ये कलयुग में और कुछ करना ही नहीं है, कलयुग में केवल हरि नाम, हरे नाम हरे नाम हरे नाम हरे नाम ही वो केवल, कलयुग में नाम तो करना है। इसलिए कहते गुरुदेव मैं नामे आची, माने मैं नाम कर रहा हूँ, नाम तो करता ही नहीं है, दरवाजा बंद कर देते हैं, अपने पैर के जो टांग के ऊपर उठा देते हैं, ऐसे लेट जाते हैं और हरे कृष्ण जप करते हैं। कोई आ जाता है सो जाते हैं, कोई आ जाता है दरवाजा खटखटाते हैं, तब मारा दे करके इसको कहते हैं मैं नामे आची। अच्छा गुरुदेव ने देखा तो शिष्य तो सुनता ही नहीं, इसका हमारे गुरुदेव भी कहते थे भाई मैं गुरुदेव की बात, गुरु कहते हैं गुरुदेव कहते हैं कलि जुगे गुरु में मेरा भार है, न कलि जुगे शिष्य मेरा भार है, क्या बांग्ला एक शब्द बोलते थे, गुरु मिले लाख लाख शिष्य मेरा भार और शिष्य मिले लाख लाख गुरु मेरा भार। तात्पर्य यह है कलि युग में हो सकता है सदगुरु मिल जाए किंतु शिष्य प्राप्ति करना बहुत कठिन होता है, और सत्शिष्य भी मिल जाए और सदगुरु भी प्राप्ति भी बहुत कठिन होता है। चलो गुरुदेव ने देखा तो हमारे शिष्य नहीं मानने बोले नामे आजी, गुरुदेव ने कह दी 90 साल के है, किसी प्रकार से बुखार होते हुए भी उन्होंने क्या की अर्चन कर लिया, आरती कर ली। आरती के बाद कहने लगे बेटा ये काम कर तू ठाकुर जी के जो है थोड़ा अर्चन कर ले, बोले नामे आची माने नाम कर रहा हूँ। गुरुदेव ने अर्चन किया, फिर दोपहर हो गया, गुरुदेव ने कहा अरे बेटा थोड़ा ठाकुर जी के तो थोड़ा चावल दाल कुछ बना कर भोग तो लगा दे, बोले गुरुदेव नामे आची। तो गुरुदेव ने क्या की स्वयं जो है ठाकुर जी के भोग बनाया, चावल दाल सब्जी थोड़ी बनाया, पर तू भोग लगा दे। आरती के समय 12 बज गया, अभी सबके पेट में अभी चूहा कूद रहे हैं ना, है भूख तो लग रहे हैं, अभी एक वक्त ही जा रहे हैं है? तो कहने करने गुरुदेव मैं नामे आची। गुरुदेव ने क्या की किसी प्रकार के भोग लगाया, आरती किया, आरती करने के बाद गुरुदेव कहने देखो मेरा बुखार जो है वो अधिक चढ़ गया, मैं जा रहा हूँ विश्राम के लिए, तो एक काम करना ये ठाकुर जी के प्रसाद तू पा लेना। अरे हाँ गुरुदेव सुबह से लेकर के अभी तक मैंने आपके एक आदेश भी पालन नहीं किया, ये आदेश तो मैं जरूर पालन करूंगा नहीं तो अपराध हो जाएगा महाराज। अच्छा बताओ, इसलिए कहा जाता है वास्तव रूप में जो है गुरु सेवक किसे कहा जाता है, जो गुरुदेव कहते थे गुरु के सेवा करने के लिए अपने
सिर को जो है देना पड़ा, जैसे कहा जाता है उद्दालक और उपमन्नु और आरुणिक, इनके नाम आता है। और भी उसके जो अनेक जो गुरु के सेवक कैसे कैसे सेवक करते हैं, ये तो देखो माधवेंद्र परिवार के सेवक में आ जाए, माधवेंद्र परिवार के दो सेवक के बारे में भक्त चैतन्य चैतामृत में आ रहे, एक कहता है ईश्वरपुरी पाद और दूसरी है रामचंद्रपुरी, किंतु रामचंद्रपुरी के मानो माधवेंद्रपुरी पाद टैग ही दे दिया। उसने कहने लगे आप ब्रह्म ब्रह्म, आप तो ब्रह्म हो, आप क्यों रो रहे हो? उस समय माधवेंद्रपुरी पाद ने तोड़े देखने हमार हवे अधोगति है अहम है जीव, दैन करके कहने लगे जीव कैसे ब्रह्म हो सकता है, तो ऐसे करो जा तेरा मुक्त में देखना लगे। वो निंदा करने वाले थे, केवल एक नहीं है, महाप्रभु की निंदा करने, गुरु निंदा करते थे, ये देखो छेद होता है ना, छोटी सी सुई से एक जगह में छेद शुरू कर दो, देखो सुई छेद करते करते उसके अंदर में एक हाथी भी निकल जाता है। तात्पर्य क्या है, वैष्णव अपराध करते करते गुरु अपराध, गुरु अपराध करते करते भगवत अपराध, और अंत में नरकगति हो जाता है। इसलिए माधवेंद्रपुरी पाद रामचंद्र उनको त्याग दे दिया। और उनके और एक सेवक देखो ईश्वरपुरी पाद, माधवेंद्रपुरी पाद जब में भाव में विवाहित हो जाते थे और विशेष करके राधा जी के भाव में विवाहित जाने वो विप्रलंब भाव के विरह में उसमें कैसे तन्मय हो करके रोते रोते इस समस्त श्लोक उच्चारण करते, वही दीनो दयानाथ मथुरानाथ कौदव कृष्ण, और उस समय कभी कभी उनके कंठ रुक जाते थे और उस समय ईश्वरपुरी पाद अनेक श्लोक उनकी सुनाते थे। और नहीं केवल ये सेवा, और की क्या करते थे, उनके मलमूत्र आदि भी साफ करते थे। इसलिए उस दिन कह रहे ना देखो गुरु के दो प्रकार की सेवा है, एक होता है क्या वाणी सेवा और एक होता है भोपू सेवा। कोई सेवा कमी नहीं है, हम लोग कभी कभी हंसी मजाक करते हैं किंतु ये बात सत्य नहीं है। हम कहते हैं वाणी सेवा श्रेष्ठ हो जाता है, कोई कहते हैं भोपू सेवा श्रेष्ठ है, किंतु वास्तव रूप में यदि हम विचार करें, प्रभुपाद के जो विचार हम यदि लें, दोनों जुगल सेवा ही एक ही तात्पर्य है। गोपियां वाणी सेवा करती कि नहीं करती थी, क्या गोपियां वाणी सेवा करती थी? कृष्ण के देखो ऐसे है अनेकों जो है रहस्य आदि लीला आदि कथा सुनाते थे, हंसी मजाक करते थे, एक एक श्लोक करते थे, जिससे कृष्ण स्वयं ही पराजित हो जाते। ये वाणी सेवा है, समय संक्षेप है, ये भी कथा भी सुंदर है। और बपू सेवा, गोपियां बपू सेवा भी करती थी कृष्ण की, कैसे बपू सेवा, कृष्ण के लिए सुंदर सुंदर पकवान आदि बना कर। देखो ये जो गोपियां ना माताएं में ये सेवा की प्रधान्य देखा जाता है। एक आपके घर में एक बेटा है, एक बेटी है, वास्तव रूप में देखिए बेटा क्या करेंगे, अपने बहन के कहेंगे मेरे लिए एक ग्लास पानी लेकर, किंतु हम कभी नहीं देखा बहन कभी अपने भाई के नहीं कहेगी तू मेरे लिए एक ग्लास पानी ले, किंतु माता में सेवा की वृत्ति है। मैं कुछ कहा था बोला आप स्त्रियों के पक्ष ले लेते हो, किंतु वास्तव में सत्य नहीं, सत्य ही सत्य, किंतु भाव की यह प्रकाश माताओं में जो है जो सेवा की जो वृत्ति है वो पुरुष में नहीं है। ये बात सत्य है, जब भी मैं ये जड़ी उदाहरण दे रहा हूं उसी प्रकार गोपियों की जो सेवा वो के गोप सेवा और वाणी सेवा ये दोनों ही विद्यमान है। उसी प्रकार हमारे आचार्य पाद की सेवा कैसे है, इतने सुंदर हमारे गुरुपाद पद्म श्री गुरुदेव नान कृष्ण त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज जन्म शताब्दी हम मान रहे, समय हम करें कि हमारे जिहाद बहुत खुजलाते रहते हैं है? देखो जब हम नवद्वीप परिक्रमा में जाते हैं, एक सेकंड ले लेते, ज्यादा समय नहीं लेता, जब हम नवद्वीप परिक्रमा जाते हैं, नवद्वीप परिक्रमा करते करते जब हम समुद्रगढ़ में पहुंचते हैं, अभी सभी लोग आप नवद्वीप परिक्रमा में पधारिए आइए और हम लोग वहीं पर चलेंगे। गुरुदेव के समय हम देखा श्री गुरुदेव श्री बामन गोस्वामी महाराज श्री त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज श्री नारायण गोस्वामी महाराज वहीं पर जब बैठते थे वहीं पर कैसे सुंदर एक माहौल बन जाता था, वो एक अपूर्व था वो है। हम इसलिए कहते हैं उतने केवल हंसी मजाक की बात नहीं है, वास्तव में तत्व सिद्धांत के द्वारा कैसे सुंदर वो समस्त करते थे। श्री गुरुदेव श्री बामन गोस्वामी महाराज
इसके पक्ष लेते थे, क्या बोले राजा समुद्र सेन के पक्ष लेते थे, हमारे त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज भीमसेन के पक्ष लेते थे, क्यों वहां पर जो कथा जो प्रसंग है भीमसेन और समुद्र सेन के विजय की कथा है, युद्ध विग्रह विग्रह की कथा है। और देखो दोनों त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज और नारायण गोस्वामी महाराज की कितने सुंदर ये समस्त विचार चलते थे है? और उस समय अंत में त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज पराजित हो जाते थे और हमारे नारायण गोस्वामी महाराज विजय प्राप्त करते, सब लोग ताली बजाते थे। तब उस समय नारायण गोस्वामी महाराज कहते थे त्रिविक्रम कहते नहीं हम जीत गया। उस समय हमारे गुरुदेव कहते देखो राधा जी और कृष्ण में क्या हुई, कुश्ती हुई, कथा सुना दे दो पहले कर देता, कुश्ती हुई, दंगल हुई, और उस दंगल में क्या हुई, कुश्ती होते हुए कृष्ण ने क्या गिर गए और राधा जी उसके ऊपर चढ़ गए, उसके दूर दंगल देखा ना अपने, ऐसे दो भुजाओं के राधा जी कम नहीं है, सर्वशक्तिमान सर्वशक्तिमान श्रीमती राधिका कृष्ण के दो भुजाओं के जय अपने कर गए और पैर के द्वारा कृष्ण के दोनों पैर को ऐसे दिया दंगल में ऐसे, और कहते तुम पराजित हो गया, कृष्ण कहने लगे मैं कहां से छूट गया, बोले देखो किसके नाक ऊपर है, हम कहते ना नाक किसके ऊपर है, कृष्ण कहते मेरे नाक ऊपर, मैं कृष्ण लेट गया ना, ये कहते मेरे नाक ऊपर है इसलिए मैं जय हो गया, कहते नहीं। इसी प्रकार हमारे श्रील गुरुदेव श्रील बामन गोस्वामी त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज जी के इसमें तो प्रेम कंदोल कहते हैं, प्रमुख प्रेम कंदोल, दैट इज कॉल्ड लविंग क्वर, ऐसे से तत्व सिद्धांत वहीं पर प्रकाशित होते थे और कैसे कैसे कथा आदि बोलते थे। आज उनकी जन्म शतवार्षिकी इस समस्त लीलाओं कथा स्मरण हो रहा है, भक्त लोग सभी आप लोगों के निकट परिवेशन कर रहे हैं, कैसे सुंदर पत्तल दे रहे हैं और कैसे सुंदर खीर पूरी मलपुआ जनी गुरुपाद की अपराध जीवन करी कथा स्मरण करा रहे हैं। इसी क्रम में मैं अपने वचन को जो है विराम देता हूँ, आप लोग सभी कृपा करें, गुरुदेव कैसे महिमा सर्वत्र प्रचार हो, वंशा कृपा सिंधु भी बचो, पतितानं पावने भो वैष्णवे भो। हरे कृष्ण। आप लोगों ने श्री बन महाराज जी से दोनों तीनों गुरुवर्ग की महिमा सुनी, मारे जहाँ समाप्त किया अनन्य चिंतन तमाम वहीं से मैं शुरू करूंगा। महाराज जी बता रहे थे गुरु महाराज जी की महिमा, उस समय मठ में अधिक लोग नहीं थे, एक बार हमारे गुरु महाराज श्रील भक्ति वेदांत वामन गोस्वामी महाराज, नाम था सज्जन सेवक ब्रह्मचारी, उनका बुखार 104, कुछ वैष्णव लोग आए, रसोई बनाए कौन, अब तो कोई है नहीं, उस समय गुरुदेव या त्रिपुरा मठ में नहीं आए थे, तो बताया परम गुरु सज्जन है, बोले तो बुखार 104, परम गुरु आए सज्जन उठो वैष्णव लोग आए हैं रसोई बनाओ, आके रसोई बनाया सब्जियां मान रसोई सब खिलाया फिर जाके सो गए। गुरु भाई बोले फिर बुखार कहाँ गया कोई पता ही नहीं चला। देखिए जो सदगुरु के वाणी में कितने ताकत है, जैसे महाराज बताया ना प्रभुपाद बताया नहीं सज्जन को स्कूल जाना है कपड़ा सूख गया, ये भी हम लोग गुरु में ही सुना। अब आता हूँ अनन्नस चिंतन तमाम, अनन्नस चिंतन तमाम ये जना पर जो पासते तेसाम नित्याभिजुक्ता नाम योगक्षेम वहम महम। स्वयं भगवान कृष्ण बताया जो अनन्न रूप में मेरा भजन करते हैं जानिए किसी देव देवी का अपेक्षा नहीं रखते, उनके योग क्षेम जो है नहीं उसको मैं कांधा में ढो करके दे जाता हूँ, आज जो है उसका रक्षा करता हूँ। दोनों गुरु जी नवद्वीप बैठे थे, मैं आके प्रणाम किया पूछा गुरु भाई वह नवीन आया था कुछ पूछेगा, तो दोनों गुरु जी मुस्कुराने लगे, बोले क्या पूछना चाहते हो, अनन्न चिंतन तो माम श्लोक आप लोग कहते हैं और उदाहरण दिया जाता है अर्जुन में स्वर का उदाहरण नहीं है, तो गुरु महाराज ने बताया गुरुदेव से आप बताइए, गुरुदेव नारायण गोस्वामी तो नवीन धाम से सुनता ही रहता आप बताइए, तो हमारे गुरु महाराज बताया हाँ है हमारे संप्रदाय में कौन है माधवेंद्र पुरीपाद, वो अजाचक वृत्ति वाले थे
यानी किसी से मांग के कुछ नहीं लेते, मिल गया तो खाया, नहीं तो निर्जला से चल ही रहा है। ऐसे कुछ दिन बीतने के बाद कृष्ण स्वयं छोटे बालक बन के आए, बोले बाबा हमारे ब्रज में कोई भूखा नहीं रहते, तू माधुपुरी क्यों नहीं करता, तू सोच रहा है मैं कैसे जाना, ये सब गांव के माताएं पानी भरने के लिए आती जाती, देखा तुम बैठ के केवल हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे तुम जप ही कर रहे हो, ये बाबा ध्यान नहीं दिया। बाबा तू बहुत व्यस्त लग रहा है, देख मेरी माँ ने ये मटकी में दूध भेजा, इस दूध को पी लेना, मैं अभी मेड में जाऊंगा, देर होने से मैया डांटेगी, मैं बाद में आके ले जाऊंगा। बालक चले गए और माधवेंद्रपुरी बाबा के मन में कुछ लीला स्फूर्ति न हो, कल वही गुजरा है, क्या बात है, प्रतिदिन तो कितने बालक आते हैं और मन तो कभी ऐसे चंचल क्यों हो रहा है। जेहू दूध पिया थोड़ा सा, अष्ट सात्विक भाव उदित हो गया, रो रहे कंप रोमांच, अरे छली आके छल के गए, गुरु ने देखो ये है क्या है, योग का उदाहरण है हमारे संप्रदाय में। छेम में उदाहरण में गुरुदेव बाद में बताया, गुरुदेव पुलिस ऑफिस में थे, पुलिस का ऑफिस ड्यूटी चेंज होता था, रात 10 बजे से सुबह 6 बजे, सुबह 6 से दोपहर को 2 बजे, फिर 2 बजे से 10 बजे, ऐसे गुरुदेव का ड्यूटी चेंज हुआ रात 10 से सुबह 6 बजे तक। नहीं तो मेरा पास में ऑफिस है तो हरिनाम करूं, हरिनाम कर रहे थे भूल गए कि ऑफिस में जाना है, उस दिन इंस्पेक्टर आना था। जब गुरुदेव को बाह्य स्मृति आई तब तक करीब 4:30-5 बज चुके थे, गए जाके बोला अच्छा क्या हुआ, आज इंस्पेक्टर आने वाले थे, उनके जो कलीग थे बोले तिवारी जी आपको मस्करा करने का समय और नहीं मिला, देखो अभी काटा घाव है ऐसे नमक छिड़का मत करो, यदि किसी का कट जाए घाव हो जाए नमक देने से आराम लगेगा ना आप लोगों को, देख लेना एक बार ट्राई करके क्या जलन होगा। बोले ऐसे ही आपको हाईली प्रमोशन मिला इसलिए आप मजाक कर रहे हैं, अरे 2-4 दिन बाद करो। गुरुदेव बताए देखो भाई मैं सचमुच कह रहा आया नहीं था। बोले अरे तिवारी जी झूठ क्यों बोल रहे हो, तुम तो झूठ तो बोलते नहीं क्यों बोल रहे हो। गुरुदेव देखो भाई मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, सारी विश्व ला के ये किसके सिग्नेचर तुम्हारा है कि हमारा है बोलो। बोले तुम इतने सुंदर सैल्यूट किया, उनका उत्तर दिया, हम लोग को उत्तर नहीं दे सके इसलिए तुम्हें हाईली प्रमोशन दे, इसलिए मजाक कर रहे हो। गुरुदेव बता मेरे आंख में आंसू आ गया, बोला नौकरी करना ही नहीं इसलिए नौकरी छोड़ के मठ में आए। देखो ये छेम जो है उसको रक्षा करते हैं। गुरुदेव के वेश में स्वयं भगवान वर्दी पहन करके ड्यूटी किया, देखे योगक्षेम वहा महम। अब आते हैं ये योगक्षेम में, केवल अर्जुन में से उदाहरण दिया जाता है। देखिए और एक बात बताता हूं, क्या मैं अभी याद भूल गया, देखिए फिर बता रहे हैं ये कृष्ण कृपालु है। किसी प्रसंग में गुरुदेव कहते कृष्ण कृपालु ने कठोर है, जो हमारे त्रिविक्रम ये बता रहे थे ना, बोले कृष्ण क्या करते हैं गोपियों कितना कष्ट दिया, ये कठोर है ये कृपालु नहीं है। हमारे गुरु महाराज जी हंस रहे हैं मुस्कुरा रहे हैं, तो बताए महाराज जी आप ही विचार कीजिए, जब दोनों में हरि कथा होती सभा में फिर गुरु महाराज जी का सामंजस्य करना पड़ता था। तब बोला हाँ गोपी के दृष्टि से कृष्ण कठोर है, लेकिन गुरु महाराज बता व्यासदेव ने बताया अहो बकियम स्तन काल कूटम, ये श्लोक बताया, देखिए पुतना को धात्री जैसे उचित दे दिया, धात्री उचित नहीं धात्री जैसे धात्री गति नहीं। उसमें गुरुदेव बताया कृष्ण के दो धात्री है, एक किलिंबा एक अंबिका, जब दोनों व्यस्त हो जाती है कभी कृष्ण थोड़ा लाला को पकड़ तो फिर ले ले, उनको न तेल मालिश करने देंगे न खिलाने देंगे, कृष्ण दयालु है। तो गुरुदेव कहने लगे गुरु महाराज को आप त्रिविक्रम पक्ष ले रहे हैं, तो गुरु महाराज बता मैं बता दो राधिका जी अधिक कृपालु है, तो त्रिविक्रम बोला हाँ कृष्ण अधिक कृपालु है, कैसे बोले अर्जुन से कांधे में ढो करके दे आए। तो गुरुदेव बताया देखिए
धो करके देते हैं, कभी रसोई बना के खिलाया कृष्णा? जब रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी दोनों हरि कथा में मत्त थे, श्रीमती राधा ठाकुरानी गौड़ी के आराध्या, कृष्ण के आर कृष्ण की आराध्या छोटो बालिका बन करके आई, ले बाबा बाबा तुम लोग घंटों हरि कथा बोलते जा रहे हो, क्या भूख नहीं लगती? माधुकुरी नहीं करना है? ध्यान ही नहीं दिया। बोले बाबा देखो मेरी माना ये दूध भेजा, चावल भेजा, शक्कर खीर बना के भूख लगा लेना, प्रसाद पा लेना। ध्यान नहीं दिया। बोले बाबा मैं बना दूं? बना दिया, चले गए। जब दोनों प्रसाद समझ गए, ये राधा जी तो गुरु में देखे राधा जी कितने कृपालु हैं। अब गुरु महाराज जी मुस्कुरा रहे हैं, कहा नहीं महाराज जी आपको कुछ बोलना पड़ेगा। तब गुरु महाराज ने बताया कृष्णा भी कृपालु है, राधा जी भी अधिक कृपालु है, दोनों से अधिक कृपालु महाप्रभु है। बोले कैसे? तब गुरु महाराज ने बताया देखो मैं बैठा हुआ हूँ, अब तो कोई उसमें थे नहीं, तो बताया देखो ये बन के बना करके खिलाया, ये लाए, ठीक बात है। जैसे अजात पक्ष मातरंग खगास्तन में बताया ये पंख विहीन चिड़ियों को माइया लाके खिलाती हैं बाहर से, उससे श्रेष्ठ उदाहरण है बछड़ों का, क्यों जो हमारे पित्तासुर कर रहे हैं अपने माँ के शरीर से ये कर रहे हैं। ऐसे ही कृष्ण धोखे दे आया, राधा जी धोखे ले आई और बना के चली गई, लेकिन अंगों से कुछ नहीं दिया। श्रीमन महाप्रभु जब नवद्वीप धाम में लीला कर रहे थे तो एक दिन रुकिणी वेश में सबको स्तनामृत पिलान पालन कराया, ऐसे न कृष्ण किया न राधा जी किया। और श्रीमन महाप्रभु इतनी सुंदर कोई पहचान नहीं सके, ये कौन नारी के लक्ष्मी आ गई, यहाँ तक कि माँ सोची नहीं समझ सकी पहचान नहीं ये कौन है, सब अबाक हो गए। उसे हरिदास ठाकुर रोल कर रहे हैं, अद्वैताचार्य रोल कर रहे हैं, शिवास पंडित रोल कर रहे हैं, सब दिखाया चैतन्य भागवत में। तब श्रीमान महाप्रभु बताया आज ऐसे एक विशेष लीला दिखाऊंगा, केवल जो इंद्र संयमी वो रह सकते और कोई नहीं रहेगा। अद्वैताचार्य एक लाइन खींच दिया, मैं इसके लिए योग्य नहीं हूं, मैं इंद्र संयमी नहीं हूं। शिवास पंडित बोले जब ठाकुर नहीं है तो मैं क्या कर सकता, मैं भी तो सब पता हम लोग नहीं है, सब चले जाएंगे। महाप्रभु देखा जब कोई है नहीं तो क्या है, तो महाप्रभु क्या किया सब तो बताया आज सब इंद्र संयमी होंगे। महाप्रभु इतनी सुंदर रूप और सबको स्थानपन कराया ये अंग से, इसलिए महाप्रभु अधिक कृपालु गुरु महाराज बताया। फिर मैंने बताया अद्वैताचार्य ऐसे लाइन क्यों खींच दिया, क्या कारण है? तब गुरु भाई नारायण भाई आप उत्तर दीजिए। अब तो गुरुदेव बताया ये अद्वित कौन है, शिव ठाकुर है, उनको याद आई। कौन सी बात याद आई? जब मोहिनी रूप देखना चाहा भगवान के पास गए, प्रभु आप जब जो आदेश दिया सब पालन किया, मैं कभी मोहिनी वेश नहीं देखा, मुझे विष पान किया, मुझे जाने के लिए बता दिया, चला आया, मुझे मोहिनी वेश दिखाया। बोले नहीं नहीं तुम्हें ये देखना नहीं है, तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, नहीं नहीं ये दिखाना है। ऐसे करते करते देखा एक छोटी सी लड़की इतने सुंदर एक गेंद को लेकर या फूल को उछाल रही है, पकड़ रही है, कपड़ा मानो शरीर से आधा आधा गिर रहा है, पास में पार्वती है, भूल गए पकड़ने गए, कमा सकते हो गए, ये उनका नहीं हम लोग शिक्षा देने के लिए। दौड़े कहाँ डमरू गिरा, सांप कहाँ गए, त्रिशूल कहाँ गया, व्यग्र चर्म कहाँ गई पता नहीं, अब पकड़े तब पकड़े, अब पकड़े तब पकड़े, याद आया। बोले नहीं अगर मैं इधर कहूंगा अरे बेइज्जत हो जाए तो, इसलिए पहले लाइन खींचता मैं नहीं रहूंगा। देखिए इसलिए कृष्ण कृपालु हैं, अनन्नस चिंत उदाहरण तीनों गुरु जी का विचार, उससे अधिक राधा जी हैं, कृष्ण ढोके ले आते हैं, जैसे अर्जुन मिश्र के लिया माधवेंद्रपुरी के, राधा जी रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी के लिए बना के दिया, और श्रीमन महाप्रभु अपने अंग से स्तन सबको पान कर जो लोग थे, इसलिए महाप्रभु कृपालु। ये कहाँ से सुना? तीनों गुरुवर्ग, इसलिए उन लोगों से अधिक कृपालु हमारे गुरुवर्ग हैं। श्रील वामन गोस्वामी महाराज की जय, श्रील नारायण गोस्वामी महाराज की जय, श्री अतिविक्रम गोस्वामी महाराज की जय, दोनों के जन्म शताब्दी महा महोत्सव की जय, गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। मैं राजकुमार प्रभु से भी बता देते 1 बजे तक रहूंगा,
और आके श्रीधर महाराज से भी कह दे एक बजे तक रहूंगा और दो मिनट कीर्तन हो जाए। श्रीधर महाराज जी हैं, संजय प्रभु, अजय प्रभु है, वो लोग हरी कथा बोलेंगे, हमें आज्ञा दें, अब मैं स्वस्थान में प्रस्थान करूं। हरे कृष्ण गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। जाने न को काय जाते है फिर मतलब उसके पास से हरि पद जब जाने बाइक बाइक हरे हाँ महाराज का मथुरा से आए महाराज जी कृपा करके उनकी अभी समय है नहीं, कितना दूर तक जाना पड़ेगा, अभी महाराज जी प्रस्थान करेंगे। लेकिन अब लोग अभी भी हमारे संजय प्रभु जी और मैं भी कुछ हरि कथा बोलूँगा, हमारे अजय प्रभु जी ये भी हरि कथा बोलेंगे। आधा घंटा अंदर में ये सारे प्रोग्राम विश्राम हो जाएगा, प्रसाद पा करके सबके सब जाओ। मेरे पीछे पीछे ताली बजाती है कीर्तन करो, तो मेरे पीछे पीछे कीर्तन करो, बोला हरे कृष्ण ताली बजाते हुए, कृष्ण हरे 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 राम राम Hari Bol, 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 Hari Bol,
हरे कृष्ण हमारे बीच में श्री संजय प्रभु जी, आप कौन कौन इनको जानते हो? हाथ उठा दो। कोई हाथ नहीं उठा, हम जानते नहीं। ये हमारे गुरु जी की बड़े प्रिय शिष्य है और गुरु जी की जो जीवन चरित्र, इनके सिद्धांत, तत्व दर्शन, विशेष करके हमारे संप्रदाय को सर्वप्रथम जिसने ये गौड़ीय मठ स्थापन किया है श्रील भक्ति सिद्धांत, ये सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद का जो विचार को प्रभु जी बहुत अच्छे तरह से बोलते हैं। इसलिए अभी गुरु जी की हमारे ऊपर क्या देन है, गुरु जी हमारे ऊपर विशेष करके क्या कृपा करके गए, उनकी गहरी से गहरी विचार को हमारे प्रभु जी बताते हैं। आप लोग सब इनके विचार को ध्यान देकर सुनो। हरे कृष्णा, हाँ हरि बोल। जो पीछे हैं, जो हरे कृष्णा जो पीछे लोग आए, आप लोग आगे आ जाओ, कथा सुनो और महाराज जी को जो प्रसाद देने वाले वही जाए और जो भक्त लोग हैं सबके सब आ जाए। जब पीछे भक्त लोग हैं जिनका कोई काम नहीं, सबके सब आ करके सब बैठ और कथा सुना और आधा घंटा का अंदर में कथा की विश्राम हो जाएगी। सब आकर पीछे सब बैठ जाओ हरी कथा में। एक बार हाथ उठा करके बोलो, सब चुपचाप बैठो, बोला हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम जोर से बोलो, राम राम। और एक बार जोर से हाथ उठा करके बोला हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। इस बार आप लोग को बोलो, मैं सुनता हूँ कितना जोर से बोलता हूँ। हरे गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तदभक्ताय नमो नमः। नमो विष्णु पादाय शिरो प्रभुनाथ पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी नामिने। नमो विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत वामन गोस्वामी नामिने। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय रूप सनातन भट रघुनाथ जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ ये छह गोसाईं करी चरण वंदन। जाहित विघ्ननाश अभीष्ट पूरण। सभी आराम से सब बैठ जाओ, जो पीछे खड़े हैं खड़े नहीं हो करके कथा स्थल में आकर बैठ जाए। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवा सादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 राम। और एक बार जोर से बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम अपने परम आराध्यतम गुरुपाद पद्म जगत गुरु नित्य लीला पुरुषोत्तम विष्णुपाद अष्टोत्तरश्री श्रीमद् श्रील भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के श्री चरणों में
अनंत कोटि दंडत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। तदनंतर नित्य लीला पृष्ठ ओम विष्णुपाद अश्वत शशि श्रीमद शिल भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी के श्री चरणों में मेरा अनंत कोटि दंडत प्रणाम। अभिन्न गुरुपाद पद्म नित्य लीला पृष्ठ ओम विष्णुपाद अश्वत शशि श्रीमद शिल भक्ति वेदांत वामन गोस्वामी महाराज एवं नित्य लीला पृष्ठ ओम विष्णुपाद अश्वत शशि श्रीमद शिल भक्ति वेदांत त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज जी के श्री चरणों में मेरा अनंत कोटि दंडत प्रणाम। समस्त रूपानु गुरु परंपरा के श्री चरणों में मेरा अनंत कोटि दंडत प्रणाम। सपार्श सपरिकर शिल प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर जयुक्त हों। सपार्श सपरिकर श्री गौर नित्यानंद प्रभु जयुक्त हों। उपस्थित परम पूज्यपा श्री भक्ति वेदांत श्रीधर महाराज जी, परम पूज्यपा श्री भक्ति वेदांत बन महाराज जी, परम पूज्यपा श्री त्रिविक्रम महाराज जी, हमारे विजय कृष्ण प्रभु, अन्य अन्य ब्रह्मचारी वृंद, मातृ वृंद, वैष्णव वृंद और गुरु महाराज जी की इस शुभ शतवर्ष की तिथि के उपलक्ष्य में यहाँ समुपस्थित श्रोत मंडली सबके चरणों में मेरा जथा योग्य दंडवत प्रणाम। हम लोग गुरु महाराज जी की शतवर्ष की के उपलक्ष्य में विभिन्न स्थानों पर इस प्रकार के कार्यक्रमों में गुरु महाराज जी की बड़ी ही अद्भुत महिमा को बहुत सारे भक्तों के मुख से हम लोग सुन रहे हैं। उसी श्रृंखला में आज यहाँ पर हम लोग उपस्थित हैं। बहुत कुछ आप लोगों ने सुन लिया है, समय की अपनी सीमा है। मैं भी कुछ एक गुरु महाराज जी के विषय में जो कुछ उनकी कृपा से कृपा के पात्र हम हुए हैं या नहीं इसका निर्णय तो गुरु महाराज जी करेंगे, किंतु जो कुछ भी गुरु महाराज जी के मुख से हमने सुना है यत किंचित उसकी पुनरावृत्ति मैं आप लोगों के सामने करने का प्रयास करूँगा। थोड़े समय के लिए आप लोग मन दे करके गुरु महाराज जी की इस महिमा को श्रवण करने की चेष्टा करेंगे। ये केवल ऐसी वस्तु है जो श्रवण करने मात्र से ही हमारे को हमारी अभीष्ट वस्तु दे सकती है। श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी का नाम आपने सुना है जिन्होंने चैतन्य चरितामृत लिखी। चैतन्य महाप्रभु जी का नाम सुना है, जैसे श्रीमद् भागवत में कृष्ण की लीला है ना, ऐसे चैतन्य चरितामृत में श्रीमद् महाप्रभु जी की लीला है। तो जिन महापुरुष ने वो चैतन्य चरितामृत लिखी है ना, उन्होंने उसमें एक बड़ी सुंदर बात कही है, सुनना आप लोग ध्यान से। वो कहते हैं जेबा नाही बूझे के हो सुनीते सुनीते से हो कि अद्भुत चैतन्य चरित कृष्ण उपजीवे रति जानी बे रसेर रीति सुन ले बड़ा होय है। वो कहते हैं जेबा नाही बूझे के हो, हम लोग गुरु जी की महिमा सुन रहे हैं ना, बहुत कुछ हमको समझ में नहीं आएगा है ना, बहुत सारी बातें हमको समझ में नहीं आएंगी, किंतु फिर भी सुनना है। क्यों सुनना है? वो कहते हैं जेबा नाही बूझे के हो, बूझे माने समझना, किंतु सुनीते सुनीते से हो, सुनते सुनते क्या होगा, समझ में नहीं आ रही है किंतु मन देकर सुन रहे हैं तो क्या होगा, कृष्ण उपजीवे रति। केवल सुनने का इतना फल है कि कृष्ण के प्रति हमारी रति उत्पन्न हो जाएगी, प्रेम उत्पन्न हो जाएगा। जानी वे रसेर रीति, ब्रज की जो रस की रीति है ना, हम उसको जान लेंगे। और कहते हैं सुनी ले ही बड़ा होय हित, सुनने से ही क्या होगा, हमारा बड़ा हित हो जाएगा। समझ में आ रही बात? तो केवल सुनने से ही हित हो जाएगा। ये गुरु जी की महिमा ऐसी मंगलमयी है, इसको सुनने से ही हित हो जाएगा। इसलिए अधिक समय नहीं लेंगे, थोड़ा कुछ जो गुरु जी के संस्मरण हम लोग उसको सुन लेंगे। पूज्यपाद परम पूज्यपाद श्री भक्तिवेदांत बन महाराज जी जब हरि कथा बोल रहे थे, महाराज जी ने बहुत सारे संस्मरणों को जागृत कर दिया। विशेषकर एक और बात हम कहना चाहते हैं, देखिए भगवान के बहुत सारे अवतार हुए है ना, 24 अवतारों का वर्णन तो स्पष्ट रूप में मिलता है, किंतु भगवान के तो अनंत अवतार हैं। और प्रत्येक अवतार, बात को समझना ध्यान से, इधर ध्यान देना थोड़ी देर के लिए, प्रत्येक अवतार जब जगत में आते हैं तो जगत को कुछ ना कुछ अवदान देकर जाते हैं, ऐसा ही होता है। तो परा भगवान आए पृथ्वी का उद्धार किया है, नरसिंह भगवान आए प्रहलाद महाराज जी का उद्धार किया, धर्म की संस्थापना की। जब भी भगवान का कोई अवतार जगत में आएगा तो वो कुछ ना कुछ हम बद्ध जीवों को अवदान देकर जाते हैं। ऐसे ही भगवान के भक्त भी जब जगत में आते हैं तो हमको कुछ ना कुछ वो अवदान देकर जाते हैं। वो कभी ऐसे ही खाली हाथ नहीं आते। हमारे गुरु महाराज जी कहते थे वो अपने साथ में अवदानों की झोली लेकर आते हैं और उसको हम जगत जीवों को देकर के जाते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु जी वो कौन है? स्वयं अवतारी कृष्ण। अन्य अन्य अवतारों से श्री चैतन्य महाप्रभु जी का बड़ा वैशिष्ट है। क्या वैशिष्ट है? बहुत सारे अवतार हुए, वो कुछ ना कुछ जगत को देकर भी गए,
किंतु चैतन्य महाप्रभु जी जगत को जो वस्तु देकर गए ना, वो पहले किसी अवतार ने नहीं दी और भविष्य में भी कोई अवतार नहीं दे सकेगा जो चैतन्य महाप्रभु देकर गए। समझ में आ रही बात? क्या देकर गए चैतन्य महाप्रभु? श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी ने कहा, आपने करे आस्वादन है सिखाई लो भक्त गणे, प्रेम चिंता मणिर प्रभु धनी, नाही जाने स्थाना स्थान, जारे तारे कहिलो दान, महाप्रभु दाता शिरोमणि। देखो, कृष्ण को भी दाता शिरोमणि नहीं कहा गया, यद्यपि कृष्ण ही चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए, किंतु चैतन्य महाप्रभु जी को क्या कहा गया? दाता शिरोमणि। क्यों कहा गया दाता शिरोमणि? क्योंकि चैतन्य महाप्रभु जी ने एक ऐसी वस्तु हम जगत जीवों को दान की जो उनसे पहले कभी किसी ने नहीं की। क्या वस्तु दान की? श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते, एछे भाव, एछे गुप्त भाव सिंधु, ब्रह्मा ना पाए एक बिंदु। महाप्रभु जी ने क्या दान किया? समझ में आ रही है तो बात ध्यान से समझना, कर्म भंग ना हो जाए इसलिए ध्यान इधर देना। क्या कह रहे कविराज गोस्वामी जी? एछे गुप्त भाव सिंधु, ब्रह्मा ना पाए एक बिंदु, है नो धन बिराई लो संसारे, एछे दयालु अवतार, एछे दाता नाही यार, गुण के हो नारे वर निवारे। अरे महाप्रभु जी ने ऐसी वस्तु दी, ब्रह्मा जी को भी उसकी एक बूंद नहीं मिली। वो क्या वस्तु है? वो है ब्रज प्रेम। वो है ब्रज प्रेम जिसकी ब्रह्मा जी को भी एक बूंद नहीं मिली। ब्रह्मा जी ब्रज में आए ना और कृष्ण के चरणों में अपराध कर दिया, वास्तव में अपराध नहीं किया, ब्रह्मा जी आदि गुरु हैं, उन्होंने ऐसी लीला प्रकाशित की, किंतु जब ब्रज में आए तो ब्रजवासी जो छोटे छोटे बालक है ना, उनको चौमुआ चौमुआ कहकर चिढ़ा रहे हैं। ब्रह्मा जी की ब्रज में यह अवस्था है, क्या चिढ़ा रहे हैं उनको? अरे चौमुआ प्राणी कैसे ब्रज में आ गया है? और ब्रह्मा जी बेचारे मुख नीचे करके बैठे हैं, कुछ बोल नहीं पा रहे। ब्रज में ब्रह्मा जी की ऐसी अवस्था है, और वो जो ब्रज का प्रेम है जिसकी एक बूंद भी ब्रह्मा जी को नहीं मिली, है नो धन बिलाई दो संसारे। महाप्रभु जी ने ऐसा प्रेम, बिलाई दो समझते ऐसे फेंकना, किसी के पास बहुत है ना कुछ बढ़िया मीठा प्रसाद, उत्तम कोटि का प्रसाद, चारों ओर भंडार जमा है, वो स्वयं भी पा रहे हैं दूसरों को भी दे रहे हैं, तो ऐसे फेंक रहे महाप्रभु जी प्रेम। इसलिए कह रहे एछे दयालु अवतार, एछे दाता नाही यार, गुण के हो नारे भरनी वारे। अरे महाप्रभु जी से पहले ऐसा दयालु अवतार कोई हुआ? ऐसा दाता कोई हुआ? अरे उनके गुणों का कौन वर्णन करेगा। तो हमारे गुरु महाराज जी हैं, वो जब जगत में आए ना, जिनके विषय में आप सुन रहे हैं, शिला भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी, वो ऐसी दुर्लभ वस्तु जगत में देकर गए, ऐसी दुर्लभ वस्तु कि उनके विषय में भी यही कहा जा सकता है, एछे दयालु अवतार, एछे दाता नाही यार, गुण के हो नारे वर्णी वारे। अरे उनके गुणों का कौन वर्णन करेगा? हम लोग जो कर रहे हैं उनके गुणों का वर्णन करने का सामर्थ्य हम में नहीं है, हम में तो नहीं है। क्यों कर रहे हैं? आत्म पवित्रता लाभ करने के लिए, यही शास्त्र की विधि है। सुनवताम सो कथाम कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तना हृदयंतस्तो हि भद्राणि विदुनोति सुहृत सताम, यही विधि है, ये विधि का ही पालन करना है। उनके गुणों का कौन वर्णन करेगा? किंतु तुम्हार गुणे स्तुति कराए जय छे तुम्हार गुण, आपके गुण ही ऐसे हैं, गुरु महाराज जी के गुण ही ऐसे हैं, सभी उनकी स्तुति करने के लिए बाध्य हो जाते हैं। तो वो जगत को एक बड़ी दुर्लभ वस्तु देकर गए। जानते हैं क्या दुर्लभ वस्तु देकर गए? उसको हम कल एक दो चार मिनट में बतला देते हैं, कुछ उसका दिग्दर्शन, कुछ उसका आचमन करा दें, स्नान करना बड़ा कठिन है, आचमन ही हो जाए। क्या गुरु जी जगत में देकर गए वस्तु? बड़ी दुर्लभ वस्तु। जानते हैं क्या वस्तु दे गए? कृष्णचंद्र कौन है? भगवान कृष्ण कौन है? जिनके विषय में कहा गया, राम आदि मूर्ति शुकला नियम तिष्ठन, नाना अवतार मकरोत भुवनेशु किंतु कृष्णा स्वयं संभवता परम अपमान यो गोविंदम आदि पुरुषम तमम भजामि। अरे राम नरसिंह भरा ये सब जिनके कला हैं, अंश हैं, एते चांश कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं, ये सब तो उनके अंश कला हैं, कृष्ण स्वयं भगवान हैं, तो दूसरे दूसरे अवतारों की बात नहीं कर रहे, स्वयं कृष्ण की बात कर रहे हैं। ब्रज में और ब्रज की भक्ति में, ब्रज के भाव में क्या महिमा छुपी हुई है उसको समझना है। कृष्ण ने द्वारका में, मथुरा में जब कृष्ण थे, राजा नग्नजीत थे, सुनना बात को ध्यान से, सुना है नाम राजा नग्नजीत, उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह करने की इच्छा की और उसके लिए स्वयंवर किया, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने स्वयंवर में पण रख दिया, शर्त रख दी, सात बड़े बड़े बैल लेकर आए, सात बड़े बड़े बैल है, और शर्त क्या रख दी, जो इन बैलों को एक बार में नथ देगा, इनकी नाक में नथनी डाल देगा, उससे मैं अपनी कन्या का विवाह करूंगा, इतना बलशाली होना चाहिए। कृष्ण कूदे अखाड़े में, एक क्षण नहीं लगाया, सात बड़े बड़े बैलों को एक क्षण में नथ दिया,
हैं, और राजा नग्नजीत की कन्या, उनसे उनका विवाह हो गया हैं। ये कृष्ण का पराक्रम है ना, कृष्ण का एक क्षण नहीं लगा। और ब्रज का क्या भाव है, एक दिन जशोदा मैया ने कृष्ण से कहा, कन्हैया जा गोष्ठ में से एक गौवत्स ले आ, एक बछड़े को ले आ, आज गौवत्स की पूजा होगी। तो कृष्ण छोटे है ना, कृष्ण गोष्ठ में जाकर खिड़क में जाकर खड़े हो गए ऐसे हाथ बांध के, और देख रहे हैं सबसे छोटा बछड़ा कौन सा है। तो एक बड़ा छोटा बछड़ा, कोमल नवजात है, भूरे रंग का बछड़ा। कृष्ण ने देखा ये सबसे छोटा, इसको पकड़ लेता हूं। अब उसके निकट में गए तो मन में सोच रहे इसकी रस्सी खोलूं कि नहीं खोलूं, किंतु मैया ने तो बोला करिया लाला जा लिया। तो कृष्ण ने रस्सी खोल दी, और जैसे ही रस्सी खोली वो बछड़ा दौड़ा, छोटा सा बछड़ा वो दौड़ा, और कृष्ण रस्सी पकड़ के उसके पीछे पीछे घसीटते हुए जा रहे हैं। कृष्ण बछड़े को लेकर नहीं आए, बछड़ा कृष्ण को लेकर आ गया, समझ रहे हैं। ये ब्रज का भाव है, कृष्ण भूल जाते हैं अपनी भगवत्ता। कहां तो राजा नग्नजीत की स्वयंवर में 7 बैलों को एक क्षण में मत दिया, और कहां ब्रज में छोटा से बछड़े को नहीं खींच पाते। ये ब्रज का भाव है, भूल जाते हैं कृष्ण में भगवान। जशोदा मैया उनको एक छोटी सी छड़ी, एक बिलान की छड़ी दिखा दी इतनी बड़ी, और कृष्ण भय से कांप रहे, 7 अंक नेत्रम भय से कांप रहे, आज मैया मारेगी। और कृष्ण के कुंडल है ना, कृष्ण के आभूषण है, वो सब जोर जोर से, कृष्ण रो रहे हैं और वो हिल रहे हैं। हिल रहे हैं जानते किस लिए, मैया से कह रहे हैं, मैया देखिए तो बहुत रोता है, मैया देखिए बहुत रोता है, इसको मत मार, यदि तुम मार देगी ना इसको तो ना जाने इसको कुछ अनिष्ट हो जाएगा, मैया इसको मत मार। और कृष्ण भय से विवल हो रहे हैं, ऐसा ये ब्रज का भाव है। कृष्ण ने भरावतार लिया, सुना ना आपने भरावतार, और अपनी दाढ़ों पर इस पूरी पृथ्वी को उठाकर ले आए कृष्ण, इतने बलशाली, एक उनका अंश कला भरावतार, और पृथ्वी पर पृथ्वी को दाढ़ों पर रखा उठाकर ले आए, कितना बलशाली है कृष्ण। और राधा जी के कुंज में जाने के लिए कृष्ण क्या करते हैं, है कुंज किस चीज का बना होता है, कुछ झाड़ियों का बना होगा, कुछ लता गुल्म है, और कृष्ण उसमें प्रवेश करने के लिए राधा जी की जो छोटी छोटी 12-12.5 साल की जो मंजरिया है ना, जो उनकी सेविकाएं, उनसे प्रार्थना करते हैं, अरे हमको भीतर जाने दो, तुम्हारी स्वामी राधा जी भी बड़ी निष्ठुर हो रही है, तुम भी उनके समान निष्ठुर हृदय की हो गई हो, क्या हमको भीतर जाने दो। और वो झिड़क देती है कृष्ण को, दूर हटो, तुम दूर तो हो, तुम लंपट हो, आज हमारी स्वामिनी ने कहा कोई भी काली वस्तु कुंज में प्रवेश नहीं करेगी, और कृष्ण प्रवेश नहीं कर पाते। कितना बल है, पूरी पृथ्वी को दाढ़ों पर उठाकर ले आए, अरे कुंज में प्रवेश कर जाओ, कर सकेंगे कुंज में प्रवेश, नहीं कर सकते। ये ब्रज का भाव है, ये हम इसलिए बता रहे कि इतनी दुर्लभ वस्तु है ये ब्रज का भाव, इतनी दुर्लभ वस्तु, उस दुर्लभ वस्तु को हमारे गुरु महाराज जी श्रीला भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी ने इतने सहज सरल रूप में एक एक जीव के हृदय में डाल दिया, इतनी दुर्लभ वस्तु जिसकी जिसको भाषा से नहीं समझाया जा सकता, इतनी जो दुर्लभ वस्तु है, कृष्ण उसके लिए वशीभूत हो जाते हैं। नारद जी युधिष्ठिर महाराज को कह रहे हैं, राजन बड़े सुंदर रूप में, पतिर गुरु रदम भवता यदुना देवम प्रिया कुलपति क्वचा किंकर होगा अस्तेव भंग भगवान भजता मुकुंदो मुक्तिम ददाती कहिचित स्मना भक्ति योगम। नारद जी कह रहे युधिष्ठिर महाराज को, अरे राजन ये जो कृष्ण है ना, ये कभी तो तुम्हारे सखा हुए, कभी तुम्हारे संबंधी हुए, यहाँ तक कि तुम्हारे सेवक भी हो गए, ये ऐसे दयालु हैं, किंतु इतने दयालु होने पर भी ये कृष्ण मुक्ति तो दे देते हैं, भक्ति नहीं देते किसी को। और हमारे गुरु महाराज जी कहते थे भक्ति भी यदि दे दें, ब्रज की भक्ति तो कृष्ण कान पकड़कर किसी को नहीं देते, क्यों, अरे भैया ब्रज की भक्ति दे दी ना तो अभी तो ये भक्त हमारे पीछे पीछे डोल रहा है, इसको ब्रज की भक्ति मिल गई तो फिर हमको इसके पीछे पीछे डोलना पड़ेगा, इसलिए ब्रज की भक्ति नहीं देते कभी। ऐसी ब्रज की भक्ति को कृष्ण देना नहीं चाहते, क्योंकि कृष्ण भक्त के वशीभूत हो जाएंगे, है ना वशीभूत, राधा जी के, नंद बाबा के, जशोदा मैया के, ललिता विशाखा के। क्या कहती है ललिता जी कृष्ण से, धूर्ते ब्रजेंद्र तनिये तनु सुष्टु माम्यम मां दक्षिणा भवर कलंकिनी लाघवाय। राधा जी को कहती है वो बड़ा धूर्त है, वो लंपट है, तुम अपना मान भंग मत करना। और कृष्ण जब सुनते हैं ब्रज गोपी हमको धूर्त कह रही है, लंपट कह रही है, तो कृष्ण के मन का भाव जानते क्या है, वेद स्तुति हैते से ही हरे मोर मन। अरे ये ब्रजवासियों की गालियां तो हमको वेदों की स्तुति से भी अधिक प्रिय हैं, इतना दुर्लभ ये ब्रज का भाव है, इतना दुर्लभ, जिसको कृष्ण स्वयं नहीं देना चाहते, किंतु कृष्ण नहीं दे सकते। कृष्ण के जो भक्त है ना, हमारे गुरु महाराज जी जैसे जो नित्य सिद्ध ब्रजवासी हैं, वो उस जगत से इस जगत में आते हैं, क्यों आते हैं, वो बड़े दयालु हृदय के हैं, बड़े दयालु हृदय के। हमने सुना ना, आप नहीं करे आस्वादन है, वो स्वयं आस्वादन कर रहे होते हैं ना उस वस्तु का,
किंतु उनके मन का भाव क्या है, सिखाई लो भक्तगण, वो दूसरों को भी देना चाहते हैं। रूप गोस्वामी जी ने प्रार्थना की ना, स्फुरतु वा सचिनंदना, मेरे हृदय में ही चैतन्य महापुरुष स्फूर्ति को प्राप्त ना करे, सबके हृदय में करे। इसलिए श्रीला प्रभुपाद जी कहते थे चैतन्य महाप्रभु महावदान्य है, कृष्ण वदान्य है, चैतन्य महाप्रभु महावदान्य है, किंतु उनके जो भक्त है ना वो महा महावदान्य है। क्यों? चैतन्य महाप्रभु स्वयं को दान नहीं कर सकते, किंतु उनके भक्त दान कर सकते हैं। चैतन्य महाप्रभु कृष्ण स्वयं को दान नहीं कर सकते, किंतु उनके भक्त दान कर सकते हैं। कैसे दान कर सकते हैं? महाप्रभु उनके हृदय की संपत्ति है और वो दूसरों के हृदय में भी उसको स्फूरित संचरित कर सकते हैं। ये महाप्रभु जी के भक्तों का वैशिष्ट है। तो हमारे गुरु महाराज जी का भी यही, संपूर्ण विश्व में जो उनकी महिमा का गुणगान हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि गुरु महाराज जी ऐसी एक दुर्लभ वस्तु दे गए, ऐसी एक दुर्लभ वस्तु। मैं एक छोटी सी बात उनके जीवन की बतलाना चाहता हूँ, बस फिर समाप्त कर देंगे। इतना परिश्रम किया उन्होंने इस ब्रज भक्ति को देने के लिए। लोग कहते हैं इस ब्रज भक्ति में सबका अधिकार नहीं है, बात सही भी हो सकती है, सबका अधिकार नहीं, किंतु गुरु महाराज जी कहते थे इस ब्रज भक्ति में सबका अधिकार है। क्यों? शास्त्र का विचार है, स्वरूपे ते हय सवारे गोलोके ते स्थिति। अरे स्वरूप के अनुसार तो हम सभी कृष्ण के नित्य दास है ना, तो जब हम कृष्ण के नित्य दास है तो हमारा सबका अधिकार है कृष्ण भक्ति में, है कि नहीं है? और ब्रज भक्ति में भी सबका अधिकार है, बस हमको उस अधिकार को प्राप्त करना है। तो गुरु महाराज जी का यह वैशिष्ट्य था, उन्होंने अधिकार अनाधिकार का विचार किए बिना, पात्र पात्र का विचार किए बिना, उन्होंने सबको ब्रज भक्ति दान किया। सदैव इसी बात को कहते थे, तुम लोग भजन कर रहे हो, भक्ति कर रहे हो, कृष्ण भी यदि वर देने आ जाए, चैतन्य महाप्रभु भी वर देने आ जाए, उनसे ब्रज की भक्ति के अतिरिक्त कभी कुछ मत मांग लेना, कृष्ण बड़े छलिया है, तुमको ठग देंगे, चैतन्य महाप्रभु तुमको ठग देंगे, किंतु मैं तुमको समझा रहा हूँ, ये गुरुजी कहते थे, ब्रज भक्ति के अतिरिक्त उनसे कभी कुछ मत मांगना। और गुरुजी बड़े हास परिहास में कहते थे, इस बात को हमने पहले भी कहा, देखो शिवजी जी के मन में इच्छा हुई कि मैं रास में प्रवेश करूं, उनको जोग माया जी पूर्णमासी जी ने गोपी का वेश भी बना दिया, रास में पहुंचा भी दिया, किंतु गोपियों ने क्या किया, उनको गुलचे मार मार कर रास से बाहर कर दिया। तो शिवजी जी रोने लगे, अरे हमको रास में प्रवेश नहीं मिला। तो कृष्ण आए, बड़ी कृपा की उनके ऊपर, क्या कृपा की जानते हैं? कृष्ण ने कृपा करते हुए कह दिया, तुमको द्वारपाल बना देते, द्वारपाल पहरेदार, आपकी कृपा के बिना कोई रास में प्रवेश नहीं करेगा, किंतु आप भी रास में प्रवेश नहीं करोगे, कृष्ण इतने छलिया हैं। तो गुरु महाराज जी हंसते हुए कहते थे, शिवजी जी को कोई गौड़ीय गुरु नहीं मिला, यदि शिवजी जी को कोई गौड़ीय गुरु मिल जाता तो उनके कान में मंत्र दे देता। क्या मंत्र दे देता? कृष्ण आ जाए ना सामने, उनसे ऐसे भर मांग लेना, हे श्याम सुंदर श्रीखंड शेखर स्मेर हास मुरली मनोहर राधिकार सिख माम कृपा निदेश प्रिया चरण किंकरी गुरु। बड़ी स्तुति करना कृष्ण की, अरे आप तो श्याम सुंदर हो, आप तो श्रीखंड शेखर हो, आप तो राधिका रमण हो। तो गुरु जी कहते थे कृष्ण प्रसन्न हो जाएंगे, अच्छा इतनी हमारी स्तुति कर रहा है तो कुछ मांग लो। तो गुरु जी कहते थे जैसे ही कहना कुछ मांग लो, झट करके उनसे क्या मांग ला, राधिका पद तले कृति स्थितिम त्वं भजामि रसिकेन्द्र शेखर, हमको तो राधा जी की दासी बना दो। तो कृष्ण तुमको ठगने आएंगे, किंतु तुम उल्टा कृष्ण को ठग लेना, और ये कैसे संभव होगा? यदि कोई गौड़ीय गुरु मिलेगा ना, वो कान में मंत्र दे देगा, तब ये संभव होगा, नहीं तो संभव नहीं होगा। तो हमारे गुरु महाराज जी का ये वैशिष्ट है, सबके कान में ये मंत्र दे गए कि कृष्ण ठगने आएंगे, तुम ठगे मत जाना, तुम उल्टा कृष्ण को ठग लेना, उनकी स्तुति करना, और उनसे क्या मांग लेना, ये राधा जी का पाल्यदासी भाव मांग लेना। बस कहने की तो एक और इच्छा थी, कह दूं महाराज जी, दो मिनट लगेंगे, बंद कर दो, पार्टी महाराज जी के हाथ में है, ठीक है, एक फुट में सब खा जाओगे ना, फिर पेट में हजम नहीं होगा। मैं एक छोटी सी बात तो बतलाई दूं, संकोच हो, महाराज जी कह रहे थे ना जीवा में खुजली हो रही है, तो महाराज जी ने खुजली सबको दे दी थोड़ी थोड़ी जीवा में, अब घोड़ा गति को पकड़ रहा है, उसको खींच देंगे उसकी लगाम तो गिर पड़ेंगे। एक छोटी सी बात मैं बतला रहा हूँ, देखो गुरु महाराज जी ने कितने सहज सरल रूप में, हम जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं ना, इसमें कितनी सारी महिलाएं हैं, हम लोग जिनका जन्म ब्राह्मण कुल में नहीं हुआ है, जिनको अधिकार वेद पढ़ने का नहीं है, राधा जी की महिमा ब्रज का भाव, ये तो बड़ी दुर्लभ चीज है, बड़ी दुर्लभ चीज है, किंतु श्रीला प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर जी ने ये देव वर्णाश्रम धर्म की स्थापना की। देव वर्णाश्रम धर्म मतलब केवल ब्राह्मण के घर में जन्म लेगा, जन्म लेने से ही ब्राह्मण हो जाएगा ऐसा नहीं है, जिसमें गुण है ब्राह्मण के उसको ब्राह्मण माना जाएगा। गुरु महाराज जी ने उनकी इस विचारधारा को कैसे पालन किया देखिए। मथुरा में एक समय हमारे गुरु महाराज जी के माता पिता है,
है, उनका परिवार आता था, माता पिताजी कभी कभी उनका दर्शन करने, हरि कथा सुनने, धाम वास करने, तो उनके माता पिता एक बार आए मथुरा में। बड़ी सुनने की रोचक बात है, कैसे उन्होंने इतना अथक परिश्रम करके, ये राधा जी की भक्ति ऐसे ही नहीं दे दी है, बहुत वर्षों की तपस्या है गुरु महाराज जी किसके पीछे। तो उनके पिताजी, वो तो गुरु महाराज जी तो थे ऊंचे कुल के ब्राह्मण, त्रिवेदी ब्राह्मण, और वो सभी के सभी रामानुजीय संप्रदाय में दीक्षित थे। तो गुरु महाराज जी के माता पिताजी जब आए मथुरा में, तो संध्या के समय में, दोपहर के समय में प्रसाद पाने की जब समय आया, तो उनके पिताजी संकोच करने लगे, क्योंकि वो तो ऊंचे कुल के ब्राह्मण थे, कि मैं सबके साथ में बैठ करके प्रसाद कैसे पाऊं। तो गुरु महाराज जी उनके मन के भाव को जान गए, तो गुरु जी ने क्या किया, उनके लिए पृथक रूप से रसोई की व्यवस्था कराई, उन्होंने प्रसाद पाया और गुरु महाराज जी ने उनको प्रसाद इत्यादि की पृथक रूप में व्यवस्था करा दी, वो बड़े संतुष्ट हुए। संध्या के समय में गुरु महाराज जी ने हरि कथा कही और उनके पिताजी माता जी हरि कथा सुनने के लिए आए। गुरु जी ने इतने सुंदर शास्त्रों के प्रमाण से बताया, यस्य लक्षणं प्रोक्तं पुंसो वर्ण अभिव्यंजकम्, अरे गुण के आधार पर ब्राह्मण माना जाएगा, गुण के आधार पर, केवल जन्म के आधार पर ब्राह्मण नहीं माना जाएगा। और गीता भागवत से इतने प्रमाण दिए कि उनके पिताजी, संध्या के समय जब प्रसाद हुआ ना गुरु जी के पिताजी, देख रहे सुनने की बात है, उनके पिताजी उनके निकट में आकर उनसे कहते हैं कि आपकी बात सुनकर के मैं बड़ा संतुष्ट हुआ, मैं अब ब्रह्मचारियों के निकट बैठकर प्रसाद पाना चाहता हूं। तो गुरु जी कहते नहीं, आप ब्रह्मचारियों के निकट बैठकर प्रसाद नहीं पा सकते। उनके पिताजी ने पूछा क्यों, यद्यपि उनके पिताजी दीक्षित थे किंतु वो गांव में प्रथा होती है ना, कुछ मसाला इत्यादि जैसा चबाते हैं, बस इतना सही। तो गुरु जी कहते नहीं, ये ब्रह्मचारी लोग जितने हैं ये तो किसी भी प्रकार का कोई धूम्रपान नहीं करते, किंतु आप तो ये मसाला चबाते हैं, आप इनके साथ बैठकर प्रसाद नहीं पा सकते। उनके पिताजी तो आश्चर्य में पड़ गए। तो गुरु जी से पूछा उन्होंने, तो फिर हम कैसे बैठ के प्रसाद पा सकते हैं? तो गुरु जी ने कहा आपको हरिनाम दीक्षा लेनी होगी। यद्यपि वो श्री संप्रदाय में दीक्षित थे किंतु कैसा गुरु महाराज जी का आदर्श है। उसके पश्चात उनके पिताजी ने दो चार दिन वहां वास किया और बड़ी प्रार्थना की गुरु जी से कि हमको हरिनाम दे दो। गुरु जी कहते नहीं, आप तो हमारे जन्म के तो पिता हैं, आपने हमको पालन पोषण किया, शिक्षा गुरु जैसे, हम हरिनाम नहीं दे सकते। किंतु अब उनके पिताजी ने भी चार पांच दिन हरि कथा सुन ली थी, है ना, तो उनके पिताजी कहते हैं अरे आप ही तो हरि कथा में कहते हो जय ही भजे सही बड़ा भक्त हीन छार, अरे भजन के अनुसार ही तो व्यक्ति को बड़ा माना जाएगा, तो आप हमसे बड़े हो गए, हमको हरिनाम दे दो। तो गुरु जी ने उसके पश्चात उनको हरिनाम दिया। तो विचार करने की बात है, कहां से लेकर के गुरु महाराज जी कितना परिश्रम किया और वहां से लेकर हमको इस ब्रज भक्ति तक लेकर आए, तो उनके गुणों का कौन वर्णन करेगा। गौर प्रेमानंदे हमारे बीच में श्री विजय प्रभु जी आइए, अजय प्रभु जी ये पायलट जी है, गुरुदेव को कभी कभी ये विदेश में भी अपना पायलट ये प्लेन में बैठा कर ले गए, अगर कोई विशेष कोई जैसे टिकट मिल नहीं रहा है, अभी गुरु जी अगर कहीं जाना है टिकट कौन व्यवस्था करेगा, ये पायलट है वो किसी ना किसी तरह से गुरु जी को टिकट की व्यवस्था कर देते थे। जब गुरुदेव प्रचार करते करते थक जाते थे, क्योंकि गुरु जी के पास में बहुत सारे भक्त लोग आते थे, अभी गुरुदेव कहाँ जाकर रेस्ट करेंगे, इनका घर एयरपोर्ट के पास में इनका घर है, इसलिए ये जा करके फिर इनके घर में गुरुदेव जा करके इनके घर में विश्राम करते थे गुरुदेव। और इन्होंने तन मन और धन से हर तरह से इन्होंने श्री गुरु जी की सेवा की है। अभी ये तो कनाडा में वहाँ चले गए, अभी वहाँ से ही काम करते, अभी लॉकडाउन की वजह से अभी कुछ दिन के लिए उन्होंने यहाँ आए हैं। और गुरु जी की ऊपर में बड़ी इनकी विश्वास है और भक्ति है, बड़े अनुभूति है। अभी ये गुरु जी के चरण में कुछ पुष्पांजलि प्रदान करेंगे श्री अजय प्रभु जी। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय राधिकाय प्रियात्मने श्री श्रीमद्भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी नामे वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सबसे पहले अपने गुरु पाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। और फिर हमारे गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री भगवान गोस्वामी महाराज भक्ति वेदांत श्री त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। समस्त गुरु परम्परा गुरुवर्गों के चरणों में दंडवत प्रणाम। मंच पे आसीन
हमारे भक्ति विधान श्रीधर महाराज जी, भक्ति विधान वन महाराज जी, हमारे त्रिविक्रम महाराज जी, संजय प्रभु जी, विजय प्रभु जी और आप सभी वैष्णव वैष्णव के चरणों में मेरा धन्यवाद प्रणाम। समय बहुत कम है और आप सबको भूख भी लगी है। महाराज जी ने बड़ी अतिशयोक्ति कर दी, बहुत बड़ा चढ़ा के बोल दिया कि इनको बहुत अनुभूति है गुरु जी की। हम तो गुरु जी को भी पहचान भी नहीं पाए गुरु जी हैं कौन। यहाँ पे बहुत महाराज लोग बैठे थे, इनकी उन्होंने बहुत निकटतम सेवा करी है, लेकिन महाराज जी क्या है ये थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का सा दिखने लगा है अभी। आज से 6 महीने पहले की बात सोच लो, हम सब लॉकडाउन में बैठे हुए थे और महाराज जी के शतवार्षिकी का सोच रहे थे कैसे होगा। हम सभी लोग चिंतित थे कि कैसे हम लोग इकट्ठे होंगे, कैसे मनाएंगे। तभी 3-4 महीने पहले हमने जूम शुरू कर दिया तो उसमें बड़ा आनंद आने लगा। जूम आज चारों तरफ जूम हो रहा है, भारत में हो रहा है, अमेरिका में हो रहा है, लंदन में हो रहा है और अनेक अनेक देशों में नए नए शुरू हो रहे हैं। और एक विशेष बात देखो, कोरोना कितना दिन तक रहा है लेकिन जब गुरु जी की शतवार्षिकी का आई ना, अपने आप कोरोना खत्म हो गया। अरे वो अपने आप कोरोना ही खत्म हो गया। कारण क्या है, जब कोई संत इसी जगत में आते हैं और इतना प्रभाव एक संत आने का शास्त्र में कहते हैं, बोले एक संत अगर जगत में अवतीर्ण हो गए, कहते संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड को, हमारे श्री वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं जब एक हाथ उठा करके नृत्य करते हैं स्वर्ग में देवता को कल्याण होता है। जब अपना प्रेम भरी दृष्टि से वो चारी तरफ को दर्शन करते हैं, जितना दूर तक उनको दृष्टि चली जाए उतना दूर तक सारे दुर्भिक्ष सारे दुख कष्ट खत्म हो जाता है। जब उनका चरण स्पर्श होता है पृथ्वी में, जब कृष्ण प्रेम में उन्माद होकर नृत्य करते हैं, उनका चरण स्पर्श पा करके पृथ्वी भी अपने आप को धन्य करता मानता है। हमने और एक चीज गुरु जी को देखा, जब हमारा भारत में बहुत गरीब पड़ती है, बहुत गरीब पड़ती है आपको पता होगा, लेकिन मानसून आ ही नहीं रहा है। मैंने देखा जिस दिन गुरुदेव उस समय विदेश में गुरुदेव रहते हैं, लेकिन जिस दिन गुरुदेव प्लेन में फ्लाइट से उतर करके जब प्यार रखते हैं ना भारत में, अपने आप में देखा बारिश आने लग जाता है। अरे वो मैंने ये चीज को स्वयं देखा, अपने आप बारिश आने लग गया। मैंने कहा देखो अभी तो इतने गरीब पड़ रहे थे लेकिन गुरुदेव आते ही मतलब एक संतों का इतने प्रभाव है। इसलिए इतना जो महिमा सुन रहे ना, हम लोग कोई साधारण व्यक्ति नहीं है जो ऐसे गुरु जी की शरण में जो हम लोग आए हैं। इसलिए गुरुदेव कभी कभी कहते हैं जिन लोगों ने एक बार मेरे शरण लिया है, गुरुदेव स्वयं कहते हैं जितने जन्म लगे उसके लिए, अगर करोड़ों जन्म लगे तो उसके लिए मैं बारंबार इस जगत में आऊंगा जब तक मैंने इनको उठा करके गोलोक वृंदावन में नहीं पहुंचा देता। ये गुरु जी की वाणी है। ओ गुरु महाराज की। तो मैं बता रहा था महाराज जी ने इसमें एक बहुत सुंदर सुंदर बातें जोड़ी। तो कैसे 6 महीने पहले हम सब दुखी बैठे थे, क्या होगा, कैसे सेंटिनरी मनाएंगे, इतना उत्साह था 1 साल पहले, लेकिन कोरोना ने आके सारा लगता खराब कर दिया। लेकिन मैं तो देख रहा हूँ कोरोना के कारण बहुत अच्छे से सेंटिनरी मिल रहा है, बल्कि ऐसा कभी मन नहीं पाता अगर कोरोना नहीं आता तो ये कोरोना नहीं आया, गुरु जी की करुणा आई है मैं समझता हूँ। और बड़ी कृपावश उन्होंने, चारों तरफ जूम चल रहा है और मुझे लगता है अभी 1 साल तक चलता ही रहेगा। और हर एक एक छोटे छोटे भक्त की हम कथा सुन रहे हैं कैसे गुरु जी से जुड़े, कैसे क्या हुआ, वो बेचारे कभी यहाँ स्टेज पर नहीं आ पाते, आप सबके सामने कौन बोल पाता, दीदी ने उसने इतना अच्छा बोला, अब हमें कौन स्टेज पे बुलाता भाई, इनके लिए टाइम नहीं है। प्रभु जी हर बार छींटे मार के जाते हैं, इनको उन्होंने मग्गा नहीं उठाया आज तक तो आप और हमको कौन पूछता। तो मैं आपको न तो आचमन करा सकता हूँ, न स्नान करा सकता हूँ, न मग्गा उठा सकता हूँ, लेकिन आप सबके चरणों को धोने की थोड़ी कोशिश कर सकता हूँ जरूर। तो महाराज जी के बारे में कह रहा था कि किस तरह से कितना सुंदर दिल्ली में 3-4 प्रोग्राम, फिर फरीदाबाद में, फिर मथुरा में, वृंदावन में, अब यहाँ। तो ये महाराज जी आपको जो देख रहे हैं, ये दो फोटो लगे यहाँ पे, ये दोनों महापुरुष कोई साधारण महापुरुष नहीं है, ये नित्य मुक्त आत्माएं हैं। ये कभी कभी इस धरती पे आते हैं। आप बोलोगे कि मैं ऐसा कैसे क्यों बोल रहा हूँ। और महाराज जी ने एक और बार महाराज जी की बात याद आती है कि अभी ये 100 वर्ष के बाद मुझे लगता है अभी महाराज जी ने एक भविष्यवाणी बताई थी कि महाप्रभु एक भविष्यवाणी करके गए थे कि क्या कि पृथ्वी पे आचे नगर आदि ग्राम, जितने भी नगर और गांव है धरती के ऊपर, वहां सब जगह मेरा नाम प्रचार होगा। तो सुनने में लगता कि बहुत बड़ी भविष्यवाणी, लेकिन महाप्रभु कभी झूठ नहीं बोल सकते। उसके बाद भक्ति में ठाकुर ने भी एक भविष्यवाणी करी थी, लेकिन हमारे गुरुजी ने भी एक भविष्यवाणी करी थी।
और शायद सब लोगों ने उसको सुना ना हो, लेकिन मैंने उसके अपने कानों से सुना है। गुरु जी कह रहे थे 100 साल बाद तुम्हें पता चलेगा मैं क्या लिख के जा रहा हूँ, क्या दे के जा रहा हूँ। तो मेरे को लगता है 100 साल वो और कुछ नहीं, ये शताब्दी ही था उनका। तो अब हमें पता चल रहा है धीरे धीरे, और अब से गुरु की महिमा ऐसे मेरे लग रहा है बाढ़ सी आने वाली है। अभी तो हल्की हल्की बारिश शुरू हुई है, अभी तो सिर्फ छींटे मार रहे हैं प्रभु जी को, ये फटाफट लगाने वाले हैं, डुबाने वाले हैं बाढ़ में सबको, पूरी दुनिया में, सिर्फ भारतवर्ष में नहीं पूरी दुनिया में। आप देखो उस दिन गोविंद दामोदर माधवेती के वीडियो आया, कहां कहां से आ रहा था, कोई बर्फ में बैठ के गा रहा था, कोई मरुस्थल में बैठ के गा रहा था, कोई घर में बैठ के गा रहा था, कोई काला गा रहा था, कोई गोरा गा रहा था, कोई अमीर गा रहा था, कोई गरीब, सब गा रहे थे चारों तरफ। तो अभी तो गुरु जी का फूल खिलने लगा है, अभी गुरु जी का फूल खिलना शुरू हुआ है, और अभी आने वाले समय मुझे लगता है बहुत जबरदस्त बाढ़ आने वाली है, उसमें सब डूबने वाले हैं। ये गुरु जी की भविष्यवाणी हमने सुना उनके कानों से कि मेरे 100 साल बाद, मुझे लग रहा था गुरु जी कह रहे थे कि मेरे जाने के 100 साल बाद, बट अब लग गुरु ने क्योंकि ये बताया नहीं था कि 100 साल कौन से, कहाँ से, जन्म से या जाने से, तो मुझे ये लग रहा है कि उनके जन्म से 100 साल थे, क्योंकि ये सब नजर आने लगा चारों तरफ। और गुरु जी परम मुक्त महात्मा थे, मेरी पहली मीटिंग में उन्होंने मुझको ये बात का पता दे दिया था थोड़ा सा, क्योंकि मैं गुरु जी से मिलने से पहले समझता था कि मुक्ति ही सर्व कुछ है, लेकिन अब पता चलता है कि मुक्ति तो गुरु जी के चरणों में लोट फलोट मारती है, कि कहीं देती गुरु जी का ध्यान हमारे पर भी पड़ जाए। तो गुरु जी से सबसे पहले मैं हमारे बुद्धिराज जी के घर में मिला, वहाँ पे कश्यप जी के साथ गया, और वहाँ पे गुरु जी कीर्तन वगैरह किया, महाराज जी पहली बार दर्शन किए, इतने दिव्य दर्शन लगा, रोशनी निकल रही है, और महाराज जी को सबने प्रणाम किया, सबने रिकॉर्डर उनके मुँह के सामने रख दिए। मैं बड़ा आश्चर्यचकित था कि ऐसा क्या महाराज जी कहेंगे, इतने लोग उसको रिकॉर्ड करना चाहते हैं और सबने साथ लेके जाना चाहते हैं। महाराज जी ने बहुत कथा कही लेकिन मुझे कुछ याद नहीं, एक ही बात याद रही, महाराज जी अचानक मुक्ति और भक्ति की बात कर रहे थे जैसे प्रभु जी कर रहे थे, और महाराज जी ने कहा मुक्ति किसको चाहिए, मुक्ति हाथ खड़ा करो, ऐसे जोर से बोला। मैं तो घबरा गया, मैंने कहा मुक्ति आज तक जो सुना था मैंने जीवन में, मुक्ति से बड़ी कोई चीज सुनी नहीं थी, क्योंकि हम सब माया से परेशान हैं, सब रो रहे हैं, कभी ये प्रॉब्लम कभी वो प्रॉब्लम, कभी ऐसा कभी वैसा, और ये महात्मा तो कह रहे हैं हाथ खड़ा करो, अभी देता हूँ, महाराज जी ने ये कहा अभी देता हूँ। तो मैं तो एकदम घबरा गया, और मेरा मन किया कि हाथ खड़ा कर दूं, क्योंकि सबसे बड़ी चीज थी जीवन में अभी तक अभी सुनी थी, और ऐसे ही मिल रही है, खाली हाथ खड़ा करने से मिल रही है मुक्ति के लिए। लोग मैंने सुना 60,000 साल तपस्या करते हैं, हमारे वाल्मीकि जी ने बहुत साल तपस्या, कई वाल्मीकि जी और कई ऐसे योगी और ज्ञानी हुए हैं जो हजारों साल तपस्या करके भी नहीं मिल पाते, फिर भी गिर जाते हैं, फिर कोई मेनका आ जाती है, कोई रंभा जाती है, गिरा देती है, लेकिन हमारे महाराज जी क्या कह रहे थे, अभी देता हूँ। और ऐसा नहीं कि देख गलती से मुंह से निकल गया बात और फिर फटाफट कथा कहने लगा, ऐसा नहीं, अभी देता हूँ कहके उन्होंने पॉज किया और बोला कि किसी का मन करे तो हाथ उठा दो, शायद मेरे लिए वेट कर रहे हो, क्योंकि मेरा मन कर रहा था थोड़ा थोड़ा खाने का, लेकिन फिर मैंने देखा आसपास किसी ने भी हाथ नहीं उठाया। फिर मैंने सोचा कि किसी को मुक्ति चाहिए क्यों नहीं यहाँ पे, क्योंकि मैं पहली बार उस सभा में गया था, तो मैं थोड़ा सा हैरान भी था कि इनको चाहिए क्या, फिर आखिर ये आए क्यों हैं, जब मुक्ति भी इनको नहीं चाहिए तो क्या चाहिए। फिर मैंने ऐसे मन में सोचा जरूर महाराज जी से भी बड़ी कोई चीज़ देते होंगे, तभी ये लोग मुक्ति के लिए हाथ खड़ा नहीं कर रहे। तो फिर मैं चुप रह गया, और आज बड़ा धन्यवाद हूँ कि चुप रह गया, अगर हाथ खड़ा कर देता उस दिन मेरा पता नहीं क्या हो जाता, क्योंकि महाराज जो देने आए हैं प्रभु जी ने उसके छींटे दिए कुछ, वो ब्रज प्रेम है, जहाँ पे नहीं आपके पीछे भागने को तैयार है, आपको जाना नहीं पड़ेगा, ऐसे महाराज जी प्रेम देने आए। कल मैं एक जूम क्लास कर रहा था, महाराज जी की एक और छोटी बात बताता हूँ कि कैसे वो नित्य मुक्त हैं और कैसे रियलाइज सोल हैं। ऐसी जो आत्माएं होती हैं ये भविष्य, प्रेजेंट और पास्ट, भूतकाल, प्रेजेंट और भविष्य को एक हाथ में रखे आंवले की तरह देख सकते हैं, क्योंकि आंवला जैसे हम देखते हैं साफ नजर आता है कहाँ क्या है, वैसे इनको आगे पीछे होने वाला सब नजर आता है। कल दीदी ने जूम पे बात बता रही थी, हमारी तुंग विद्या दीदी, कहती मैं गुरुजी के साथ बहुत बहुत जगह घूमी, और एक बार हम हवाई में थे, तो हवाई एक समुद्र के अंदर वो देश है, बहुत छोटा सा टापू है, वहां पे बहुत भूकंप आते हैं, तो उन्होंने कहा कि जब गुरुजी वहां थे तो भूकंप आया बहुत जबरदस्त, और जब भूकंप आया तो जहां गुरुजी थे वहां पे कुछ भी नष्ट नहीं हुआ, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुई, आसपास काफी डैमेज वगैरह हुई, लेकिन महाराज जी के वहां कुछ भी नहीं हुआ। तो ऐसे ही जहां संत महात्मा होते वहां कोई एक्सीडेंट नहीं होता। एक बार किसी और महात्मा से मैंने सुना था कि आप कभी भी संत महात्माओं को किसी एक्सीडेंट में नहीं पाओगे, कहते हैं क्यों, कहते हैं उनका एक सिक्स्थ सेंस काम करता है, हमारे कितने सेंस है 5 हैं, लेकिन उनके पास एक एक्स्ट्रा होता है जो हमारे पास होता तो है
लेकिन वो दबा हुआ होता है, काम नहीं करता, ऐसे डॉर्मेंट पड़ा रहता है। हम चाहें तो उसको जागृत कर सकते हैं, लेकिन इन जो मुक्त पुरुष होते हैं इनके पास वो, बल्कि वही ज्यादा काम करता है, बाकी पांच उतने काम नहीं करते। हमारे तो पांच सारे काम करते हैं लेकिन वो सिक्स वाला बैठा रहता है। लेकिन जो मुक्त महात्मा होते हैं इस तरह के, जो आप देख रहे हो फोटो में दोनों, उनका सिक्स सेंस काम करता है, वही ज्यादा काम करता है। उससे वो आगे पीछे और आसपास सब उनको पता रहता है क्या हो रहा है, कौन सी गाड़ी आ रही है, कहाँ से ट्रेन जा रही है, और वो कभी एक्सीडेंट में इन्वॉल्व नहीं होते, उससे पहले ही बचा लेते हैं और बच भी जाते हैं। इसके दो एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगा। एक पूज्यपाल हमारे रोहिणी नंदन प्रभु जी ने बताया था गुरु जी के बारे में। कहते एक बार गुरु जी खुद बता रहे थे उनको ये बात, कहते वो कहीं ट्रेन से जा रहे थे, साउथ में ट्रेवल करने जा रहे थे और ट्रेन में हरिनाम कर रहे थे। अचानक क्या हुआ, एक ब्रिज से ट्रेन गुजरी और वो ब्रिज के ऊपर ट्रेन पटरी से उतर गई कुछ कारणवश। तो जब पटरी से उतर गई तो महाराज जी तो डब्बे में हरिनाम कर रहे थे, और बाद में लोगों ने देखा कि महाराज जी का डब्बा था वही ब्रिज के ऊपर था। आगे वाले डब्बे सब नीचे लटक रहे थे, पीछे वाले डब्बे भी नीचे लटक रहे थे, खाली गुरु जी का डब्बा वहीं पे खड़ा था ब्रिज के ऊपर। तो इस तरह से मैं बता रहा था, संत महात्मा सब जानते हैं। एक बार पूज्यपाद भक्तिवेदांत वामन महाराज जी के बारे में भी कथा आती है ना, महाराज लोग सब जानते हैं कि मुख से हमने सुनी हुई है कि महाराज एक बार दिल्ली से या कहीं से वहां नवदीप जा रहे थे अपने शिष्यों के साथ। आप बताएं। हाँ, तो शिष्यों के साथ जा रहे थे तो उनको जिस स्टेशन पे उतरना था, पता नहीं महाराज जी को क्या हुआ, महाराज जी ने कहा सब लोग एक स्टेशन पहले यहीं उतर जाओ। तो उनके शिष्यों ने कहा महाराज जी हम तो आगे जाना है, अभी यहाँ तो उतरने का कोई प्लान नहीं हमारा। कहते नहीं उतर जाओ, कुछ बताया नहीं महाराज जी। अब गुरु जी के, महाराज जी की बात कोई मना नहीं कर सकता, कोई टाल नहीं सकता, कोई उसके ऊपर आर्ग्यूमेंट भी नहीं है, सब उतर गए चुपचाप। और महाराज जी भी उतर गए शांति से, बोला यहाँ से हम दूसरी तरह से जाएंगे। तो थोड़ी देर बाद खबर आई कि जिस ट्रेन में वो लोग बैठे थे अगले स्टेशन के पहले उसका एक्सीडेंट हो गया। तो महाराज जी को कैसे उसकी भनक पड़ गई, मैं कह रहा ना सिक्स सेंस काम करता है, उससे उनको पता चल गया कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। और उससे पहले उन्होंने अपने शिष्यों को सबको बाहर उतार के बचा लिया। तो इस तरह से ये संत महात्मा लोग कभी किसी एक्सीडेंट में नहीं होते इन्वॉल्व। और हमारे अनेक भक्तों के भी एक्सीडेंट हुए गुरु जी के रहते रहते। हमारे कश्यप प्रभु और मेरे बुआ फूफा दोनों का बहुत जबरदस्त एक्सीडेंट हुआ। हमारे रागलेखा दीदी का एक्सीडेंट हुआ, सविता दीदी का एक्सीडेंट हुआ, चंद्र चकोर इंग्लैंड से उनका एक्सीडेंट हुआ, लेकिन गुरु जी ने सबकी रक्षा करी, किसी का भी फेटल एक्सीडेंट नहीं हुआ। हालांकि वो थे सारे फेटल, होने थे फेटल, क्योंकि गुरु जी ने ये बात खुद अपने मुख से कही। जब कश्यप जी का एक्सीडेंट हुआ, मैं उनके साथ सेवा में था, सामने सामने टक्कर लगी थी और कुछ गाड़ी का बचा नहीं, लेकिन उनके कुछ हाथ पैर टूटे, बाद में फिर ठीक हो गए और स्वस्थ हो गए। गुरु जी के पास आए, महाराज ने पता क्या कहा, कह रहे तुम्हारी मृत्यु आई थी लेकिन तुम बच गए हो, अब जीवन को भगवान के भजन में लगाओ। ये कहा। हम गुरु जी की बात को हल्के से ले लेते हैं। गुरु शब्द का मतलब ही होता है गुरु, गुरु मतलब भारी, उनकी हर बात भारी है, उसमें दम है, वही परम सत्य है। हमारे गुरु जी कहते थे, प्रमाण क्या इस बात को कहते हैं, महाराज जी घंटे बजाते हैं, बस इस बात को बोलते मैं खत्म करूंगा। कहते हैं कृष्ण जो बोले उसको हम प्रमाण मानते हैं, गीता में कृष्ण कहते हैं वो प्रमाण है। लेकिन हमारे महाराज जी इतने रसिक थे, जैसे प्रभु जी बता रहे थे, ब्रज भक्ति में इतने डूबे हुए थे, कहते हैं कृष्ण कभी कभी झूठ भी बोलते हैं, लेकिन हमेशा उसकी बात को कभी कभी गड़बड़ भी होती है उसमें। कभी कभी गोपियों के आगे कृष्ण बड़ा चढ़ा के अपने आप को बोल देते हैं कि मैं ये हूँ मैं वो हूँ, डींग मारते हैं। इसलिए उनकी बात को हम मानते तो है, लेकिन उससे भी ज्यादा हम मानते हैं किसको, अगर कोई राधा रानी बात कहे, कहते वो बात एकदम परम प्रमाण है। लेकिन मैं आपको इससे भी आगे एक बात कहना चाहता हूँ, अगर उससे भी, क्योंकि न हमारा कृष्ण तक पहुँचे न हमारी राधा रानी तक पहुँचे, अगर हमारे गुरु महाराज कोई बात कहे तो वो परम प्रमाण है, उसके ऊपर कोई भी दो राय नहीं हो सकती। तो गुरु महाराज जी खुद ही कह के गए हैं कि 100 साल, मेरे 100 साल के बाद तुम्हें पता चलेगा कि मैं कौन था, और मुझे कुछ कुछ पता चलने लगा है, पता नहीं 100 साल शायद और लग जाए या 100 जन्म और लग जाए कि गुरु जी कौन थे, क्या देने आए थे, ये हमें पता नहीं चला भी, क्या ब्रज भक्ति क्या भाव में हमें भिगोने डुबोने आए थे। और इन गुरु वैष्णव की कृपा से हो सकता है किसी जन्म में जाके हमें पता चल जाए, और पता चलना दूर क्या पता है, आधे उसके छींटे हमारे मुंह में भी पड़ जाए, उसका स्वाद भी मिल जाए। अगर उसका स्वाद किसी को मिल जाए ना, फिर संसार में कोई रह नहीं पाएगा। अगर उसका स्वाद किसी को लग गया, वो सब छोड़ छाड़ के भागेगा। तो गुरु जी कहते थे परिक्रमा में, क्यों आए हो तुम लोग इस धूल मिट्टी में, ये लंदन से क्यों आए हैं, यहाँ पे न खाने को बढ़िया, न रहने को बढ़िया, न धूल मिट्टी, पानी भी खारा, बोली भी सारी, मथुरा में जाओ बहुत खारा पानी, एक बार नहा लोगे ना फिर उसके अंदर वहाँ हाथ नहीं डाल, ये हार्ड हो जाते हैं बाल वहाँ पे। हम तो बहुत देर रहे वहाँ पे, गुरु जी के पानी वहाँ से भर के दूर से लाते थे। तो कैसे ऐसी जगह में क्यों आ रहे तुम लोग, तुम इतने इतने पैसे कमा रहे हो, इतना इतना अच्छे घरों में रह रहे हो, यहाँ धक्के खाने क्यों आए हो? क्योंकि गुरु जी ने
एक थोड़ा सा स्वाद सबको दे दिया। वो ब्रज भक्ति के छींटे जैसे प्रभु जी डाल रहे हैं, ऐसे एक दो छिड़का दिए, यहाँ छिड़का नहीं पड़ गए हमारे ऊपर गलती से। गुरु जी तो जहाँ उनके पास में चले गए तो पड़ गए, और हम पास में गए नहीं, गुरु जी हमारे पास आए। गुरु जी एक बात और कहते थे कि गुरु क्या करते हैं, कहते जिसके संस्कार पूर्व जन्म के हैं उसको पुष्ट करके उसको भक्ति में आगे बढ़ाते हैं, और जिसके संस्कार पूर्व जन्म के नहीं है, जैसे मैं हूँ, हमारे कोई संस्कार नहीं है, तो गुरु जी उसके लिए क्या करेंगे, कुछ तो है नहीं उसके पास, क्रेडिट तो कुछ है नहीं, खाली पड़ा है। कहते उसके घर गुरु जी खुद घुस जाते हैं, जबरदस्ती हमारे घर घुस गए, घुस के रह गए वहां पे, और उनके संस्कार बनाते हैं कि किसी तरह इसके संस्कार में उनका खाना खाते हैं जबरदस्ती। पूछते थे गुरु जी, मेरे वाइफ से पूछते थे, हाँ कुछ आता है बनाना, कुछ विदेशी बनाती है, उसको लगता है कि बाहर की रहने वाली है, और उस विदेशी खाना खाते थे। आपको जान के आश्चर्य होगा, कभी पास्ता बनवाते थे, कभी पिज्जा, कभी ऐसी चीजें खाते थे जो साधारणतः भक्त लोगों को खाते हुए नहीं देखोगे, लेकिन प्रेम वश गुरु जी प्रेम के वश क्या ना खा लें क्या ना पी लें, ऐसे ऐसे हमारे घर बन के हमारे संस्कार उन्होंने पुष्ट करे धीरे धीरे। और हमको किसी तरह से, जैसे हम जानवरों को घेर के नहीं लाते, भाई कहीं इधर चले जाते हैं तो डंडा मार के, किसी को डंडा मार के, किसी को थप्पड़ दिखा के, किसी को मुस्कुरा के, किसी को कुछ करके, गुरु जी ने घेर घेर के सबको लाए। और कल परसों में वृंदावन में था, वहाँ पे बहुत पुराने पुराने भक्तों से मुलाकात की, हमारे सोमनाथ प्रभु जी बैठे थे, हमारे गोकुल चंद प्रभु जी बैठे थे, हमारे मोदी साहब वहाँ हैं, उनकी वाइफ वहाँ हैं, हमारे दुबल जी की वाइफ वहाँ, जितने भी पुराने पुराने भक्त सब वहीं थे। उनको मैंने यही बात कही, मैंने कहा गुरु जी येन केन प्रकारेण, आप सभी को यहाँ पे ले आए धक्के से या राजी राजी, अगर मान जाते तो प्यार से चलो, नहीं तो थप्पड़ मार के। तो गुरु जी हम सबको वो रस देंगे ही देंगे। प्रभु जी कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन जो गुरु जी के साथ आए उसके लिए बहुत आसान है, मैं बता रहा हूँ, सच बात बता रहा हूँ, मुश्किल नहीं है, है तो बहुत मुश्किल संसार वालों के लिए, लेकिन जिसने गुरु जी के चरण पकड़ लिए, जिसने उनका ध्यान कर लिया, जिसने उनकी शरणागत ले ली, उसके लिए गुरु जी गारंटी देते हैं, गारंटी कहते हैं मैं तुमको देख ही छोड़ूंगा, छोड़ूंगा नहीं, और मैं तो देख रहा हूँ। सोमनाथ जैसे प्रभु जो इतने करोड़ों रुपए का बिजनेस धंधा करते थे, आज वहां धाम में जाके बैठे हैं खाली होके, ये नहीं कि माल भी खाली हो गया, और सिर्फ एक माल के पीछे बैठे। मैं उनके घर गया, ऐसे बिना बुलाए पहुंच गया, बिना बताए, तो मैंने क्या देखता हूँ पता, आपको जान के आश्चर्य होगा, दोनों उसके हस्बैंड और वाइफ सोमनाथ प्रभु और पूनम दीदी, दरवाजा खोला, दोनों के हाथ में हरिनाम माला थी, दोपहर के टाइम, यानी कि अर्ली मॉर्निंग पहुंचा, शाम को पहुंचा, तो कहते हम तो हरिनाम ही करते। मैंने कहा वो तो मैं देख रहा हूँ, अगर मैं बता के आता तो शायद आप दिखाने के लिए भी पकड़ सकते थे, मैं तो बिना बताए घुस गया था, और वो दोनों सुबह से शाम तक हरिनाम करते थे। अरबपति थे, अरबपति आप, उन्होंने खुद मुझे अपनी कथा बताई, लेकिन इतने शर्माते हैं कि वो जूम पे आने को तैयार नहीं है। मैंने कहा प्रभु जी आप अपनी कथा दुनिया को बताना, ताकि हम जैसे जो अरबपति होना चाहते हैं, आप सब चाहते हो ना अरबपति होना, उनको ये बात समझ में आए कि जो अरबपति होके वहाँ बैठा हुआ है उसने क्या पाया क्या खोया, और वो क्या कहना चाहता है, उसकी बात तो सुने हम। उन्होंने मुझे बताया अपने बारे में, कहता है प्रभु जी 129 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट था किसी देश में, बोलीविया में, कहाँ पता नहीं, कहते मुझे लगा मिल ही गया एकदम, और अंत समय में ऐसा हुआ कि जो पैसे लगाए थे वो भी डूब गए, ना प्रोजेक्ट मिला ना कुछ और हुआ। लेकिन जब महाराज जी जब तक थे ना इस धरती पे, तब प्रभु जी करोड़ों में नहीं अरबों में खेलते थे हर समय, और गुरु जी उनके घर में रुकते थे। तो भाई ये पैसे लक्ष्मी जी है ना, ये हम कमा नहीं सकते, महाराज जी इस बात को कहते हैं, लक्ष्मी को हम कोई कमा नहीं सकते। अगर आप सोच रहे कि मैं कमा रहा हूँ तो इस गलत फहमी में मत रहना, एक दिन लात मार के भाग जाएगी तब समझ आएगी बात, हम कोई कमा नहीं सकते, ये गुरु और वैष्णव की कृपा से अपने आप आती हैं। अगर आपके घर में माहौल अच्छा है, वैष्णव की सेवा होती है, विष्णु की पूजा होती है, जहाँ पे उनके पतिदेव जाते हैं वहाँ पे उनकी पत्नी आएंगी आएंगी ना। महाराज जी तो इस बारे में एक बात और कहते हैं कि लक्ष्मी के दो वाहन हैं, एक उल्लू और एक गरुड़। अगर आप सिर्फ लक्ष्मी जी के पीछे भागोगे तो उल्लू पे बैठ के आएंगी, उल्लू बना के जाएंगे। बहुत लोग को मैं उल्लू बनते हुए देख रहा हूँ आसपास, हम भी बन रहे थे बहुत दिनों से, लेकिन अब थोड़ा थोड़ा समझ में आ रही है बात। लेकिन अगर हम ठीक से करेंगे, वैष्णव के अनुगत्य में होके याद करेंगे गुरु जी को और वैष्णव को, तो लक्ष्मी जी गरुड़ पे विष्णु जी के साथ आएंगी, धन धान्य भी होगा, आनंद भी होगा, भगवान का भजन भी होगा, सब कुछ मजे में होंगे। इसलिए मैं चाहता हूँ आप सभी लोग, आज 100 साल अभी खत्म नहीं हो रहे, पूरा साल चलेगा, और हमारा जूम प्रोग्राम बड़ी अच्छी तरह से चल रहा है। आप लोग जो भी लोग गुरु जी से जुड़े हैं, कहना चाहते हैं, मुझसे संपर्क कर सकते हैं। हम हर एक व्यक्ति को चांस दे रहे हैं, बच्चे को भी चांस दे रहे हैं। अगर कोई छोटा बच्चा है, कभी जिसे देखा भी नहीं गुरु जी को, लेकिन गुरु जी के बारे में कुछ कहना चाहता है, वो भी वेलकम है, और पूरा समय दे रहे हैं। वहां पे कोई घंटी और करताल नहीं बजाएगा आपके लिए, आप जितना चाहे उतना बोल सकते हैं दिल खोल के। मैं तो प्रभु जी को सोचता हूँ 1 महीने का टाइम दूं, ताकि इनका स्नान करें। 1 साल में 1 महीने में आचमन होगा।
प्रभु जी को जितना भी टाइम दो अपना आश्रम उतना में फैला देंगे, कभी स्नान नहीं कराएंगे लगता है। मैं प्रभु से कई बार बोलते हूँ प्रभु जी एक स्नान तो करा दो मेरे यहाँ, हर बार आश्रम अगली बार कहते छिटे ही पड़े, अगली बार कहते तुमने निकाला ही नहीं अपनी बॉटल। लेकिन प्रभु जी की बहुत अच्छी पकड़ है, स्पेशली हमारे महाराज जी ने कहा हमारे प्रभुपाद जी के लिए बहुत उनकी निष्ठा है, इस तरह के गुरु जी के फूल हैं जैसे महाराज जी प्रचार कर रहे हैं। और ये महाराज जी कोई साधारण नहीं है, एक बार आप अगर आप मठ में जाओ, कोई गया वृंदावन का मठ, वहाँ पे महाराज जी हमारे श्रीधर महाराज जी का रहने का स्थान आपने देखा कहाँ होता था, सीढ़ी के नीचे जिसमें एक आदमी सोच पाए पैर मोड़ के सीधे भी नहीं, उसमें ही रहते थे महाराज जी। अभी आपको लगता होगा महाराज जी इतना प्रचार कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने बहुत सेवा करी है। एक गजल उसमें कहा गया है, मेहंदी लंग रहती है पत्थर से पिस जाने के बाद। तो दोस्तों यहाँ पे जो लोग बैठे हैं सब ऐसे नहीं बैठे पत्थर से पिस के बैठे हैं, इन महाराज जी के बारे में, वन महाराज जी के बारे में आप कुछ बताना चाहता हूँ। जब बहुत पुरानी बात है, जब ये लोग महाराज नहीं थे ब्रह्मचारी थे, तो गुरु जी से मैं उनको पिता की तरह समझता था, तो उनसे मैंने एक बार बोल दिया महाराज जी आपके ब्रह्मचारी बड़े जबरदस्त है सारे। तो मैंने श्रीधर महाराज जी का उनका प्रसन्न प्रभु जी का नाम ले लिया, नवीन जी का नाम ले लिया, लेकिन मैं इनके बारे में कहना भूल गया, नाम लेना भूल गया। तो महाराज जी ने खुद अपने आप बोला, कहते नहीं सुबह सका प्रभु बहुत पक्के हैं। अब महाराज जी मेरे को क्यों बोल रहे हैं, पता उन्होंने क्या बात कही, शायद किसी को भी नहीं पता, पहली बार ये बात मैं मुंह से बता रहा हूँ, किसी को मैंने बताया नहीं आज तक। महाराज जी कहते हैं वो इतने पक्के हैं, उनके बारे में कह रहे थे बंद महाराज जी के बारे में, कहते अगर उनको एक पैसा भी मिले तो सारा मुझे ला के देते हैं, कभी एक पैसा भी नहीं रखते। दोस्तों ये कोई आसान काम नहीं है, एक पैसा भी महाराज जी आज तक भी, और उस दिन हमारी मीटिंग में बैठे थे महाराज जी, उसकी मीटिंग हो रही थी आईजी बेटी की, तो कुछ लोग ऐसे बोल रहे थे पैसा नहीं दे रहे, ये नहीं कर रहे, वो नहीं कर रहे, महाराज जी के आंखों में आंसू आ गए। और महाराज जी ने पता क्या कहा, कहते मैंने आज तक एक पैसा एक छोटी बोतल पानी की भी अपने लिए नहीं खरीदी, जरा सोचो इस बात को, एक छोटी बोतल इनके मुख से मैंने सुना है। महाराज जी पूरी दुनिया में जाते हैं, कभी हॉलैंड, कभी फ्रांस, कभी यहाँ, कभी वहां, लेकिन गुरु सेवा के लिए कितने पक्के हैं ये, जरा इस बात को देखो। हम तो कभी लड्डू खा रहे हैं, कभी ये खा रहे हैं, कभी चाउमीन खा रहे हैं, कभी पिज्जा खा रहे हैं, कभी बर्गर खा रहे हैं। महाराज जी कहते हैं मैंने आज तक एक छोटी बोतल पानी की खरीद के अपने लिए नहीं खरीदी, एयरपोर्ट से भी कोई दूसरा देगा तो पीला नहीं तो कोई बात नहीं, सारे पैसे जो मिलते हैं आप जो देते हैं महाराज जी को ये सारी गुरु सेवा में लगाते हैं। रोक दिया प्रभु जी को, किंतु 2009-2010 नवदीप परिक्रमा की बात है, गुरु महाराज जी नवदीप मठ जिन्होंने दर्शन किया है उसमें अपनी भजन कुटी में पहली बार गुरु महाराज जी आए, और पूज्यपाद बन महाराज जी सारा विश्व में प्रचार करके और वो जितना उनको सेवा राशि मिली उसको लेकर गुरु जी के पास में आए और सब कुछ दे दिया, वो तो झाड़ देते थे अपनी झोली को। तो गुरु जी के निकट में रहते थे हम, तो जब महाराज जी चले गए, ये गुरु जी के शब्द में बतला रहा हूँ, गुरु महाराज जी ने अपने मुख से इस बात को कहा, बंगला भाषा में कहा उन्होंने, वहाँ दो चार लोग थे, कि ये गुरु जी के शब्द बतला रहा हूँ, गुरु जी कह रहे हैं, गुरु जी कहते बन महाराज सारा दुनिया घूरे और जा किछु पाए सब हमारे काछे ऐसे झेड़े रहे, ये गुरु जी के एज इट इज शब्द बता रहा हूँ। गुरु जी कहते बन महाराज जी सारी दुनिया में घूमते हैं और जो कुछ मिलता है वो सब कुछ मेरे पास में आकर के झाड़ देते हैं और खाली झोली वापस चले जाते हैं, बार बार भर के लाते हैं मेरे पास में झाड़ देते हैं। और हमारे पूज्यपाद श्रीधर महाराज जी देखे स्नेह प्रमाण करता है, स्नेह महाराज जी के गुरु जी का जो दीक्षा गुरु सिद्धांत गोस्वामी महाराज जी उनका एक वैशिष्ट रहा, उन्होंने जगत में शिक्षा गुरु को क्या मर्यादा देते हैं, पूज्यपाद श्रीधर महाराज जी के जो दीक्षा गुरु है श्रीला सिद्धांत गोस्वामी महाराज जी उन्होंने जगत में आदर्श स्थापन किया कि शिक्षा गुरु किसको कहते हैं, जितनी दीक्षा गुरु की सेवा जितनी दीक्षा गुरु का सम्मान है उस उतना ही उन्होंने श्रीला भक्ति में भारती गोस्वामी महाराज जो उनको मठ में लाए जिन्होंने पढ़ाया लिखाया सिखाया। महाराज जी का जीवन देखिए बड़ी ये सरल सहज सब ज्येष्ठ वैष्णवों से सीखने की बात है, पूरे संसार में भ्रमण करते हैं दीक्षा गुरु की महिमा का गुणगान करते हैं किंतु साल में दो बार उनकी तिथियों पे आविर्भाव तिथि तिरुभाव तिथि, ऐसे तो दीक्षा गुरु का ही सब कुछ दिया हुआ है किंतु गुरु महाराज जिनके शिक्षा गुरु हैं जहां जाएंगे गुरु जी ने जैसे इनको आत्मसात किया वैसे इन लोगों ने भी गुरु जी को जैसे आत्मसात किया। और इसी बात का प्रमाण है गुरु महाराज जी वर्ष 2008 में गोवर्धन परिक्रमा के समय ब्रजमंडल परिक्रमा के समय गोवर्धन में उन्होंने बड़े स्पष्ट शब्दों में इस बात को कहा गुरु महाराज जी ने, मेरे सब सन्यासी जो हैं वो मुझको समान रूप से प्रिय हैं और सबको अधिकार देकर गए गुरु महाराज सबको अधिकार देकर गए। तो जैसे गुरु जी ने इनको आत्मसात किया सबने वैसे ही गुरु जी को आत्मसात किया, संबंध दोनों ओर से होता है। गुरु महाराज जी ने जैसी उदारता दिखाई उनका तो चरित्र बड़ा उदार था, ऐसा इन लोगों ने जैसी सेवा की है
बहुत कुछ इनसे सीखने का है। पूरे वर्ष इधर उधर भ्रमण करेंगे और जहां जाएंगे गुरु महाराज जी के मुख से सुनी बात, गुरु महाराज जी की महिमा, गुरु महाराज जी की महिमा। हम लोगों ने भी इनसे बहुत कुछ सीखा है। पूज्यपाद बल महाराज जी से हम तो छोटे छोटे होते थे। पूज्यपाद शंकर महाराज जी, किसी भी समय चले जाइए आप रूप सनातन मठ में, ये कोई अतिशोक्ति की बात नहीं है, बड़ा चढ़ाकर नहीं कही गई। किसी भी समय चले जाइए मठ में, उसी समय हरि कथा कहने के लिए प्रस्तुत है, उसी समय। और गुरु जी की कथाएं आती है ना पुरानी, आप ऑडियो सुनो गुरु जी की, हर जगह बैठे हैं गुरु जी श्लोक बोल रहे हैं। हमारे पूज्यपाद माधव महाराज जी भी गुरु जी श्लोक बोल रहे हैं और उनसे पहले झट करके श्लोक बोल देते हैं। बहुत ही इनसे बहुत कुछ हम लोग इनसे सीख सकते हैं। तो ऐसे कहने के लिए तो बहुत कुछ है। प्रभु जी को फिर से कुछ याद आ गया। मैं क्योंकि मैंने महाराज जी के बारे में बोला, लेकिन आप ये मत समझना माधव महाराज और हमारे तीर्थ महाराज, माधव महाराज की थोड़ी सी हाँ जल्दी बोलो। तो माधव महाराज जी के जिसने सुना है, गोकुल चंद जी का सुना आपने जूम के ऊपर? नहीं सुना, फिर सुना देता हूँ। गोकुल चंद प्रभु जी इस बात को बयान कर रहे थे कि जम्मू कश्मीर में एक बार गुरु जी गए और वहाँ पे कुछ करने के लिए गए थे, वो कुछ प्रचार करने के लिए, कुछ टीवी का रिकॉर्डिंग भी करना चाहते थे। तो कहते हैं मेरे को उनकी सेवा को, गुरु जी बीमार हो गए अचानक से और कहते हैं मुझे सेवा का मौका मिल गया। तो गुरु जी बीमार थे और पता नहीं माधव महाराज जी को कहीं जाना पड़ गया, गोकुल चंद प्रभु जी अकेले थे। तो गुरु जी उल्टी करने लगे, तो जब उल्टी की तो उन्होंने कहते हैं पूरा स्पर्श पे उल्टी चारों तरफ फैल गई। कहते मैंने पोंछा लगाया साफ की, महाराज जी बिना उसको बताए, गोकुल चंद प्रभु को बताए, शांति से बाथरूम जाने लगे रात को उठ गए, क्योंकि वो डिस्टर्ब नहीं करते थे किसी को। गोकुल चंद प्रभु जी फटाफट उठे, उनको साथ लेके गए। तो कह रहे अगले दिन माधव महाराज जी आ गए। अब माधव महाराज जी जब आए, गुरु जी ने फिर से उल्टी की। कहते इस बार जो उल्टी की माधव महाराज जी ने पता क्या किया, अपने दोनों हाथों से उसको उल्टी को अपने हाथों में लिया और उसको वहां पर बाथरूम में फेंक गया, छिड़क गया। तो ये होती सेवा की परिपाटी। हम लोग तो अपने बच्चे के लिए भी काम ना करें, बोले यार थोड़ी घिन आती है, बदबू आ रही है इसमें, लेकिन गुरु की सेवा ऐसे होती है। ये लोग साधारण नहीं है जो सब यहाँ बैठे हैं। हमारे तीर्थ महाराज जी को देख लो, इतना काम करते थे, सारी परिक्रमा चलाते थे, लेकिन आप उनको ज्यादातर पाओगे तो कढ़ाई पे वो पूड़ी निकालते मिलेंगे आपको, एक झाड़ू लगाते हुए कहीं पूड़ी बन रहे हो बेल रहे होते थे। दोष निकालना सब में देखोगे, ये तो मीठा खाता है, ये ऐसा करता है, वो ऐसा करता है, लेकिन तुम उनकी सेवाओं को देखोगे ना, हम जीवन भर जिंदगी में कभी नहीं कर पाएंगे ऐसी सेवा जैसे तीर्थ महाराज जी करते थे। कढ़ाई चलाना, झाड़ू लगाना, सफाई करना, जो बोलो करने को तैयार है। और हमारे प्रेमानंद प्रभु उनको देख लो क्या सेवा करते थे। सारी परिक्रमा का संचालन, खाना पीना वही चलाते थे, लेकिन कभी सामने नजर नहीं आते, अभी भी नहीं आते, पता नहीं कहाँ रहते, छुपके गुरु जी को बुलाना पड़ता था उनके बारे में बोलने के लिए, उनको बुलाओ प्रेमानंद को बुलाओ। तो इस तरह से हर वैष्णव का गुरु जी के जो शिष्य हैं, प्रधान शिष्य जिनका मैंने वर्णन किया, ये महाराज जी के बहुत सुंदर सुंदर फूल हैं। ये महाराज जी का ही हार्ट है, उनका ही जिगर है, ये उनको छोड़ के गए हैं ना। महाराज जी ने कहा कि मैं जाऊंगा एक नारायण महाराज जाऊंगा और 100 छोड़ के जाऊंगा। ये सब नारायण महाराज की तरह ही हैं। इनकी अभी महिमा शुरू हुई है, अभी तो इनका प्रकाश होना बाकी है दुनिया में। मैं कह रहा हूँ ना बाढ़ आने वाली, ऐसे नहीं कह रहा, महाराज जी की बात को कह रहा हूँ मैं। 100 साल गुरु जी ने कहा, 100 साल बाद तुम देखना क्या होता है, लोगों को तब पता चलेगा मैं कौन हूँ। और जो इस्कॉन गुरु जी के बारे में कटाक्ष करता था कि ये ऐसी ऐसी कथाएं करते हैं, ऐसी करते हैं, आज आपको पता क्या हुआ सुबह सुबह, अगर आपने व्हाट्सएप देखा हो तो, इस्कॉन के अमोघ लीला प्रभु हैं, बहुत फेमस हैं, उन्होंने महाराज जी के बारे में करीब 15-20 मिनट उनकी महिमा गाई है। और काफी लोग उनके अगेंस्ट भी बोल रहे हैं इस्कॉन के, और काफी लोग कह रहे हैं कि तो नारायण महाराज की महिमा क्यों कर रहे, जिनका विचार उल्टा है, जो तो नहीं चाहते कि, क्योंकि अगर महाराज जी को इस्कॉन इतना घबरा गया था उस समय महाराज जी से, कि अगर इस्कॉन में महाराज जी को आने देते इस्कॉन खाली हो जाता, मैं बता रहा हूँ, अभी भी खाली हो गया काफी कुछ, जो ऊपर के टॉप लोग हैं तो गुरु जी के पास आ गए हैं, जो नए नए भक्त हैं वो नहीं आ पाए, क्योंकि वो बेचारों को मिसलीड किया गया, उनको पता नहीं है, उनको बोल दिया कि ऐसे वैसे। लेकिन अब महाराज जी को छुपा हुआ नहीं रख सकतेगा वो, महाराज जी ऐसा प्रकाश है, उनको कितने छुपने छुपा हुआ रखोगे, नहीं, वो तो प्रकट होगा, सूर्य की भांति है, सूर्य को कोई बादल छुपा सकता है? सूर्य को थोड़ी देर के लिए आप छुपा सकते हो एक जगह पे, वहां पे वो फिर नजर आ जाएगा। तो इस तरह से अब गुरु जी का प्रकाश होना शुरू हुआ है, जैसे प्रभु जी कह रहे थे अपने एक वक्तव्य में, ये बहुत इसमें लहरियां आनी है, उतार चढ़ाव आने हैं, वो भी पूरा साल आता रहेगा, बाकी है, खत्म नहीं हो रहा, ये चलता ही रहेगा ऐसे, और इसके बाद पूरी धरती पे हर जगह भगवान का नाम होगा, ये महाराज जी के प्रकाश से। राजकुमार इधर आ जाओ, ऐसे महाराज जी के चरणों में मेरा अनंत कोटि दंडवत प्रणाम, ऐसे वैष्णव जो महाराज जी छोड़ के गए उनके चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम, और मैं यही आशा करता हूँ कि जीवन भर इनकी सेवा करता रहूँ निष्कपट रूप से और इनके आशीर्वाद का पात्र बनूँ। वांछा कल्प दुर्दर्शन के पास यहाँ पर गुरु जी की बहुत सारे शिष्य है, लेकिन लोगों को भूख लग रहा है, बहुत ज्यादा समय हो गया,
सबके साथ 10 बजे से कोई 9 बजे से आए हुए, बहुत समय हो गया। महाराज को भी बड़े दूर तक, मेरे को भी बहुत दूर तक जाना है, इसलिए यहाँ पर श्री कमल प्रभु जी, श्री नवीन प्रभु जी और रोहिणी सुत प्रभु जी, दामोदर प्रभु जी, गुरु जी के बहुत बहुत सारे शिष्य लोग यहाँ पर है। बहुत अच्छी अच्छी गुरु जी के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बात बताते हैं, लेकिन हमारे ये जो प्रोग्राम को श्री राजकुमार प्रभु जी और ये गुरु जी की ये सेंटेनियर उपलक्ष्य में और बहुत सारे भक्त लोग भी कोई तन से, कोई धन से, कोई मन से सेवा किया है। अभी हमारे श्री राजकुमार प्रभु जी कैसे कैसे कौन क्या क्या सेवा किया सबको, ये सब उनका थोड़ा नाम लेकर के आशीर्वाद देंगे सी। और मैं एक मिनट एक थोड़ी सी कथा बोल देता हूँ। अभी हम लोग अभी गुरु जी का जो सेंटेनियर हम बना रहे हैं, अभी सबके सब अलग 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 जगह पर बना रहे हैं सबके सब। अभी प्रश्न होता है, गुरुदेव ने हमें ऐसे कौन सा चीज दे कर गए जो कि हम सबके सब उनकी महिमा को गा रहे हैं। एक दिन बनवाराज जी बोल रहे थे, गुरु जी की इतने महिमा है, अगर ये पृथ्वी को कागज बना दिया जाए और समुद्र पानी को शाही बना दिया जाए, जितने सारे वृक्ष को अगर कलम पेन बना दिया जाए, तभी गुरु जी की महिमा को कोई गा नहीं सकते, कोई लिख नहीं सकते। इतने गुरु जी की महिमा है, कारण किया है। इसलिए इसी विषय में श्री जीव गोस्वामी एक छोटी सी कथा सुनाते हैं। एक समय भगवान कृष्ण ने सारे वेद पुराण उपनिषद जितने सारे ग्रंथों को उन्होंने बुलाए, तब भगवान ने सबसे एक प्रश्न किया। भगवान का प्रश्न ये था, ये बताओ ऐसे कौन सा सबसे सरल उपाय है जिसको द्वारा हम भगवान का प्रेम को, भक्ति को और भगवान को वशीभूत कर सकते, भगवत प्राप्ति हो सकता है, सबके सब भक्ति का डेफिनेशन बताओ। तब उन्होंने वेद को पहले खड़े किया, वेद भी खड़े होकर को भी बड़े बड़े अपना अपना ऋचाएं, बड़े बड़े सूत्रों को गाए, लेकिन भगवान तो सुने, लेकिन भगवान को प्रसन्नता नहीं हुई, बोले बैठ जाओ। वेद बैठ गया, फिर उन्होंने उपनिषदों को बुलाए, बोले उपनिषद तुम भी बताओ। उपनिषद भी बड़ी बड़ी उन्होंने ऋचाए, श्लोक उन्होंने बोले, सापरानुरक्ति ईश्वरे है, और उन्होंने अनन्य ममता भक्ति ममता उन्होंने बड़ी बड़ी उन्होंने लेक्चर दिया, लेकिन भगवान कृष्ण प्रसन्न नहीं होले, बैठ गया। अरे ब्रह्म सूत्र को खड़े किए, अभी ब्रह्म सूत्र भी खड़ा हो गया, खड़े होकर को भी अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा शास्त्र जोनिता, उन्होंने भी बहुत कुछ लेक्चर दिए, लेकिन भगवान ने संतुष्ट नहीं हुए, बोले तुम भी बैठ जाओ। अभी सब शास्त्र सोच रहे हैं, हम इतने सुंदर सुंदर बात बोलते हैं, लेकिन ठाकुर जी खुश क्यों नहीं हो रहे। तो उन्होंने फिर उन्होंने खड़े किए, किसको खड़े किए, सारे पुराणों को 18-17 पुराणों को खड़े किए, वो भी खड़े होकर वो भी बड़ी बड़ी अपना लेक्चर दिए, लेकिन भगवान प्रसन्न नहीं हुए। फिर रह गया महाभारत में भगवत गीता, रह गया उन्होंने गीता को भी उन्होंने खड़े किए, महाभारत भी वो भी बड़े बड़े लेक्चर दिए, लेकिन भगवान खुश नहीं हुए, तुम भी बैठ जाओ। अभी सारे शास्त्र परेशानी, हम इतने सुंदर सुंदर बात बताते हैं, लेकिन ठाकुर जी खुश नहीं हो। अभी एक ग्रंथ लास्ट में रह गया, कौन सा ग्रंथ है, कहते ये श्रीमद् भागवत ग्रंथ रह गया। सबके सब भागवत को मुंह देख रहे हैं, हम सबके सब तो फेल हो गए, खुश नहीं हुए। अभी ये भागवत क्या बोलता है, जब भागवत ग्रंथों को खड़े किए, तब भागवत ने 2 श्लोकों को उन्होंने बताया। एक श्लोक है श्री रघुगण महाराज को श्री भरत महाराज कह रहे हैं, बोले क्या कह रहे हैं, बोले रघुगण न तपस्या न जाति न इज्जया निर्वापना गृहात्वा नैव छन्दासि नैव जलाग्नि बिना महत पदो रजोभिषेकम्। देखो इसमें क्या कह रहे हैं, बोले रघुगण न तपस्या, भगवान तपस्या से नहीं मिलते, न जाति किसी श्रेष्ठ कुल में जन्म हो गया क्या भगवान मिल जाएंगे, बोले नहीं। बोले दिन रात हम वेद पढ़ते हैं क्या मिल जाएगा, बोले नहीं। बोले हमने घर बार छोड़कर जटाजूट धारण करके जंगल में चल संन्यास ले लिया क्या उससे मिलेंगे, बोले नहीं। बोले दिन रात हम अग्नि और अग्नि देवता को दिन भर पूजा करते हैं क्या उससे मिलेगा, बोले नहीं। बोले मिलेगा कैसे, बोले मिलेगा तभी बिना महत पदो रजो विषेकम्। जब तक किसी महान संतों की शरण में जब तक हम नहीं जाते हैं,
कहते महत कृपा बिना कौन कर्म भक्ति नहीं। जब तक हम किसी संतों की कृपा नहीं हो जाए, भले ही तुम दुनिया में जितने रगड़ लो अपने आप को, कुछ भी होने वाले नहीं। कहते उन्होंने ये एक दूसरा श्लोक उन्होंने उद्धृत किया, जब प्रहलाद को उनको पिताजी ने गुरुकुल में भेजा था लिखाई पढ़ाई करने के लिए, जब पढ़ लिख करके आ गया, जब उन्होंने प्रश्न किया बताओ गुरुजी ने क्या सिखा दिया, उत्तम विद्या में सबसे उत्तम विद्या तुमने क्या पढ़ी, तो उन्होंने तो बताया बताना शुरू कर दिया, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। मतलब भगवान की जो नव विद्या भक्ति है, भगवान की कथा सुना, कीर्तन करो, स्मरण करो, उनकी चरण की पूजा करो, उनकी सख्य, जो नौ तरह का भक्ति की जो बात बताई, बोले तेरी बुद्धि किसने बिगाड़ी, राक्षस था ना है, वो जो भगवान की भक्ति की बात, बोले तेरी बुद्धि, ये क्या संधा अमर को जो तेरे गुरु थे, क्या उन्होंने तेरी बुद्धि बिगाड़ दिए। तब प्रहलाद कहते हैं, बोले नैसांग मति स्थावत गुरु क्रमांग्री, बोले पिताजी आप जो कह रहे हो ये संधा अमर कर, संधा मतलब क्या, सार, अमर मतलब बंदर, जो कृष्ण भक्ति की शिक्षा नहीं दे करके केवल पैसा कमाओगे, कैसे पैसा कमाओगे, ये जो शिक्षा देते ना, सो सार और बंदर ही सबके सब, बोले ये सार बंदर मेरे बुद्धि का बदलाएंगे हैं, इसलिए पिताजी तब तक ये बुद्धि भगवान के चरण में नहीं लग सकता है, निष्किंचना नाम न प्रणीत जावत, जब तक किसी निष्किंचन भक्तों को शरण में आप नहीं जाओगे, कुछ भी जीवन में कर लो कुछ भी होने वाले नहीं, केवल कृपा होगी जब हम किसी संतों की शरण में जाएंगे। इसलिए गुरु जी की इतने महिमा, कृष्ण स्वयं कहते हैं अनु ब्रजामि अहम नित्यम पुये एत अंग रेणु भी, मैं स्वयं भक्तों की प्रेम में इतने वशीभूत हूँ, कृष्ण स्वयं कहते हैं मैं भक्तों को पीछे 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 चलता हूँ। बोले क्यों, बोले ये मेरे लोग मेरी सेवा करते 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 मेरे को इतना ऋणी ग्रस्त बना दिए, इतने सेवा करते मैं जब कहता हूँ कुछ मुक्त कुछ चाहिए, कहते प्रभु नना कप्रेष्टम न च पारमेष्टम, हमें स्वर्ग नहीं चाहिए, हमें मोक्ष नहीं चाहिए, हमें रसातल का राज्य नहीं चाहिए, पृथ्वी का राज्य नहीं चाहिए। बोले क्या चाहिए, बोले तेरे विरह चाहिए, दिन रात तेरे गुण कीर्तन करे, तेरे सेवा करे। भगवान कहते फिर मैं उनका प्रेम में वशीभूत हो जाता हूँ। फिर भगवान सोचते हैं इनके ऋणी से उऋणी कैसे बने, कहते अगर इनकी चरण धूलि अगर भक्तों का मिल जाए तब मैं पवित्र हो जाऊंगा, ऋणी से उऋणी हो जाऊंगा। लेकिन कोई भक्त भगवान को थोड़ी चरण धूलि देगा ही नहीं, इसे ठाकुर जी कहते मैं छुप छुप करके भक्तों को पीछे पीछे चलता हूँ। भले क्यों, जब चलेंगे अगर उनकी चरण धूल उड़ करके मेरे सर पर पड़ेगा तो मैं स्वयं पवित्र बन जाऊंगा। ये कौन कह रहे हैं, ये स्वयं कृष्ण कह रहे हैं। भक्तों की इतने महिमा भक्तों की, इसलिए गुरु जी की जगत में महिमा कारण क्या है, कारण है इन लोगों ने भगवान की भक्ति की, भजन की, इसलिए इनकी चरण में हम ऋणी है। अगर ये महापुरुष नहीं आते तो हम इतने व्यक्ति भगवान के भजन में हम लगते नहीं। इसलिए प्रभुपाद स्वयं कहते हैं किसी तरह से अगर एक व्यक्ति को जो माया में फंसे हुए भूले भटकते हुए एक व्यक्ति को अगर किसी तरह से भजन में लगा दिया ना, बोले करोड़ों करोड़ों हॉस्पिटल कोई खोल दे, करोड़ों करोड़ों अन्न छत्र खोल दे, करोड़ों करोड़ स्कूल कॉलेज खोल दे, उसमें जो पुण्य मिलेगा अगर एक व्यक्ति को अगर किसी तरह से प्रभु का भजन में लगा दे तो करोड़ों गुण उसको ज्यादा पुण्य मिलेगा, प्रभुपाद कहते हैं। लेकिन इतने अनंत जीवों को जिसने भगवान के भजन में लगा कर गए, ये कोई साधारण बात है, कोई साधारण बात नहीं, इतने जीवों को उन्होंने जो भगवान के भजन में लगाए, इसलिए हम लोग बड़े सौभाग्यवान ऐसे महापुरुष का दर्शन मिला और ऐसे महापुरुष से कथा सुनने को मिली, चरण आश्रय हमने किया है, इसलिए हम लोग बड़े भाग्यवान, आप लोग भी बड़े भाग्यवान हो, क्योंकि आप लोग बोलेगा हम तो उनका शिष्य नहीं, लेकिन देखना पिताजी अपना बेटे को जितना प्यार करते ना, बेटे को ज्यादा प्यार करता है, देखे कि नहीं, अपना नाती पोती में ज्यादा, इसलिए आप लोग क्या लगते हो, आप लोग भी कोई उनको बेटा, आप भी कोई पोते और कोई आप लोग नाती भी गुरु जी के हो, इसलिए गुरु जी की हम सबको ऊपर में प्यार है गुरु जी की। इसलिए बहुत समय हो गया है, अभी श्री राजकुमारी प्रभु जी लास्ट में इसी प्रोग्राम में किन किनियों ने कैसे कैसे मदद किया, ये थोड़ी भी इसी विषय पर बोलेंगे, इसको बाद में हम एक गुरु जी का एक प्रिय भजन है, ये बेटी गुरु जी का एक प्रिय भजन गा लेगी,
अरे कि माता जी बलि डाल कीर्तन इसको द्वारा कथा को विश्राम दे करके प्रसाद बांट रहे सबके जन राजकुमार। हरे कृष्णा। हमारे गुरु महाराज जी बड़ा परिश्रम करके बहुत सारे ग्रंथों को प्रकाशित करते थे। गुरु महाराज जी की कृपा से ही हम लोगों ने छोटा सा अभी नवदीप परिक्रमा आ रही है ना, तो ये छोटा सा एक नवदीप धाम नवदीप शतकम है जिसमें 100 श्लोकों में श्री नवदीप धाम के एक एक दीप की बड़ी सुंदर महिमा इसमें वर्णन की गई है। केवल 50 रुपए इसकी भिक्षा है। हमारे भक्त लोग उधर देंगे ग्रंथ को। कथा के बाद में आप लोगों से निवेदन है, इस ग्रंथ को आप लोग अवश्य संग्रह कीजिएगा। हम नवदीप धाम की परिक्रमा क्यों जाते हैं, किस भावना के साथ में जाना है, नवदीप धाम हमको क्या देने में सक्षम है, ये सब कुछ इस ग्रंथ में लिखा हुआ है। तो इस ग्रंथ को आप लोग अवश्य संग्रह करके जाइएगा। हमारे गुरु महाराज जी राधा कुंड है ना नवदीप धाम में, कोई कोई गए नवदीप धाम, कौन कौन गए? राधा कुंड है ना नवदीप धाम में, वहां पर हमारे गुरु महाराज जी एक बार हरि कथा कह रहे थे और गुरु जी ने एक बात कही कि राधा जी की महिमा भागवत में छुपा कर कही गई है और हमारे बहुत सारे गोस्वामियों ने बड़ी चेष्टा की राधा जी की महिमा को ना कहें, है अनाधिकारी व्यक्ति का इसमें प्रवेश ना हो। जयदेव गोस्वामी जी एक हुए जिन्होंने गीत गोविंद लिखा, वो राधा जी की महिमा बहुत चेष्टा की, उनके मन में विचार आया राधा जी के चरण में कृष्ण अपना मस्तक रख देते हैं ये तो बात ठीक नहीं है, उन्होंने नहीं लिखा। किंतु कृष्ण स्वयं आ गए जयदेव गोस्वामी का रूप लेके और लिख दिया ग्रंथ में, स्मर गरल खंडनम मम शिरसि मंडनम देहि मे पद पल्लवम उदारम। तो गुरु जी कहते राधा जी की महिमा छुपाने की बड़ी कोशिश की किंतु कृष्ण ने स्वयं प्रकाशित कर दी। तो गुरु जी कहते अरे अग्नि को आग को कोई वस्त्र से कपड़े से छुपा सकता है? तो गुरु जी की महिमा भी ऐसे ही है। अरे उसको कोई अग्नि से, अग्नि के समान, सूर्य के समान, कोटि कोटि सूर्य के समान गुरु जी की महिमा है, वो भला कभी छुपने वाली है? वो तो केवल इस जगत में नहीं त्रिभुवन में, एवे यश भूषुक त्रिभुवन, गुरु जी की महिमा तो त्रिभुवन में गुंजायमान हो रही है और गुंजायमान होगी। जय शिला भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी की जय। गुरु ये इस नाम कब होगा, इस नाम कब होगा ये? नमो विष्णुपादाय राधिकाय प्रियात्मने श्री शिवते भक्ति वेदांत शिल नारायण गोस्वामी नामिने श्री कृष्ण लीला कथने सुदक्षम औदार्य माधुर्य गुणेश युक्तम वरम वरेण्यम पुरुषम महंतम नारायणं त्वं श्रीपाद नमामि। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवशादि शिकार भक्त वृंदा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम अस्मदीय गुरुपाद पदों प्रातःकालीन स्मरणीय नित्य लीला पृष्ठम जगत गुरु ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर तथा श्री श्रीमद भक्तिवेदांत परमहंस प्रचार्य वक्रदंडी स्वामी श्रील नारायण गोस्वामी महाराज जी के श्री अभयचरण कमलों में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतुकी कृपा की प्रार्थना करता हूँ। तदुपरांत मध्य शिक्षा गुरुदेव श्री श्रीमद भक्तिवेदांत श्रीधर गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण कमलों में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तदुपरांत उन्हीं के सर्वतीर्थ श्री श्रीमद भक्तिवेदांत श्री बन गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण कमलों में भी अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी भी कृपा की प्रार्थना करता हूँ। तदुपरांत मन चासी त्रिदंडी पादगण वैष्णव वैष्णवी सभी के चरणों में मेरा यथोक्त दंडवत प्रणाम है। हरे कृष्ण। जैसा कि हम सब लोग यहाँ देख रहे हैं एक प्रकार का जैसे मेला लगा हुआ है और ये गुरुदेव का ही प्रभाव है कि वो वीराने को भी मेला जैसा बना सकते हैं, ये मैं कुछ अनुभव कर रहा हूँ इस बात का। जैसा जैसा हमारे महाराज लोगों ने आप लोगों को कथा सुनाई, इतनी दिव्य और अद्भुत मधुर कथाएं ये श्रीमद् महाप्रभु की ही धारा में संभव है सुनने के लिए, अन्यथा कहीं भी नहीं है। जैसा महाराज जी कह रहे हैं कि बस ज़्यादा समय नहीं लेना, जिन जिन लोगों ने इस प्रोग्राम के लिए गुरुदेव की शतवार्षिकी महामहोत्सव के लिए जिस प्रकार से सेवाएं करी हैं उनकी कुछ महाराज जी कह रहे हैं कि धन्यवाद कर दिया जाए। उस धन्यवाद से पहले गुरुदेव के प्रति जो पुष्पांजलि स्वरूप 2 मिनट का मैं समय चाहूँगा आप सब लोगों से, आप सब उस बात को सुनेंगे जो मैं अपने हृदय की भावना गुरुदेव के चरणों में समर्पित कर रहा हूँ, एक गीत के रूप में आप लोग सुनेंगे। कर प्रणाम कृपा जो उनकी आज अनुभव होती है, रिश्ता बड़ा पुराना उनसे ये सोच के बतिया होती है, रिश्ता बड़ा पुराना उनसे
ये सोच के बतिया होती हैं। कृपा कर जो शब्द कहे थे वो शब्द शब्द ब्रह्म के मोती हैं। कर प्रणाम कृपा जो उनकी आज अनुभव होती है। कर प्रणाम कृपा जो उनकी आज अनुभव होती है। धर नारायण गुरु वेद जगत में फूल प्रेम के पोती है। कर प्रणाम कृपा जो उनकी आज अनुभव होती है। ब्रजरथ का वो पान कराती मैल दिलों के धोती है। कर प्रणाम कृपा जो उनकी आज अनुभव होती है। कर प्रणाम कृपा जो उनकी आज अनुभव होती है। वो श्यामा झुकी तखी मंजरी वो राधे झुकी तखी मंजरी रमण मंजरी होती है। कर प्रणाम कृपा जो उनकी आज अनुभव होती है। कर प्रणाम कृपा जो उनकी आज अनुभव होती है। रिश्ता बड़ा पुराना उनसे ये सोच के बतिया होती हैं। रिश्ता बड़ा पुराना उनसे ये सोच के अखियां रोती हैं। कर प्रणाम कृपा जो उनकी कर प्रणाम कृपा जो उनकी आज अनुभव होती है। रिश्ता बड़ा पुराना उनसे ये सोच के अखियां रोती हैं। बोलो श्री गुरु जी महाराज की। शुभ शतवार्षिकी व्यास पूजा महा महोत्सव की। समस्त कृपानुगुरु वर्ग की जय जय श्री राधे। अब मैं उन लोगों का नाम लूंगा जिसमें इस प्रोग्राम में जिन्होंने विशेष विशेष रूप से सहयोग करा है। आप सब लोग ताली बजाकर बहुत बड़े दिल से उनका स्वागत कीजिए। सबसे पहले जिस स्थान पर हम बैठे हुए हैं ये साईं वाटिका फार्म हाउस पिछले 5 वर्ष से हमको सेवा में देते चले आ रहे हैं। ऐसे हमारे श्री वीर सिंह निर्वाण जी जिनको प्रेम से हम कालू अंकल कहते हैं उनके लिए आप एक बार जोरदार तालियां बजाकर धन्यवाद दीजिए। और दूसरे हमारे श्री राजेंद्र अंकल जी जो शिल महाराज जी के चरणाश्रित हैं उनके शिष्य भी हैं। इस कार्यक्रम के लिए पिछले 20-21 दिनों से वो लगातार अपने संपर्क में लोगों को बता रहे हैं और भिक्षा घर घर में जाके मांग रहे हैं। तो ऐसे श्री राजेंद्र अंकल जी के लिए हम धन्यवाद अर्पण करते हैं। आप लोग ताली बजाकर उनका स्वागत कीजिए। और ये जो आप टेंट देख रहे हैं ना ये श्री महाराज जी का आदेश एक रूप में था सूक्ष्म रूप में कि टेंट लगा के कुछ करना। तो उस तरह का टेंट तो हम नहीं लगा पाए जिस तरह का टेंट सब जगह लग रहा है। तब पर भी गुरुदेव की जैसी कृपा हुई हमने प्रयास किया। लेकिन ये जो टेंट है ना ये सिर्फ कल सुबह ही हुआ है, परसों रात तक नहीं हो पा रहा था क्योंकि आज बहुत तरह के प्रोग्राम्स थे। तो हमने 3-4 लोगों को बात करी तो नहीं हो पाया। तो एक हमारी माता जी हैं कुसुम माता जी जो राजेंद्र अंकल की धर्मपत्नी हैं उनके किसी संपर्क में उन्होंने फोन करके ये सारा टेंट मंगा दिया जितना भी हो पाया कल सुबह ही और कल दिन में लग भी गया। और फिर हमारी एक सालू दीदी हैं। ये सालू दीदी हैं क्या यहाँ? वैसे तो वो दिख जाएंगी दूर से ही। हाँ वो दूर से ही दिख जाती हैं। ये और इनके जो पति देव है ना पंडित जी ये भी मतलब कि गुरुदेव की कृपा से इनके हृदय में ऐसा परिवर्तन हो रहा है कि घर घर जाके भिक्षा मांग रहे हैं गुरुदेव की शतवार्षिकी की तिथि के लिए। और ये जो भंडारा देख रहे हैं ना आज हमने तकरीबन लोग तो उतने नहीं है पर हमने 500 से 600 लोगों की व्यवस्था करी है भंडारे की। और जब आप भंडारा प्रसाद पाएंगे तो आपको पता भी चल जाएगा कि भंडारे में क्या क्या है। वो सारी व्यवस्था जो है इन्हीं कुछ लोगों ने घर घर जाके भिक्षा मांग मांग के इस पूरे 500-600 लोगों के भंडारे को पूरा किया है। फिर हमारे एक वशिष्ठ जी हैं संजय वशिष्ठ प्रभु जो मेरे गुरु भाई हैं वो समय समय पर यहाँ आते रहते हैं गुरुदेव की कथाओं का कुछ वितरण करते रहते हैं। उनके लिए भी आप ताली बजाकर उनका स्वागत कीजिए। और फिर हमारे रोहिणी प्रभु जो सुबह से ही कल से ही यहाँ आके
सारी सेवाओं में लगे हुए हैं और महाराज लोगों के लिए जो विशेष रूप से प्रसाद बना है आज वो सब उन्होंने ही श्री हमारे राजेंद्र अंकल जी के घर वो बना रहे हैं। सुबह से वो वहीं है, यहाँ आए नहीं है अभी तक, तो उनके लिए भी आप जोरदार तालियां बजाइए। और हमारे दामोदर प्रभु वो भी कल सुबह यहाँ आ गए थे, वो घर से पहले मंडी गए फूल लेने और आदि आदि चीजें, 5 बजे वो निकल गए। पूज्य पाद जीत प्रभु ने उनको फोन करा कि आप वहाँ चले जाओ गाजीपुर मंडी, और मोहनगर से भक्त लोग आ रहे हैं उनको फूल लेके सीधा मोहनगर चले जाना। तो 5 बजे फूल मंडी जाके सीधा यहाँ आ गए और फिर उन्होंने सारी व्यवस्थाओं में अपना जो अनुभव था वो हम लोगों को देकर इसको पूर्ण कराया। उनके लिए भी जोरदार तालियां बजाइए आप लोग। और हमारी गली नंबर 16 के कुछ भक्त लोग बैठे हुए हैं, इनको देख के मेरे को बड़ी प्रसन्नता होती है। और गली नंबर 19 के कुछ भक्त लोग बैठे हुए हैं, हम समय कम होने के कारण खूब प्रचार नहीं कर पाए इस प्रोग्राम का, तब पर भी जितना हो पाया आप इन गली नंबर 16 और 19 के लोगों के लिए भी तालियां बजाइए। और पूरे जो कलोनी वासी हैं एक बार उनके लिए जोरदार ताली बजाइए। और हमारे एक संजय पांडे भैया है गरिमा गार्डन से अशोक वाटिका से, ये भी अभी महाराज जी के चरण आश्रित हुए हैं, नए भक्त हैं, तब पर भी इन्होंने अपना बहुत योगदान इस प्रोग्राम के लिए दिया है, इनके लिए भी जोरदार ताली बजाइए। और हमारे एक सक्सेना प्रभु जी हैं और रश्मि माता जी, ये भी बुजुर्ग हैं, सीनियर सिटीजन हैं, 60 वर्ष से ऊपर है, तब पर भी ये रात यहाँ 11:30-12 बजे तक थे हमारे साथ ये टेंट को लगवाने में। दोनों सीनियर सिटीजन है, 62-64 साल उम्र है, तब पर भी 12:30-12 बजे तक यहीं थे, उनके लिए भी आप जोरदार ताली बजाइए। और हमारे शालीमार गार्डन के भक्त जो यहाँ आए हुए हैं, दिलशाद गार्डन के जो भक्त आए हुए हैं, सभी लोगों ने सब प्रकार से सहयोग किया है गुरुदेव की सेवा को पूर्ण करने में। और विशेष धन्यवाद जो एक रह जाता है उसको आप ध्यान से सुनेंगे और जोरदार ताली बजाकर उसको पूर्ण करेंगे। हमारे श्री विनोद बिहारी गौरी अमठ नोएडा के जो ब्रह्मचारी आए हैं महाराज जी के आदेश से, जिस प्रभु के कहने से, वो कल सुबह यहाँ आकर ये जो सुंदर आप गुरुदेव का एक मंडप देख रहे हैं ना, इसको बनाने में मैं समझ रहा हूँ पूरा 10 से 12 घंटा लगा है, रात को 1:30 बजे तक ये बना है। और ये जो ब्रह्मचारी लोग यहाँ सेवा कर रहे थे ना, सच में गुरुदेव की कृपा का अनुभव कर रहा हूँ मैं तो इन लोगों का भी ऋणी हो गया। ऐसा मंडप हम नहीं बना सकते, ये लोग शाम से लगे तकरीबन 5:30-5 बजे से और 1:30 बजे तक ये मंडप बनाते रहे। तो इन सब लोगों का आप जोरदार ताली बजाकर स्वागत कीजिए। और जो एक नाम हमारी संतोष माता जी हैं, उन्होंने भी सब प्रकार से ये सेवा की है यहाँ पे, उनके लिए भी आप जोरदार ताली बजाइए। और सब आप लोगों का विशेष रूप से धन्यवाद करते हैं, जैसे महाराज जी हर भागवत के अंतिम दिन में कहते हैं कि सब प्रकार से सबकी महिमा है, लेकिन श्रोता ही नहीं होंगे तो किसी की भी महिमा नहीं है। आप सब लोग सुनने आए ना गुरुदेव की महिमा को, तो आप लोग आगे बैठे तब जाके ये प्रोग्राम हुआ, तो आप लोग अपने लिए भी एक जोरदार ताली बजाइए। बोलो सचिनंदन गौर हरि की जय, जय श्री राधे। हरे कृष्ण। अभी ठाकुर जी की आरती हो गई, आरती के बाद में अब थोड़ी सी भजन सुनकर भी जरूर जाना, ठीक है? सब खड़े हो जाओ, अभी ठाकुर जी की आरती होगी, गुरु जी की आरती। मेरे पीछे पीछे का आपका श्री गुरु चरण चाहिए, गुरु चरण पद केवल भगवती सब, श्री गुरु चरण I'm
Thank you.
और आज